श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय साईराम। नमस्ते फ्रेंड्स, हम लोग जब प्रोटूल्स खोलते हैं, प्रोटूल्स सॉफ्टवेयर जब खोलते हैं, तो हमारे सामने ऐसा एक विंडो आता है। तो ये जो टॉपिक्स है ये है ओरिएंटेशन ऑफ प्रोटूल्स, क्योंकि प्रोटूल्स का जो नॉब्स है, जो कंट्रोलर्स है, इसको जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप प्रोटूल्स को ऑपरेट कर नहीं सकेंगे कैसे भी करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक्स। यहाँ देखिए फाइल है, प्रोटूल्स में फाइल है, एडिट, इसके बाद व्यू, इसके बाद ट्रैक, क्लिप, इवेंट, ऑडियो सेट, ऑप्शंस, सेटअप, विंडोज, एविड लिंक एंड हेल्प। ये तो कोई भी सॉफ्टवेयर में आपको ऐसे कुछ चीज़ें को मिल जाते हैं, लेकिन इसके नीचे जो चीज़ें हैं, जैसे कि ये सेक्शन देखिए, यहाँ से लेके ये सेक्शन, और इसके बाद ये जो डिस्क, ये जो काउंटर है, ये काउंटर, और ये वाला जो ग्रिड एंड नॉज, उसके बाद ट्रांसपोर्ट पैनल, इसको बोलते हैं, आपको पता होगा कुछ देर के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि इसको ट्रांसपोर्ट पैनल बोलते हैं। और ये है हमारा मास्टर मीटर। बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करने से, जब भी आप कोई प्रोटूल्स को ओपन करेंगे तो उसको खोलने के बाद आपको ऐसा एक विंडो नज़र आएगा। ये जो विंडो आप देख रहे हैं इट्स कॉल्ड एडिट विंडो। यहाँ पे हम लोग एडिट करते हैं, हमारा जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है सब इसी ट्रैक, मतलब इसी पेज में होता है। अभी तक कोई ट्रैक हमने नहीं लिया। और ये है, इसके बाद जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा आपका मिक्स विंडो, जहाँ पे हम लोग मिक्स करते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे ट्रैक क्रिएट कर सकते हैं जिसका फेडर आपको नज़र आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले जब भी आप प्रो टूल्स खोलेंगे उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू ट्रैक। मतलब जब तक आप यहाँ पे ट्रैक क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आपको कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग करने का चांस नहीं मिलेगा, सुविधा नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आप क्रिएट न्यू ट्रैक का जो शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट आपको दबाना पड़ेगा, वो है शिफ्ट कंट्रोल एन। शिफ्ट कंट्रोल एन दबाने से आपको न्यू ट्रैक्स ऐसा आ जाएगा। तो आप मान लीजिए कि आप चार ट्रैक्स क्रिएट कर जाते हैं, तो आप चार या पाँच या छः, मान लीजिए कि आपके पास जो साउंड कार्ड है उसमें 8 इनपुट 8 आउटपुट है, तो आप 8 इनपुट ले लीजिएगा, क्रिएट 8 ट्रैक्स। मोनो ट्रैक्स ऑब्वियसली, अगर आपको मोनो ट्रैक्स लेना है तो आप मोनो ट्रैक भी ले सकते हैं, और इसकी जगह भी आप स्टूडियो ट्रैक भी ले सकते हैं। इसको क्लिक करने से आपको मोनो या स्टूडियो, ये दोनों का ऑप्शन देगा। इसके बाद ऑडियो ट्रैक, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ट्रैक क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। एक है ऑडियो ट्रैक, उसके बाद ऑक्सिलरी इनपुट, उसके बाद मास्टर फेडर, उसके बाद VCA मास्टर, इसके बाद मेडी ट्रैक और इंस्ट्रूमेंट ट्रैक। कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे आप माइक्रोफोन से या लाइन इन से कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपके लिए ऑडियो ट्रैक लेना ही ठीक होगा। उसके बाद ऑक्सिलरी इनपुट, जब हम लोग कुछ इफेक्ट लेकर काम करेंगे तब भी हमको ऑक्सिलरी इनपुट चाहिए। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम के लिए आपको ऑक्सिलरी इनपुट ट्रैक की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे कहते हैं मास्टर फेडर, मास्टर ट्रैक। इसको आप रख सकते हो मास्टर फेडर के हिसाब से, तो मास्टर फेडर इसके लिए यूज़ होता है। इसके बाद VCA मास्टर, हम इसके बारे में जानेंगे बाद में, अभी फ़िलहाल इसको हम देख लेते हैं। उसके बाद मिडी ट्रैक, कोई मिडी इंस्ट्रूमेंट लेके काम करने के लिए आपको ये मिडी ट्रैक ज़रूरी होगा। इसके बाद क्या आता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रैक। प्रोटूल्स में आपको ऑप्शन देता है कुछ इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि प्रोटूल्स के साथ आया हुआ कुछ इंस्ट्रूमेंट ट्रैक, जैसा होता है VST RTS जो प्लगइन्स है, वैसे ही कुछ RTS प्लगइन्स, इंस्ट्रूमेंट प्लगइन्स आप अगर प्रोटूल्स में इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्ट्रूमेंट ट्रैक उसी पे काम करेगा। तो चलिए अभी ऑडियो ट्रैक लेते हैं, क्योंकि हमको ऑडियो ट्रैक यहाँ पे लेना है। और ये जो सैम्पल्स है इसको सैम्पल्स में रखिए, सैम्पल्स एंड टिक्स मैं बाद में समझाऊंगा इसमें क्या होता है एक्चुअली। और नेम आप ऑडियो कर दीजिए, क्योंकि ऑडियो ट्रैक का नेम बाय फिलहाल ऑडियो रखना ही ठीक रहेगा। इसके साथ क्या करना है आपको, एक चीज़ जो करना है, एक क्रिएट वन मोनो के जगह में स्टूडियो, और जैसे मैंने बोला था कि मास्टर फेडर एक चाहिए, जैसे कि आपका मिक्सिंग कंसोल में
आपका मिक्सिंग कंसोल में मान लीजिए कि 16 चैनल है, लेकिन उसके लिए तो एक मास्टर फेडर भी तो होगा ना। तो ये ही है वो मास्टर फेडर जिसके ज़रिए आप 16 जो मिक्सिंग लेवल चैनल्स हैं, 16 जो चैनल्स आपका मिक्सिंग कंसोल में है उसको आप ऑपरेट कर पाएंगे। तो ऐसे हम 8 मोनो चैनल लिए हैं और एक स्टीरियो चैनल लिया है, ठीक है, क्रिएट कीजिए। देखिए अभी यहाँ पे ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3, ऑडियो 4, ऑडियो 5, ऑडियो 6, ऑडियो 7 और ऑडियो 8 एंड मास्टर फिल्टर, ऐसे कुछ आपको 8 ऑडियो ट्रैक्स और एक मास्टर फिल्टर मिल गया। साथ ही साथ आपको उधर जाके देखिए मिक्सिंग जो कंसोल है इसमें भी आपको 8 ट्रैक मिल गए, साथ में एक मास्टर फिल्टर। ऑक्स तो मतलब आप ऑल्ट दबा के किसी को क्लिक करेंगे तो सब के सब डिसलेक्ट हो जाएगा। अभी तक क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ सफ़ेद था ना, इसका मतलब ये जो 8 ट्रैक्स है और मास्टर फिल्टर जो है सब के सब सिलेक्टेड है। अभी आपको सबको डिसलेक्ट करना पड़ेगा। डिसलेक्ट कीजिए, क्यों करेंगे, क्योंकि हम किसी एक में हम काम करेंगे तो वो काम हो सकता है किसी का नेमिंग कर रहा हूँ तो वो नेमिंग हर जगह में बैठ जाएगा, कॉमनली वो बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग वैसा नहीं करेंगे। पहले जैसे ऑडियो ट्रैक ले लिया, मास्टर ट्रैक ले लिया, उसके बाद हम उसको डिसलेक्ट कर लेंगे। अभी देखिए हम जो मिक्स विंडो जो है इसमें देखिएगा यहाँ पे आपको बहुत कुछ नज़र आ रहा है, जैसे कि इंसर्ट ए टू ई और ये है सेंस ए टू ई। अभी ये जो पूरा की पूरा जो चैनल आप देख रहे हैं इसे कहते हैं चैनल स्ट्रिप और ट्रैक, ऑडियो ट्रैक बोल सकते हैं आप या चैनल स्ट्रिप भी बोल सकते हैं। अभी चैनल स्ट्रिप इसका मतलब क्या है, एक एक चैनल में आपको जो फैसिलिटीज देगा चैनल स्ट्रिप में वही चीज़ रहता है, जैसे कि इंसर्ट सेक्शन और है सेंड सेक्शन। यहाँ पे आपको 5 इंसर्ट सेक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन इसके जगह में आपको अगर 5 के ज़्यादा कुछ इंसर्ट चाहिए, इफेक्ट प्लगइन चाहिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे, आप देखिए बिल्कुल नीचे आ जाइए प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे देखिएगा इसमें देखिए इंसर्ट ए टू ई यहाँ तक सिलेक्ट किया हुआ था, हम लोग उसके नीचे वाला जो है इंसर्ट ए टू जेड जैसे हम उसको क्लिक कर देंगे मतलब चेक कर देंगे तो इंसर्ट 5 की जगह 10 इंसर्ट हमको मिल जाएगा। सेम टू सेम सेंड ए टू ई जैसे कि सेंड आपका जो बॉक्स है ये 5 दिखा रहा है, इसमें भी आप सेंड की जगह में सेंड ए टू जेड कर देंगे तो आपको 10 सेंड मिल जाएगा। यहाँ पे 10 सेंड मिल जाएगा, 10 इंसर्ट सेक्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको अगर चाहिए तो ऑप्शन वाइज यू कैन चूज दिस वन। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, सेंड्स ए टू जेड जो है, ए टू जे जो है इसको मैं अनचेक करता हूँ और इंसर्ट ए टू जे जो है इसको मैं अनचेक करता हूँ, क्योंकि इसमें जगह ज़्यादा लेता है और फालतू की जगह मतलब खिला के तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे 5 इंसर्ट रखता हूँ और 5 सेंड रखता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे है आईओ सेक्शन, आईओ मतलब इनपुट एंड आउटपुट। मैं आईओ सेक्शन में जाके जब डिस्कस करूँगा तब आपको पता लग जाएगा कि आईओ एक्चुअल होता है क्या। फिलहाल आप इसको पता करके रखिए कि आईओ मतलब इनपुट एंड आउटपुट सेक्शन, जैसे कि इस ट्रिप का, इस चैनल जो ट्रिप है, इस ट्रिप का इनपुट सेक्शन है ये वाला ऊपर वाला, आउटपुट सेक्शन है नीचे वाला। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी साउंड कार्ड बाय डिफ़ॉल्ट एनालॉग 1-2 आउटपुट देता है मास्टर ऑडियो की तरफ से। तो मास्टर ऑडियो की तरफ से आपको एनालॉग 1-2 या आउट 1-2 ये सिग्नल देता है, तो वही सिग्नल हम यहाँ पे सेट करके रखेंगे, फिलहाल रखेंगे। एडवांस मोड में जाके हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ओरिएंटेशन मोड में, एडवांस मोड में नहीं, ओरिएंटेशन मोड में जब हम लोग काम करेंगे मतलब शुरू में जब हम लोग काम करेंगे तो ये एनालॉग आउट 1-2 रखना ही ठीक ठाक रहेगा, जो आपका साउंड कार्ड का मास्टर आउटपुट है। इसके नीचे देखिए ऑटोमेशन, AUTO ऑटो मतलब यह है ऑटोमेशन सेक्शन का जगह, जहाँ पे हम लोगों को 4 टाइप का ऑटोमेशन मिलता है, रीड मोड, टच मोड, लैच मोड एंड राइट मोड। इसके बाद भी जब हम लोग काम करेंगे ऑटोमेशन लेके तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका काम क्या है और भी ज़्यादा जान सकते हैं आप। और इसके बाद है देखिए ग्रुप सेक्शन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नो ग्रुप, नो ग्रुप, नो ग्रुप ऐसा कुछ है। इसको आप जब भी आप कोई चैनल को इसके साथ इसको दोनों को मिला के ग्रुप बनाएंगे तब आपको ये
ग्रुप जो सेक्शन है ये आपको काम आएगा। फिलहाल आप इसको जान के रखिए कि इसको ग्रुप सेक्शन बोलते हैं। अगर नो ग्रुप रहेगा इसका मतलब ये चैनल कोई ग्रुप के अंडर नहीं है। अगर ग्रुप कुछ लिखा हुआ है तो मतलब ये चैनल किसी के साथ ग्रुप में है। इसके नीचे देखिए पैन पॉट, ये वाला है पैन पॉट सेक्शन, अर्थात हम लोग जब सिग्नल को लेफ्ट से राइट या लिटिल बिट लेफ्ट या लिटिल बिट राइट में हम लोग सेंटर करते हैं, मतलब साउंड को सेंड करते हैं, तो हम करते हैं पैन पॉट से, और यही है वही सेक्शन जो पैन पॉट का काम करता है। नीचे देखिए जो वैल्यू दिखा रहा है ये वैल्यू आपको दिखाएगा आपका पैन पॉट का वैल्यू क्या है। देखिए हम एक्सट्रीम लेफ्ट कर देंगे तो 100, एक्सट्रीम राइट कर देंगे तो 100, मतलब एक्सट्रीम राइट में बजेगा ये वाला सिग्नल। अभी फिलहाल इसको मैं ज़ीरो करता हूँ, आपने ऑल्ट दबा के इसको ज़ीरो भी कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो है इसके बाद सेक्शन में जो है आई, इसके बाद एस, इसके बाद एम एंड दिस सिग्नल, इसको क्या कहते हैं रिकॉर्ड इनेबल। अगर इसको हम इसी ट्रैक को हम सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट आर दबाएंगे, शिफ्ट आर आर दबाएंगे तो ये आपका चैनल, देखिए मैं बात कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग इनेबल हो गया, मतलब सिग्नल आ रहा है, रिकॉर्डिंग सिग्नल इसमें आ रहा है। जब भी मैं इसको शिफ्ट आर फिर से और एक बार दबाऊंगा तो और डिसलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ट्रैक को रिकॉर्ड इनेबल कर सकते हैं, सिग्नल कितना आ रहा है आप देख सकते हैं। और ये है इनपुट मॉनिटरिंग, मतलब रिकॉर्डिंग करने से पहले, जैसे मान लीजिए रिकॉर्डिंग करने से पहले अगर इनपुट मॉनिटरिंग आप अगर प्रेस करेंगे, रिकॉर्डिंग करने से पहले अगर इनपुट मॉनिटरिंग आप प्रेस करेंगे तो आपको वो इनपुट से जो लेवल वो आपको दिखाएगा। तो इनपुट रिकॉर्डिंग करते वक्त जैसे आप इनपुट मॉनिटरिंग दबाएंगे तो आपका इनपुट सिग्नल वो शो करेगा। फिलहाल अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग में हूँ, मैं इसको अगर इनपुट मॉनिटरिंग करूँगा तो वो सिग्नल जाके जिस चैनल पर रिकॉर्ड हो रहा था उस चैनल में जाके वो क्वालिशन कर देगा, आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ सुनाई देगा। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ, मैं बाद में दिखाऊँगा आपको कैसे किया जाता है, लेकिन फिलहाल आप इनपुट मॉनिटरिंग जो है ये आई से होता है या पता करके रखिए। इसके बाद देखिए सोलो बटन, ये है आपका सोलो बटन। जैसे कि मान लीजिए कोई भी ट्रैक चल रहा है, सभी ट्रैक्स चलते वक्त आप किसी को एक बार सोलो कर देंगे तो सभी ट्रैक चलना बंद कर देगा, मतलब चलेगा अंदर ही अंदर लेकिन आपको सुनाएगा नहीं। लेकिन ये जो ट्रैक में सोलो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोलो किया, यहाँ पे सोलो किया, तो इन दोनों ट्रैक, ये दोनों ट्रैक सोलो बजता रहेगा, अकेला बजता रहेगा, बाकी सब ट्रैक म्यूट हो जाएगा। और उसका बगल में देखिए एम, मतलब ए म्यूट, सब ट्रैक में मान लीजिए आपका रिकॉर्ड किया हुआ है और प्लेबैक कर रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि इस ट्रैक को म्यूट कर दें और इस ट्रैक को म्यूट कर दें तो बाकी सब ट्रैक चलता रहेगा, ये दोनों ट्रैक बजना बंद कर देगा, मतलब प्लेबैक करना ऑफ कर देगा, इसका साउंड आपको सुना नहीं देगा। तो म्यूट बटन इसका काम करता है। और नीचे रहा चैनल फेडर या ट्रैक फेडर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इस फेडर को आप जैसे यूज़ करेंगे, मतलब कोई ट्रैक का वॉल्यूम कम करना या ज़्यादा करना आप कर सकते हो, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उस टाइम, लेकिन ये फेडर कम करने से भी रिकॉर्डिंग लेवल कम नहीं होगा और ज़्यादा करने से भी रिकॉर्डिंग लेवल ज़्यादा नहीं होगा। उस टाइम क्या होता है, प्रो टूल्स में क्या करते हैं, जो आपने अगर इसको भी अगर नीचे भी बिल्कुल नीचा भी कर दिया, मतलब पूरा डाउन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो इनपुट लेवल है वो थोड़ा सा एकदम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि प्रो टूल्स में जब आप रिकॉर्डिंग करते हो और उसका जो मीटरिंग रिकॉर्डिंग चलते वक्त आता है वो आता है जिस लेवल पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग आ रहा है, सिग्नल आ रहा है साउंड कार्ड पे आपका कंप्यूटर में, उसी सिग्नल को वो शो करता है यहाँ पे। जैसे आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे उसके बाद आप इसको जिस मतलब जहाँ तक रखेंगे उसी हिसाब से वो साउंड आपको सुनाएगा। आप अगर कम रखेंगे तो कम सुनाएगा, ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा सुनाएगा। फिलहाल मैं इसको ज़ीरो में रख देता हूँ। इसके बाद देखिए ये है आपका मीटर लेवल, मतलब इसमें है आपको पीक लेवल देते हैं, जैसे कि आप अगर कितना लेवल आप जा रहे हो, मतलब आपका ऑडियो का लेवल कितना जा रहा है वो यहाँ पे शो करता है। और आपका जो ये जो फेडर है इसको आप कितना डीबी में रखा है उसका डीबी वैल्यू दिखाता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 9.3 है, मैं 10 डीबी करना चाहता हूँ, -10 डीबी, तो ये देखिए -10 डीबी हो गया, फेडर भी -10 में खड़ा हुआ है, क्योंकि ये है ज़ीरो, इसके नीचे हम उतर सकते हैं।
जीरो से ऊपर भी हम जा सकते हैं प्लस 12 डिग्री तक, लेकिन उसके आगे हम लोग जा नहीं सकते, उसके आगे हम जा नहीं सकते प्लस 12 डिग्री, प्लस 12 डिग्री तक हम जा सकते हैं, उसके ऊपर हम जा नहीं सकते। आपको जितना वॉल्यूम चाहिए उसको आप प्लेबैक करते वक्त एडजस्ट कर सकते हैं, और ख़ासतौर पर जब आप लोग मिक्सिंग करते हो या हम लोग मिक्सिंग करते हैं तो उसी को, ये जो ट्रैक है इसी ट्रैक को हम थोड़ा सा कम ज़्यादा करके सभी ट्रैक का जो परफॉर्मेंस लेवल है उसको हम लोग बैलेंस करते हैं, किसी को ज़्यादा किसी को कम ऐसा करके। तो फ्रेंड्स, ये हर एक चैनल का जो चैनल स्ट्रीप है सबका फंक्शन लेकिन एक ही है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, सेम चीज़ यहाँ पे भी जाएगा, सेम चीज़ वहाँ पे भी जाएगा, मतलब फंक्शन सबका एक ही है, लेकिन हर एक चैनल का एक अलग 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 मतलब फेडर रहता है। जो आप यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं या यहाँ पे जो इंसर्ट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सेम फंक्शन इस चैनल में भी लागू हो जाए ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको अलग से यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे, ये तीन नंबर ट्रैक है, तो तीन नंबर ट्रैक में मैं अगर यहाँ पे कुछ प्लगइन्स मैं डालता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि इसे सब में लग जाएगा। इसका मतलब इसी ट्रैक में मैंने इंसर्ट नंबर 1 पे ये प्लगइन लगाया है। आपको दूसरा ट्रैक में जाके दूसरा को कुछ अगर प्लगइन चाहिए तो आप वो ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपका जो ज़रूरत है, मतलब जो नेसेसरी है आपका उसी के ऊपर। तो ये गया आपका फेडर लेवल, इसके नीचे मैंने देखा आपको पिक लेवल एंड फेडर वैल्यू। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक साइन होता है, एक साइन देख रहे हैं, इसके बाद एक साइन है, इसका मतलब डायनामिक सिग्नल दे रहा है, और ये ऑडियो ट्रैक है, इसका एक निशाना देता है, ये सिग्नल देता है कि ये ऑडियो ट्रैक है। जब आप यहाँ पे कुछ मिडी ट्रैक लेंगे, देखिए मान लीजिए कि इसके बाजू में मैं एक मिडी ट्रैक लेता हूँ, तो उसका सिग्नल, उसका जो साइन है वो साइन थोड़ा अलग हो जाएगा। मिडी ट्रैक में मोनो या स्टीरियो कोई कुछ ज़रूरी नहीं होता है, काम भी नहीं करेगा। जैसे कि मिडी ट्रैक जैसे देंगे तो ऑटोमेटिकल ये गायब हो जाएगा मोनो एंड स्टीरियो पोर्शन। तो मैंने एक मिडी ट्रैक ले लिया, देखिए जैसे मैंने एक मिडी ट्रैक यहाँ पर लिया है, यहाँ पर एक मिडी 5-पिन रिंग सॉकेट जो है इसका साइन आ गया। तो हम लोग एट अ ग्लैंस देख के समझ सकते हैं कि ये कौन सा ट्रैक है। अगर इस जगह में मिडी अगर यहीं भी लिखा हो, लेकिन इसको देख के हम पता कर सकते हैं ये कौन सा ट्रैक है, समझ गए आप। जैसे कि मास्टर ट्रैक है, ये टोटल अजीमुथ दिखी, यहाँ पे एक साइन दिया हुआ है। तो इस साइन का मतलब जितने सारे ट्रैक्स हैं सब ट्रैक का जो मिलावट साउंड जो है उसका लेवल ये शो करेगा, लेकिन बाकी जो है ये सब है आपका ऑडियो फाइल, क्योंकि ऑडियो फाइल का सिग्नल ये चलता है ये वाला। आप कोई भी एक ट्रैक को इनएक्टिव भी, एक्टिव भी कर सकते हैं, इनएक्टिव भी कर सकते हैं, वो मैं बाद में बोलता हूँ। अभी मिडी ट्रैक लिया, इसके बाद देखिए हर एक ट्रैक का साइन अलग अलग होता है। इसके बाद मैं लेता हूँ मान लीजिए ऑडियो ट्रैक की जगह पे ऑक्सिलरी इनपुट, तो उसका एक डाउन एरो साइन आएगा। देखिए देखिए डाउन एरो साइन आ गया, इसका मतलब ऑक्सिलरी इनपुट ट्रैक है ये। तो ऑक्सिलरी प्लगइन्स लेके जब हम लोग काम करेंगे उस वक्त हम लोग इसको यूज़ करेंगे ऑक्स ट्रैक को, उस वक्त हम अगर ऑडियो ट्रैक लेंगे या मिडी ट्रैक लेंगे तो वो काम नहीं करेगा, वो काम हमारा पूरा भी नहीं होगा। इसके बाद हम आते हैं वीसीए ट्रैक में। तो वीसीए ट्रैक ऐसा कुछ ट्रैक होता है जो सब ट्रैक को लेके काम करता है। तो जब हम लोग वीसीए ट्रैक के बारे में पढ़ाई करेंगे तब हम लोग वीसीए ट्रैक के बारे में जानेंगे। और वीसीए ट्रैक का सिग्नल देखिए यहाँ पर बहुत सारे ट्रैक का एक पिक्चर दिया हुआ है फेडर बोर्ड का, मतलब ये बहुत सारे फेडर को लेके काम करता है। इसका कोई इनपुट नहीं रहता, इनपुट अलग रहता है इसका, कोई आईओ सेक्शन उसमें कुछ है ही नहीं, वीसीए मास्टर्स को बोलते हैं। हम लोग आएंगे, ऑब्वियसली हम लोग धीरे धीरे एक एक करते हुए एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो भी सिस्टम से आगे बढ़ना है ताकि आपको सब कुछ याद रहे या आप समझ सकें। इसके बाद हम आएंगे वीसीए ट्रैक के बाद हम आ जाएंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रैक। जैसे इंस्ट्रूमेंट ट्रैक में आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे एक मिडी कीबोर्ड का पिक्चर आ रहा है, इसका मतलब कीबोर्ड का जो शो, कीबोर्ड का जो पिक्चर होता है उसी कीबोर्ड का पिक्चर यहाँ पे ऑलरेडी साइन दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट ट्रैक है, ये साइन का मतलब ये वीसीए ट्रैक है, ये डाउन एरो साइन का मतलब ये ऑक्सिलरी इनपुट है। ऐसा डिंग सॉकेट अगर सिग्नल आपको बस आएगा, साइन आएगा, तो इसका मतलब ये मिडी ट्रैक है। एज़ीमुथ साइन आएगा, इसका मतलब ये मास्टर फेडर है।
और ऐसा वेव साइन आएगा तो ये इसका मतलब है ये कि वेव फाइल मतलब वेव ट्रैक है, ऑडियो ट्रैक जिसको बोलते हैं हम, वो ऑडियो ट्रैक है। तो चलिए अभी तो सब में, लेकिन आपने यहाँ पे सब ट्रैक देख लिया, एक चीज़ आपने शायद गौर नहीं किया होगा, मास्टर जो ट्रैक है इसका इंसर्ट सेक्शन रहता है लेकिन इसका सेंड सेक्शन नहीं रहता है। और मास्टर सेक्शन जो है, मास्टर सेक्शन का जो इनपुट नहीं रहता है, इसका आउटपुट रहता है। मास्टर सेक्शन का आउटपुट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मास्टर आउटपुट हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आउट 1 2, तो आउट 1 2 जो आपका जो ऑडियो इंटरफेस जो है उसके ज़रिए मतलब एनालॉग 1 2 के ज़रिए ये सिग्नल पास हो रहा है, इसको आप मास्टर के तौर पे गिन सकते हैं। इसके बाद देखिए मिडी चैनल, इसका भी इनपुट होता है ओनली मिडी चैनल्स, और इसका आउटपुट होता है आइदर कोई मिडी चैनल्स नहीं तो कोई इंस्ट्रूमेंट ट्रैक इसका आउटपुट होता है। ऑक्सिलरी ट्रैक का इनपुट आप ऑडियो इंटरफेस भी कर सकते हैं और ऑक्सिलरी बास भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इंटरफेस हमारे पास बहुत है, 64 चैनल साउंड कार्ड है हमारा, और इसका जो आउटपुट जो है इसमें से कोई भी आप चेक कर सकते हैं जो इनपुट होगा। और इसका जो आउटपुट है, इसका आउटपुट देखिए अगर बास के तौर पे लेंगे तो 128 बास आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक बास को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, अकॉर्डिंग टू योर ज़रूरत, मतलब आपका जो ज़रूरी चाहिए, जो ज़रूरी है आपको, उसी हिसाब से आप ऑक्स ट्रैक में इनपुट एंड आउटपुट सेट कर सकते हैं। VCA ट्रैक में लेकिन कोई इनपुट नहीं होता, इस VCA ट्रैक बेसिकली जो ऑडियो ट्रैक्स है उसको लेकर काम करता है। ऑडियो ट्रैक्स का जो ग्रुप है, ग्रुप को लेकर VCA ट्रैक काम करता है। और इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट ट्रैक में इनपुट होता है आइदर कोई इंस्ट्रूमेंट देखिए इंटरफेस, नहीं तो बास, और नहीं तो इसके ऊपर जो आप इंस्ट्रूमेंट देंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपको इंस्ट्रूमेंट मैं दिखाई देता हूँ आपको, बूम लगा दिया, मतलब एक ड्रामिंग सॉफ्टवेयर है ये, इसको अगर लगा देंगे आप सुना तो इसको आप लगा देंगे तो ये इंस्ट्रूमेंट ट्रैक उसी हिसाब से काम करेगा जो आपको मतलब अगर चाहिए तो। इंस्ट्रूमेंट ट्रैक यहाँ पे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे बाहर से कोई, मतलब उसको ऑपरेशन नहीं कर सकेंगे आप। तो दोस्तों एक्चुअली ये था बेसिक मिक्स विंडो के बारे में बेसिक बात है, और इसके नीचे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो इंस्ट्रूमेंट VCA1 auxiliary 1 MIDI 1 Master 1 Audio 8 इसको आप नेमिंग भी कर सकते हैं। जैसे ऑडियो में Audio 1 में अगर अपने फाइनल वोकल या आपका वोकल ट्रैक अपने रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको डबल क्लिक करने से यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आ जाएगा, इसको डबल क्लिक करने से यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आ जाएगा, उसको नाम दीजिएगा वॉइस ट्रैक, उसका नाम दीजिए वॉइस। तो इसको वॉइस जैसे वॉइस टाइप कर दिया और ओके कर दीजिए तो वॉइस ट्रैक इसमें आपको आ जाएगा। वैसे तबला ढोलक समथिंग एल्स ड्राम्स वगैरह वगैरह आप जो भी चाहेंगे, जो ट्रैक में जो आप ले रहे हो उसी ट्रैक का नेमिंग कर सकते हैं। और ये है डिले कंपनसेशन, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि कितना जब हम लोग हैवी प्लगइन्स देते हैं तो वो प्लगइन्स के जो प्रोसेसिंग टाइम है वो प्रोसेसिंग टाइम के ज़रिए थोड़ा बहुत डिले आ जाता है ट्रैक में, वो डिले को प्रो टूल्स ऑटोमेटिकली कंपनसेट कर लेते हैं। तो वो कितना डिले आ रहा है यहाँ पे शो करेगा, वो प्लगइन्स देने के लिए कितना डिले यहाँ पे आ रहा है वो शो करेगा, और प्लस माइनस कितना उनको एडजस्ट करना है यहाँ पे आ जाएगा, कितने वैल्यू देने से वो ऑटोमेटिकली आप बाकी सब ट्रैक के साथ एडजस्ट हो जाएगा ये शो करता है, और कंपनसेशन कितना दे रहा है वो भी यहाँ पे शो करेगा। तो इन तीनों चीज़ों को लेके हम लोग एडवांस मोड पे जाकर बात करेंगे जब हैवी प्लगइन्स लेके हम लोग काम करेंगे, आप भी इन फ्यूचर में काम करेंगे। इसको कहते हैं डिले कंपनसेशन मोड जो प्रो टूल्स में है, और प्रो टूल्स के साथ आप उसको काम कर सकते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली प्रो टूल्स उसको एडजस्ट करता है, कितना एडजस्ट करना है कितना वैल्यू एडजस्ट कर रहा है उसको आप देख सकते हैं वो वाला ये वाला कंपनसेशन जो पैनल है यहाँ पे। बाकी देखिए नीचे वाला नीला कलर, ये जो नीला कलर है, तो मान लीजिए आपके पास वोकल ट्रैक है और यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब ऑडियो 2 से लेके ऑडियो 8 तक आपके पास इंस्ट्रूमेंट ट्रैक जिससे मतलब इंस्ट्रूमेंट लिया है आपने, तबला ढोलक वगैरह वगैरह जो भी है लिया है, तो वोकल ट्रैक के लिए नील कलर और बाकी ट्रैक के लिए आप दूसरा कुछ कलर कर सकते हैं, जैसे कलर पैलेट करने से आप उसको चेंज कर सकते हैं। ऑडियो 2 से लेके ऑडियो 8 तक आप सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने से क्या होगा सफ़ेद हो जाएगा,
इसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, इस जगह पे डबल क्लिक कीजिएगा नीचे वाला कलर में, करने से क्या आएगा यहाँ पे ये जो कलर पैलेट ये आ जाएगा। मान लीजिए इसको आपको ग्रीन करना है या आपको लाइट ब्लू करना है, तो लाइट ब्लू अभी कर सकते हैं, जैसे क्लिक करेंगे ये सारे ट्रैक्स लाइट ब्लू हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो मिडी ट्रैक है इसको, नहीं तो ये वोकल ट्रैक जो है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, इसको मैं येलो करता हूँ तो ऑटोमेटिकली येलो हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कलरिंग कर सकते हैं ताकि दूर से आपको पता लग जाए देखने से कि ये वोकल ट्रैक है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रैक है, ये वाला आपका मिडी ट्रैक है, वो वाला ऑक्सिलरी ट्रैक है और ये वाला वीसीए ट्रैक है। जैसे जैसे ट्रैक आप लेंगे आप अपना पसंदीदा कलर चूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दो चीज़ रहते हैं, एक है आपका ट्रैक का बगल में, जैसे कि मैं इसको कोलैप्स कर दे रहा हूँ तो आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ देखिए यहाँ पे ट्रैक फोल्डर बोल के एक चीज़ रहता है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप फोल्डर रहता है। इसके बारे में भी मैं बाद में बताऊँगा क्योंकि जब तक आपको डिटेल्स में नहीं बताऊँगा तो वो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप ये सफ़ेद वाला जो हिस्सा है यहाँ पे जगह जो है इसको आप ट्रैक फोल्डर मान के रखिए और इसके नीचे ग्रुप फोल्डर बोल के अब मान के रखिए, बाद में मैं दिखाता हूँ इसका काम क्या है। तो ये था मिक्सिंग जो कंसोल है, मिक्सिंग विंडो बोलिए, मिक्सिंग कंसोल बोलिए, ये मिक्सिंग कंसोल में आपको सिर्फ इतना ही काम होता है। अभी यहाँ से हम लोग मिक्सिंग करते हैं, आपको अगर इस जगह पे मान लीजिए कि 10-12 ट्रैक और भी ज़्यादा लेना है तो आप सिंपली सी जो लास्ट ट्रैक है यहाँ पे, जैसे कि ऑडियो मास्टर ट्रैक के आगे में ऑडियो ट्रैक 8 था, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो वो सफ़ेद हो जाएगा। सफ़ेद होने के बाद आप मान लीजिए यहाँ पे आपको और भी 10 ट्रैक चाहिए तो 10 ट्रैक यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, 10 मोनो ट्रैक या 10 स्टीरियो ट्रैक आपको चाहिए क्रिएट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 10 ट्रैक और स्टीरियो क्रिएट हो गया, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ये भी इधर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे, मतलब जितना ट्रैक बढ़ेंगे उतना ही ट्रैक आपको यहाँ पर आपको आप दिखाई देगा। आप कर्सर से इसको मतलब हिला भी सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं, नहीं तो आप शिफ्ट स्क्रॉल करने से भी इसको आप हिला के देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि आपको अभी ठीक ठाक पता लग गया होगा, क्योंकि आपको एट ए ग्लैंस देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कौन सा ट्रैक स्टीरियो है कौन सा ट्रैक मोनो है। देखिए जिसका पैन पोर्ट एक पैन पोर्ट है, पैन पोर्ट जिसका एक है वो है मोनो ट्रैक, ऑब्वियसली वो मोनो ट्रैक ही होगा, और जिसका पैन पोर्ट दो पैन पोर्ट्स है यहाँ पे वो है स्टीरियो ट्रैक, क्योंकि लेफ्ट चैनल के लिए एक पैन पोर्ट, राइट चैनल के लिए एक पैन पोर्ट, लेफ्ट चैनल के लिए एक पैन पोर्ट, राइट चैनल के लिए एक पैन पोर्ट, लेकिन और सब जो कुछ है बाकी सब कुछ लेकिन एक ही है। आप एक बार गौर करके देखिए बाकी सब जो चीज़ है सब चीज़ लेकिन एक ही है। तो जब भी आप कोई स्टीरियो रिकॉर्डिंग लेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक कीबोर्ड से कुछ लेंगे या स्टीरियो वोकल ले रहे हैं आप, दोनों माइक से स्टीरियो वोकल आप लेना चाहते हैं या ढोलक तबला आप स्टीरियो लेना चाहते हैं, तो उस टाइम आप डबल माइक लगा के या डबल इनपुट करके कैसे भी करके, डबल इनपुट होने से ही तो आपको स्टीरियो होता है, तो डबल इनपुट देने से आपको अगर रिकॉर्डिंग करना है तो आपको स्टीरियो ट्रैक लेना पड़ेगा। तो उस टाइम आप इस हिसाब से आप ट्रैक स्टीरियो ट्रैक लेंगे, लेने के बाद आपको ऐसे ही दिखाई देगा जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब रिकॉर्डिंग करेंगे स्टीरियो या मोनो कुछ भी रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको एक स्टीरियो ट्रैक या मोनो ट्रैक सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए स्टीरियो ट्रैक में कभी आप मोनो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, जैसे मोनो ट्रैक में भी कभी आप स्टीरियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो जब भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे उसी हिसाब से आपको चैनल रिकॉर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा चैनल देके आप रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चैनल 1-2 है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे चैनल नंबर 19-22 या 19-20 या 21-22 ऐसा कुछ देके हम रिकॉर्डिंग करेंगे। देखिए 21-22 तो इसको देके हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, डाल दिया 21-22 इनपुट हो गया और उसका जो आउटपुट है उसका आउटपुट एनालॉग 1-2 था, एनालॉग 1-2 रखेंगे हम, एनालॉग 1-2 सिलेक्ट किया, एनालॉग 1-2 साउंड हो गया। अभी देखिए एनालॉग 21-22 मतलब जो आपका मिक्सिंग कंसोल का जो इनपुट है उसने आपने सिलेक्ट कर लिया उसको, और उसके नीचे आउट 1-2 जो मास्टर आउटपुट दे रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप यहाँ पे रिकॉर्ड इनेबल बटन दबा दीजिए और ये जो इन मिक्स मॉनिटरिंग बटन आप दबा सकते हैं, नहीं तो ऑल्ट के दबाने से, जैसे कि ऑल्ट और के दबाने से इसको आप एक्टिव कर सकते हैं, ऑल्ट के दबाने से जैसे ये एक्टिव हो गया और ऑल्ट के फिर से एक बार दबाने से वो डीएक्टिव भी होता है।
तो बाकी सब का सब जो फीचर्स है सब एक है, सिर्फ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसका इनपुट एंड आउटपुट सब ठीक ठाक है कि नहीं। दोस्तों ये था मिक्सिंग कंसोल का ओरिएंटेशन। इसके साथ साथ आप और भी एक चीज़ गौर कीजिए जो मैंने बोलने भूल गया था। जैसे मैंने यहाँ पे 10 ट्रैक और ले लिया, यहाँ पे देखिए 10 ट्रैक यहाँ पे और आ गया है, ठीक है। आप चाहते हैं जिसको कोई भी एक ट्रैक को आप हाइड भी कर सकते हैं, मतलब ट्रैक रहेगा लेकिन वो ट्रैक यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लीजिए कि मैं दो नंबर के साथ 4 नंबर और 7 नंबर, 2 4 7, मैं चाहता हूँ कि 2 4 और 7 ये 3 ट्रैक को मैं हाइड कर दूंगा। तो सिंपल सी बात है, इसको सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक कीजिए और ऊपर देखिए हाइड, देखिए हाइड कर दिया मैंने। तो हाइड करने से क्या होगा, ऐसा नहीं है कि इसका साउंड बजेगा नहीं, साउंड बजेगा लेकिन वो ट्रैक का जो फेडर यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। देखिए 2 नंबर नहीं है, 4 नंबर नहीं है और 7 नंबर नहीं है यहाँ पे। आप कभी भी आप अगर चाहते हो तो उसको आप वापस ले सकते हो। जैसे कि इसको 7 नंबर को आप यहाँ पे क्लिक करो, 7 आ गया। 4 नंबर जो ऑडियो है इसको यहाँ पे क्लिक करो, 4 नंबर आ गया। 2 नंबर जो ऑडियो है यहाँ पे क्लिक करो, 2 नंबर आ गया। आप चाहते हो कि 10 नंबर नहीं जाए, 10 नंबर को आपका हाइड करना चाहते हो तो इसको आप सिंपल सी यहाँ जाके चेक कर दो, 10 नंबर गायब। इधर से देखिए 10 नंबर नहीं है। उसके बाद अगर 11 को गायब, ये 11 को अगर गायब करना है इसको भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, 11 गायब हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी ट्रैक को आप गायब भी कर सकते हो और उसको आप ला भी सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रैक बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपना जो सुविधा है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। और एक चीज़ है, जब बहुत सारे ट्रैक को लेकर आप काम करोगे तो ऑब्वियसली ये ट्रैक बढ़ते 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 और भी उधर आगे चल जाएगा। तो उस टाइम सब ट्रैक को एक साथ देखने के लिए आपको ये ट्रैक, ये जो मिक्स विंडो है इसको कोलैप्स कर सकते हैं आप, इसको आप कोलैप्स कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक कमांड दबाना पड़ेगा, कंट्रोल ऑल्ट एम। देखिए कंट्रोल ऑल्ट एम दबाने से सबके सब जितने सारे ट्रैक्स थे सब कोलैप्स होकर एक छोटा जगह में आ गया। अभी दूर से आप इसको देख सकते हो कौन सा ट्रैक कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन जब आप इसमें कुछ एडिटिंग करना है और भी कुछ करना है तो वो आपको मतलब बड़ा मोड में करके ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस टाइम आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा कि आप क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है आपका जो स्टाइल है उसके ऊपर, तो उसी हिसाब से आप इसको एडजस्ट करेंगे। तो ये था मिक्स विंडो का डेमोन्स्ट्रेशन। इसके बाद हम लोग आएंगे एडिट विंडो में। बहुत सारे बटन्स हैं, जो बटन्स हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला भी इसके अंदर है और ये इस सेक्शन भी इसके अंदर है। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि हम एक एक करके हम जाएंगे। पहले ये जो बटन है इसका काम दिखाएंगे, इसके बाद ये जो सेक्शन है इसका काम दिखाएंगे, इसके बाद ये जो सेक्शन है इसका भी काम हम लोग दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रिकॉर्डिंग का। जब प्रोटूस में जब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो उस रिकॉर्डिंग में आपको सबसे पहले 4 मोड दिया जाता है। 4 मोड मतलब 4 मोड बाय डिफॉल्ट 4 मोड दिया जाता है। तो 4 मोड में एक है शफल मोड, दूसरा है स्पॉट मोड, तीसरा है स्प्लिट मोड एंड चौथा ग्रिड मोड। आप देखिए ग्रिड के साथ एक और एक भी है जिसको कहते हैं रिलेटिव ग्रिड मोड, वो हम बाद में बताएंगे। अभी देखिए एक है शफल मोड। तो F1 दबाने से, अब देखिए F1 दबाने से मतलब आपका कीबोर्ड में जो F1 स्विच है, F1 दबाने से शफल मोड आएगा, F2 दबाने से स्लिप मोड आएगा, F3 दबाने से स्पॉट मोड आएगा एंड F4 दबाने से ग्रिड मोड आएगा। आप देख पा रहे हैं कि उसी के हिसाब से इसका जो चेहरा जो है, इसका जो शेप जो है चेंज हो रहा है। जब तक हम लोग स्लिप मोड में थे तो वो ग्रिड आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था, और जैसे मैं ग्रिड मोड दे रहा हूँ तो ये आपको एक एक ग्रिड दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों शफल मोड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने रिकॉर्ड किया है और मैं आपको एक आर्टिफिशियल रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। अभी तक तो कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड ऐसा कुछ करने का चांस है ही नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐसा कुछ फाइल आपको बना के देता हूँ। तो रिकॉर्ड करने के बाद आपको फाइल ऐसा कुछ नज़र आएगा, कुछ फाइल ऊपर नीचे वैसे ऐसा वेब फाइल होता है, ऐसा कुछ नज़र आएगा।
तो शफल मोड में क्या होता है, मान लीजिए कि आपको यहां से लेके यहां तक ऑडियो आपको नहीं चाहिए, तो जैसे आप शफल मोड रखेंगे और इस ऑडियो को आप डिलीट करेंगे, मतलब जैसे डिलीट दबाएंगे, तो पीछे का हिस्सा ऑटोमेटिकली आगे आके आगे का जो हिस्सा है इसके साथ जोड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक आपको नहीं चाहिए, डिलीट कर दीजिए तो पीछे का हिस्सा आगे निकल गया, ऐसा डिलीट कर दीजिए तो पीछे का जो हिस्सा उसके आगे के साथ जोड़ जाएगा ऑटोमेटिकली और उसके साथ कोई गैप नहीं रहेगा। तो ये कब लागू होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी स्पीच दे रहा है तो स्पीच के बीच में बहुत सारे गैप रह गया है, तो उस गैप को आप मतलब डिलीट करना चाहते हैं। लेकिन डिलीट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अक्सर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको डिलीट कर दिया तो शफल मोड में नहीं स्लीप मोड में आएंगे हम, तो इसको मान लीजिए कि हम डिलीट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको हम अगर डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, इस जगह खाली हो जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको हैंड टूल से पकड़ के इसके सामने ला के रखना पड़ेगा। फिर भी चांस रह जाता है कि यहाँ पे कोई गैप ना रह जाए, फिलहाल कोई गैप नहीं रह गया लेकिन गैप कभी कभार रह जाता है, तो ये बहुत टाइम टेकिंग काम है। लेकिन उसके जगह में हम अगर शफल मोड में अगर होता है, अगर हम लोग शफल मोड में होते तो क्या करते हम, उसकी जगह में अगर हम शफल मोड में होते तो क्या करते, सिंपल शफल मोड में हमारा मोड को लगा के और डिलीट दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली पीछे का हिस्सा आगे आगे जोड़ जाएगा, जिस हिस्से को आप सिलेक्ट किए थे उस हिस्सा आपको वहाँ पर नज़र नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप शफल मोड में काम कर सकते हो, शफल मोड इसलिए बहुत काम का चीज़ है। इसके बाद हम आएंगे स्पॉट मोड में, इसके बाद हम आएंगे स्लीप मोड में। स्लीप मोड में क्या होता है, देखिए आप कभी भी कोई एक ऑडियो जो प्लगइन से चांग को आप इधर से किधर भी ले जा सकते हैं, आपका जो इच्छा अनुसार आप कहीं भी ले जा सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब ग्रिड मोड में हम आएंगे तो उसको आप अगर चाहते हो तो मान जैसे कि यहाँ से आपको अगर यहाँ तक लाना है तो ला नहीं सकते, क्योंकि वो ग्रिड के मतलब हिसाब से जाएगा, जैसे जैसे ग्रिड है उस हिसाब से जाएगा। मान लीजिए इसको मैं बार में रखता हूँ, तो मैं इसको चाहता हूँ कि यहाँ तक लाऊँ, इसका जो शुरुआत की जगह है जो है इसका जहाँ से स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग पॉइंट मैं यहाँ पे लाऊँ तो वो आएगा नहीं, वो इधर इधर रहेगा नहीं तो इधर आएगा, देखिए इधर आके मिल गया है। ये ग्रिड मोड का मामला है। लेकिन हम अगर स्लीप मोड में रहेंगे तो हम कैसे भी किसी भी जगह में उसको मैं आराम से ले जा सकता हूँ, उसमें कोई पाबंदी नहीं रहेगा, वो हमको रोकेगा भी नहीं। लेकिन ग्रिड मोड जैसे रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो ग्रिड वाइज जाएगा वो। तो ये कब काम के लिए आते हैं, जब आप मान लीजिए कोई रिदिम लूप लेके काम कर रहे हैं तो ग्रिड वाइज वो ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा, आप अगर उसको किसी को खिसकते हैं तो ऑटोमेटिकली ग्रिड वाइज वो बैठ जाएगा। इसके बाद रह गया स्पॉट मोड। स्पॉट मोड मतलब F3। जैसे कि स्पॉट मोड तभी काम आता है, मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कुछ ऑडियो चैंक है जो आप चाहते हैं कि आपका जो यहाँ पे मैं करता हूँ बार बीट्स, अभी 32 नंबर बार पे है ये, तो आप चाहते हैं कि ये 25 नंबर बार पे जाके बैठे, तो उस टाइम आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे 25 है। देखिए यहाँ पे 25 यहाँ पे है 25 नंबर बार, तो आप चाहते हैं इसको 25 नंबर बार में जाके बैठे, लेकिन आप उसको ढूंढते नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर आप उसको बिठाने जाओगे तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ 25 है, उसका अगर बाजू में लेके जाएंगे फिर वो ठीक ठाक से बैठेगा कि नहीं पता नहीं, देखिए ठीक ठाक से नहीं बैठा, 10 बीट मतलब 10 काउंट आगे बढ़ गया है वो। लेकिन अगर स्पॉट मोड में रहेंगे तो हम इसको जैसे क्लिक करेंगे तो हमको मांगेगा कि कहाँ पे इसको स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ से देखिए 32 ऑलरेडी है, 32 नंबर बार में है, इसको हम 25 नंबर 25 नंबर बार पे इसको हम 25 नंबर बार पे बिठना चाहते हैं, तो 25 से जैसे हम दबा देंगे और इसके साथ साथ हम इसको ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो 25 नंबर बार पे जाके बैठ जाएगा। देखिए आगे पीछे नहीं बैठेगा, बिल्कुल 25 नंबर बार, जिसका 25 नंबर बार फास्ट टिक एंड साफ टिक ऑल आर इक्वल, देख रहे हैं इसमें कोई आगे पीछे नहीं हो जाएगा। तो जब भी हम किसी को पर्टिकुलर किसी एक सेशन में बिठना चाहते हैं तो उस टाइम हमारा स्पॉट मोड, ये वाला स्पॉट मोड काम आता है। अक्सर जब हम लोग रिकॉर्डिंग करते वक्त, लेकिन हमको मेनली स्लीप मोड और
ग्रिड मोड, ये दोनों पे काम करना पड़ता है। जरूरत पड़ने से हम क्या करते हैं, जरूरत पड़ने से हम शफल मोड या स्पॉट मोड को इस्तेमाल करते हैं। तो फिर मेरे को लगता है कि आप जो चार मोड्स है इसके बारे में आपको समझ आ गया होगा। मोड्स जैसे कि ख़त्म हो गया, अभी हम लोग कहाँ पे आएंगे, अभी हम आएंगे ये इस वाला बटन में। ये जो बटन है ये देखिए बिल्कुल, मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, स्क्रोलिंग कर रहे हैं, जूम आउट मतलब पूरा एरिया देख रहे हैं, और इसको हम ड्रैग करेंगे तो जूम इन हो रहा है, पर्टिकुलर एरिया मेरे को जूम इन हो रहा है, आप देख पा रहे हो। सेम चीज़ को हम शॉर्टकट किस जरिए कर सकते हैं, जैसे कि जूम इन एंड जूम आउट। इसके लिए प्रोटूल्स में जूम इन के लिए टी दिया है, जितना का चाहो आप जूम कर सकते हो। और आर जो बटन है, आर बटन है जूम आउट के लिए। जैसे मैं आर दबा रहा हूँ, देखिए जूम आउट हो रहा है, देख पा रहे हो जूम आउट हो रहा है। तो इसके ज़रिए आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो, मतलब ये जूमर टूल है। अभी देखिए ये जो बटन है इस बटन के ज़रिए आप ट्रैक को छोटा कर सकते हो। जैसे आप इसको अगर ऐसा क्लिक करोगे तो छोटा होगा, बड़ा होगा, बहुत सारे ट्रैक करने से बड़ा होगा। तो ये है मिडी को जूम करने के लिए, और ये जो बटन है ये है मिडी बटन को जूम करने के लिए। अगर आपके पास कोई मिडी ट्रैक लेकर काम किया तो मिडी ट्रैक को आप इसके ज़रिए जूम कर सकते हो। उसके साथ साथ ये है आपका पर्टिकुलर कोई एक ट्रैक को जूम करने के लिए। जैसे हम लोग इसको जूम करते हैं पूरा स्क्रीन के साथ साथ, मतलब जितना बड़ा आपका स्क्रीन है उसी स्क्रीन पे बड़ा हुआ वो नज़र आएगा। देखिए स्टार्ट टू एंड, जितना आप सिलेक्ट करके रखें उसी स्क्रीन पे स्टार्ट टू एंड बड़ा हुआ आपको नज़र आएगा। तो जब भी आप मान लीजिए कोई ट्रैक को आप एडिट कर रहे हो, तो उस ट्रैक को एडिट करते वक्त आपको अगर जूम करना चाहिए तो आप ई बटन दबाने से उसको जूम कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत काम आएगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ काम करना है, यहाँ पे कुछ काम करना है, तो आप इसको जूम करके कर सकते हैं। जो कि आपको अगर दूर से अगर करेंगे, जूम आउट टूल से करेंगे तो करना बहुत कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको नज़दीक से देखने के लिए आप इसको जूम कर सकते हैं। तो जूम के लिए आपको ई बटन दिया है। तो आपको जूम इन जूम आउट के लिए जो बटन यहाँ पे शॉर्टकट की, तो बटन दिया हुआ है ही, लेकिन जो शॉर्टकट कीज आपके पास है वो काफ़ी है। आप शॉर्टकट कीज से आप मैक्सिमम शॉर्टकट कीज से काम चलाएंगे तो हमको ये वाला जो टूल्स है ज़्यादा काम नहीं लगेगा। और इसके नीचे देखिए ये जो 1, 2, 3, 4, 5 है, ये है एक्चुअली जूम प्रीसेट। प्रोटूल्स में कुछ जूम इन का प्रीसेट ऑलरेडी सेट कर रखा है। जैसे मैंने अगर 1 दबाऊँगा तो ऐसा कुछ आएगा, आपको मतलब दिखा रहा है कहाँ से कहाँ तक हमने रिकॉर्डिंग किया है और उसका लेंथ के हिसाब से वो जूम इन किया है, मतलब मेरे को दिखा रहा है। उसके बाद जूम 2 दबाने से और भी थोड़ा सा नज़दीक आएगा, जूम 3 दबाने से और भी नज़दीक आएगा, जूम 4 दबाने से और भी नज़दीक आएगा, जूम 5 दबाने से अल्टीमेट जो उसका जो पॉइंट है वो दिखाएगा हमको। लेकिन वो जब हम हाथों से कर पाते हैं, मतलब शॉर्टकट किससे कर पाते हैं, तो उस टाइम हमको ये जूम बटन दबाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम इसको हाथों से कर लेते हैं। तो दोस्त ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन का जो शॉर्टकट कीज है हम वो हम हाथों से काम कर लेते हैं उसका। इसके बाद ये है, देखिए ये है आपका जूम टॉगल इन। जूम टॉगल इन एक्चुअली हम लोग जब ई बटन दबाने से जो काम करते थे वही है जूम बटन इन। इसको मतलब पर्टिकुलर जिसको आप सिलेक्ट कर रखे हो, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आप यहाँ सिलेक्ट कर रखे हो, इसको अगर आप ई दबाओगे, ये वाला दबाओगे तो सेम चीज़ होगा। अगर ई दबाओगे तो सेम चीज़ होगा। जैसे कि अब मैं अगर ई दबाता हूँ, देखिए ई दबाया तो पूरा के पूरा जो सिलेक्टेड सेक्शन है वो मेरा सामने आ गया, और फिर से अगर ई दबाऊँगा तो वो जूम आउट हो जाएगा। आप एक चीज़ गौर किया जाए, इसके नीचे देखिए एक फेडर लेवल है और इसका लेवल है 0, फेडर लेवल है उसका वैल्यू है 0। तो जब भी आप यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसका लेवल को कम ज़्यादा करने के लिए ये आपको दिया है प्रोड्यूस 12 में। इसको आप यूज़ कर सकते हो, जिसका इनबिल्ट लेवल जो जिस लेवल पे रिकॉर्ड हुआ है उससे भी आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो कम भी कर सकते हो। मान लीजिए कोई भी रिकॉर्ड आपने किया है जो बहुत कम हो गया है, मतलब लेवल जो लेवल होना चाहिए था वो लेवल नहीं है, तो उसको आप ज़्यादा कर सकते हो। तो इस ऐसे इसको आप अगर क्लिक करोगे कंट्रोल दबा के तो एक एक पॉइंट करके उठेगा, लेकिन अगर आप कंटेंट को छोड़ के सिंपली माउस से अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, डाउन करोगे तो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा एक साथ। सो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। तो आप इसी हिसाब से इसको काम कर सकते हो।
इसके बाद आते हैं मेन जो चीज है, ये तीनों बटन और यहाँ पे चार, यहाँ पे तीन, तो चार तीन सात और तीन, टोटल 10 बटन। बहुत काम का चीज़ है जब हम लोग एडिटिंग करते हैं, इस पर जब हम एडिटिंग करेंगे तो उस टाइम यह चीज़ बहुत मायने रखता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसका काम क्या होता है। चले पहले देखते हैं कि यह बटन क्या काम करता है। इसको कहते हैं, आप देख पा रहे हैं, ट्रिम टूल। इसको कहते हैं ट्रिम टूल। इसका मतलब किसी को हम अगर ट्रिम करेंगे तो, देखिए ट्रिम कर रहा हूँ मैं, स्लिप मोड में आ रहा हूँ तो अच्छा रहेगा, किसी को मैं ट्रिम कर रहा हूँ, यहाँ से ट्रिम कर रहा हूँ, यहाँ से ट्रिम कर रहा हूँ, तो ये ट्रिम टूल मेरे को काम आता है इस मामले पे। और इसको अगर आप राइट क्लिक करोगे तो इसमें आपको स्टैंडर्ड ट्रिम आएगा, TCE आएगा और लूप भी आएगा। स्टैंडर्ड TCE लूप मतलब ये ट्रिम टूल में जो ट्रिमर टूल है, इसमें आपको तीन टाइप का ट्रिमर टूल मिलते हैं। एक है स्टैंडर्ड, जो हम लोग सभी को पता है कि राइट से अगर किसी को ट्रिम करना है, लेफ्ट से किसी को ट्रिम करना है तो कर सकते हैं। लेकिन उसके नीचे देखिए TCE बोले तो मतलब ये वाला जो है TCE, ये TCE है टाइम कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। कोई भी एक फाइल, मान लीजिए कोई भी एक फाइल जो ऑडियो फाइल आपने रिकॉर्ड किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए रिकॉर्ड किया है, मैं आपको यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, जो मान लीजिए यहाँ से मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, इसको काट करता हूँ करके मैं लेके जाता हूँ इधर, तो ये जो चंक है, ऑडियो चंक आप देख रहे हो, किसने यहाँ तक गाना गाया है, लेकिन उनको क्या चाहिए था, मैं जूम करता हूँ, उनको चाहिए था कि यहाँ तक खींच के लाए, मतलब ये जो गाना गाया उसका थोड़ा सा जो लास्ट ट्यूनिंग जो है, मतलब लास्ट वर्ड जो है वो लास्ट वर्ड यहाँ तक आएगा, लेकिन वो यहाँ आके उसका दम छोड़ दिया है, तो उस टाइम लेकिन आपको ये TCE टूल काम आएगा बहुत। TCE जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक एंड TCE जो है इसके ऊपर अगर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आप इसको जैसे ही इधर लेके जाएंगे कर्सर को, तो एक घड़ी के साथ एक ट्रिमर आपको नज़र आएगा, तो इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक खींच के ले जाता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो सिग्नल पोर्शन जो है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, चिकलेट की तरह, जैसा होता है ना च्यूइंगम, हम लोग च्यूइंगम को थोड़ा सा खींचते हैं तो लंबा हो जाता है रबर की तरह, वैसे ही थोड़ा सा लंबा हो गया टाइम के हिसाब से जहाँ तक आपने खींचा है। मान लीजिए आप इसको यहाँ से यहाँ तक खींचा है तो उसी हिसाब से यहाँ तक खींच जाएगा, लंबा होकर खींच जाएगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं यहाँ तक नहीं होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए था, तो उस टाइम भी आप उसको वैसे ही कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं पकड़ता हूँ और इसको पकड़ने के बाद यहाँ से देखिए यहाँ तक खींच के लेकर आता हूँ, छोटा कर देता हूँ तो पूरा के पूरा फाइल छोटा हो जाएगा। यह है TCE का काम। इसके बाद देखिए लूप, इसको अगर हम लूप के हिसाब से काम करवाएंगे तो देखिए ये एक बार में सेट हुआ है। मान लीजिए ये कोई ढोलक का रिदिम है या कोई ऑक्टोपैड या ड्राम्स का रिदिम, यहाँ पे लूप के हिसाब से आपने बिठाया है, लेकिन आपको ये लूप चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक चाहिए आपको, तो उस टाइम क्या करेंगे, उसको आप एक तो है उसको आप ऑल्ट आर दबा के डुप्लीकेट कर सकते हैं सात बार तक, देखिए वहाँ तक खींच गया। नहीं तो आप क्या करेंगे, इसको आप राइट क्लिक करेंगे लूप के जहाँ पे लूप है वहाँ पे लूप को टिक करेंगे, टिक करने के बाद जैसे ही आप इसको खींचेंगे वो जो लूप था मतलब जो ऑडियो फाइल था वो यहाँ तक खींचा गया। आपको वहाँ पे कुछ और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है यहाँ तक ठीक है। मैं उसको फिर भी आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि इसको अगर नीचे वाला कोई ट्रैक में अगर लेकर आता हूँ, इसको आप लूप के हिसाब से आप इसको खींचेंगे तो यहाँ पे आपका लूप है, जैसे लूप देंगे तो ये वाला साइन आपका आ जाएगा, इसको आप खींचते रहिए, आपको जहाँ तक खींचना है खींचिए, ऑटोमेटिकली वो लूप के तौर पे ये बैठ जाएगा यहाँ पे। तो जब जब हम लूप लेके काम करेंगे
या कोई ऑडियो एक फ्रेज फ्रेज को लेकर काम करेंगे, तो ये उसी हिसाब से हम ऑडियो कोई भी ऑडियो फ्रेज को हम उसको लूप के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, जहाँ तक आपको मतलब गिनना भी नहीं पड़ेगा, आप देख रहे हैं वहाँ पे गाना वहाँ तक चला हुआ है, इसका वोकल वहाँ तक गया है, तो यहाँ तक आपको रिदिम होना चाहिए, इसके बाद ये रिदिम होना चाहिए, तो आप एक एक करके बिठा दीजिए, फिर उसको लूप के हिसाब से आप खींच दीजिए, तो कम्प्लीटली वो आपका जो गाना का जो टोटल सेक्शन है वो फिलअप कर लेगा। इसके बाद हम आते हैं, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो ट्रिमर है, इसमें ट्रिमर के टूल पे आपको तीन टाइप का ट्रिमर यहाँ पे नज़र आपको आ गया, और उसका जो उपयोग क्या है ये भी आपको मालूम हो गया है। अभी चलिए हम लोग जाते हैं स्टैंडर्ड में, और ये है आपका डिवाइडर मतलब सिलेक्टर टूल, ये है सिलेक्टर टूल। इसको इसके जरिए कुछ नहीं, आप किसी एक ट्रैक को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग सिलेक्ट करते हैं, देखिए नॉर्मली हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं, इसका काम सिर्फ एक ही है, सिलेक्ट करता है कहाँ से कहाँ तक हमको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। लेकिन इसका बगल में जो है इसको चेक कीजिए, ये है हैंड टूल, ये है टाइम टूल, उसके बाद सेपरेशन ऑब्जेक्ट। तो टाइम टूल में हम लोग है, टाइम टूल मतलब ये वाला ये टाइम है, इसको सिलेक्ट किए, इसको हम टाइम के हिसाब से मतलब मान लीजिए कि हमको यहाँ इसको यहाँ पर बिठाना है, किसको बिठाना है, इसको यहाँ पर बिठाना है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको खींच के हम ले जा सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ देखिए, इसको सिलेक्ट किया, जूम आउट कीजिए, इसको सिलेक्ट किया, इसको टाइम के हिसाब से मैं इधर बिठा सकता हूँ या इधर बिठा सकता हूँ। तो ख़ास तौर पे इसका उतना कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि इसके बाद में जो हम लोग टूल्स यूज़ करेंगे वो टूल में सब के सब जो फैसिलिटीज़ वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है सेपरेशन, ये भी बहुत सिंपल सा चीज़ है। सेपरेशन बोले तो मतलब टुकड़ा, जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला एक टुकड़ा है, इसको हम सिलेक्ट किया, इसको सेपरेट कर लिया, ठीक है, इसको यहाँ से इधर लेके आया, नहीं तो इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आया, नहीं तो इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आया। तो ऐसे हम लोग किसी एक रीजन को सेपरेट कर सकते हैं। तो कम्प्लीटली इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड कि सेपरेशन टूल ये है। लेकिन इसके बाद है ऑब्जेक्ट टूल, जो मैं अभी बोलने जा रहा था। जब भी आप एक ऑडियो फाइल को सिलेक्ट किया और दूसरे फाइल को भी आप सिलेक्ट करने जाओगे तो ये आगे वाला फाइल छोड़ देता है। लेकिन ऑब्जेक्ट टूल में क्या होता है, इसको जैसे ही आप नीचे रखोगे तो ऐसा एक प्लस साइन आएगा, देखिए प्लस साइन आया यहाँ पे। इसके ज़रिए आप बाहर से कोई भी ऑडियो का रीजन का जो बाहर से आप सब के सब आप खींच के उसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसके नीचे भी कोई रहेगा वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको भी सिलेक्ट करूँगा, इसको भी सिलेक्ट करूँगा, तो कैसे यहाँ से लेके मैं सिलेक्ट करूँगा, जो जो इसके अंदर आएगा सब सिलेक्ट हो जाएगा, देखिए सब सिलेक्ट हो जाएगा, सब सिलेक्ट हुआ, बाकी दोनों को छोड़ दिया मैंने। तो इस हिसाब से मैं ऑब्जेक्ट टूल को इस्तेमाल कर सकता हूँ जब हमको चाहिए, जैसे ऊपर से ऊपर कोई ट्रैक है, नीचे दूसरा ट्रैक है, उसके बाद नीचे तीसरा ट्रैक है, सब ट्रैक को मेरे को सिलेक्ट करना है एक साथ, तो उस टाइम हम ऑब्जेक्ट टूल को अपनाएंगे, ऑब्जेक्ट टूल को इस्तेमाल करेंगे। अभी देखिए ये जो अलग अलग टूल्स है, इसको हम सब के सब टूल्स जो इम्पोर्टेंट टूल्स है इसको हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। जो अलग अलग टूल्स है इसको हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे, उसे कहते हैं मैजिक टूल। तो आप जब अपना जो कीबोर्ड है उसमें F6, F7 एंड F8 ये तीनों बटन को एक साथ दबाइए, तो देखिएगा ये वाला जो हिस्सा है ये तीनों बटन एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। मैं दबा रहा हूँ, आप चेक कीजिए, F6, F7, F8 दबाना, दबा दिया, दबाने के बाद ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया। अभी देखिए इसको कहते हैं मैजिक टूल, जैसे कि इसमें स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया हुआ है ये तो आपको पता ही है, और ये है ग्रैबर टूल, तीनों ग्रैबर टूल में सिलेक्ट है। अभी ग्रैबर टूल में कौन सा हमने सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट टूल सिलेक्ट किया। तो जैसे हम ऑब्जेक्ट टूल सिलेक्ट करेंगे तो अभी ये जो प्लगइन्स मतलब अभी हमारा जो कर्सर है, ये कर्सर तीन चार टाइप का काम करेगा। कैसा काम करेगा देखिए, अभी मैं बोलता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हूँ, तो इसको मैं इधर से लेके इधर लाऊँगा, इसको मैं इधर से लेके इधर लाऊँगा, तो ये मेरा ग्रैबर टूल काम कर रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि इसका जो
ऑडियो फाइल है, इसको थोड़ा सा फेड इन हो जाए, तो मैं ऊपर से इसको फेड इन भी कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये वाला फेड आउट भी हो जाए। देखिए मैं फेड आउट भी कर दिया यहाँ पे, एक ही माउस से, मतलब एक ही जो हमारा जो मैजिक टूल है, एक ही मैजिक टूल से आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए तो क्या हो गया, ऊपर से मैं फेड इन कर रहा हूँ, ऊपर से मैं फेड आउट भी कर रहा हूँ। इसका सेंटर में हम अगर रखेंगे, इसका इधर हम अभी मैं इधर अगर रखेंगे माउस को, तो वो सिलेक्ट ट्रिमर टूल हो जाएगा। मैं इसको लेफ्ट साइड से ट्रिम कर रहा हूँ, मैं इसको भी राइट साइड से ट्रिम कर रहा हूँ। देखिए ट्रिम भी हो गया, तो फेड इन फेड आउट, लेफ्ट ट्रिमर एंड राइट ट्रिमर काम कर रहा है। अभी दो जो ऑडियो चंक है, ये जो दो ऑडियो चंक है, इस ऑडियो चंक में बीच में मैं जाता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई क्रॉस फेड काम करे, मतलब इसका फेड इन एंड फेड आउट, देखिए ये क्रॉस फेड काम करे, मतलब ये वाला जो साउंड जा रहा था या धीरे धीरे कमता जाए, और इसका जो चंक था, ऑडियो चंक था, ये धीरे धीरे बढ़ता जाए, मतलब ये ख़त्म होगा, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो क्रॉस इन फेड इन जो जो जिसको बोलते हैं क्रॉस फेड वर, ये इसका भी काम करता है, जैसे कि फेड इन का काम करता है, फेड आउट का काम करता है, और ट्रिमर का भी काम करता है। जैसे कि अभी सेपरेशन का काम अगर चाहिए आपको, जैसे इसको आप सेपरेट करना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा यहाँ से हिला दीजिए, इसको सेपरेट हो गया। तो ऐसे करके आप मैजिक टूल के ज़रिए, आपको बार बार यहाँ नहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप मैजिक टूल के ज़रिए आप इसको कर सकते हैं। अभी देखिए ये है आपका ऑडिशन बटन, मतलब जिस ऑडियो में, मतलब जिस चंक में कौन सा ऑडियो है, उसको आप अगर सुनना चाहते हैं तो ऑडियो को सिलेक्ट कीजिए और उसके ऊपर माउस को ऐसे घिसटिए, तो वो ऑडियो में, वो चंक में जो ऑडियो रहेगा, वो ऑडियो बसता रहेगा। जहाँ जैसे जहाँ जहाँ तक आपका कर्सर जाएंगे, आप इसको लेके जाएंगे, तो ऑडियो बसता जाएगा उसी हिसाब से, समझ गए ना। अच्छा, और ये है पेंसिल टूल। अभी देखते हैं, पेंसिल टूल में बहुत सारे काम है, लेकिन पेंसिल टूल में हम क्या करते हैं, जैसे कि इसके ज़रिए बहुत सारे टूल्स इसके अंदर है पेंसिल टूल में, एक है फ्री हैंड, दूसरा है लाइन, तीसरा है ट्रायंगल, चौथा स्क्वायर, ये रैंडम, बहुत सारे यहाँ पे पैराबोलिक एंड एस्कार्प, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन पेंसिल टूल के ज़रिए। अभी पेंसिल टूल में फ्री हैंड बोले तो क्या होता है, फ्री हैंड मतलब जब हम इसको ड्रॉ करते हैं, अपना जो पसंदीदा है, अपना पसंद के हिसाब से उसको ड्रॉ करेंगे, उस टाइम हमको फ्री हैंड चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम उसका वॉल्यूम जो है, इस ट्रैक का जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को हम पेंसिल टूल के ज़रिए कम ज़्यादा ऐसा कुछ करेंगे, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद फ्री हैंड सिलेक्ट किया है, फ्री हैंड, तो फ्री हैंड के ज़रिए हम उसको कभी नीचे कभी ऊपर ऐसा ऐसा करते 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 जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये जो इसका जो वॉल्यूम जो जो लेवल था, वॉल्यूम जो स्विच था, वॉल्यूम जो लेवल था, वॉल्यूम लेवल मेरा किया हुआ ड्राइंग के हिसाब से ज़्यादा या कम ऐसा होते रहेंगे, ठीक है। हम लोग जब ऑटोमेशन चैप्टर में जाएंगे तो इसका काम आप और भी अच्छे से देख पाएंगे। फिलहाल आप जानकारी रखिए कि पेंसिल टूल के ज़रिए हम किसी भी डेटा को हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से आपको क्या लेना पड़ेगा कि फ्री हैंड लेंगे या आपको लाइन लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि लाइन लेंगे तो लाइन में क्या होगा, आप जब भी इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको लाइन के हिसाब से जाना पड़ेगा। देखिए ऑटोमेटिकली लाइन के हिसाब से जाएगा, प्लेन जाएगा नहीं, मतलब आराम से आप अगर उसको ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन क्रिएट करता हुआ जाएगा, वो एक एक्शन पॉइंट से दूसरा एक्शन पॉइंट तक, जो कि आपको फ्री हैंड में नहीं था। फ्री हैंड में आपको कोई भी एक ड्रॉ कर देंगे तो फ्री हैंड उस हिसाब से चलता रहेगा, देखिए। लेकिन लाइन में ऐसा नहीं होता, लाइन में एक मतलब रेखा के हिसाब से जाता है वो। इसके बाद हम आते हैं ट्रायंगल में। अच्छा, इसके बाद आपको क्या मिलेगा, ट्रायंगल। ट्रायंगल जब हम लोग ऑटोमेशन पैन करते हैं, ऑटोमेशन के प्लान जब करते हैं, तो तब ये ट्रायंगल आपको बहुत काम आएगा। आप फिलहाल देख लीजिए, मैं इसको आंडू करके प्लेन कर रहा हूँ, तो इसको ट्रायंगल, इसके बाद स्क्वायर, आपको अगर स्क्वायर क्यूब चाहिए, ये भी आपको ऑटोमेशन के क्लास में आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि ऐसे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए उसी हिसाब से वो आगे आगे निकल रहा है, देखिए
सकते हैं, एक नीचे ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर किया है। सेम अगर ट्रायंगल में जाएंगे तो यहाँ से लेके जैसे कि ट्रायंगल आगे कर आगे बढ़ गया पीछे बढ़ गया, थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ मैं, जैसे जैसे आगे जाऊँगा वो ट्रायंगल के हिसाब से, देखिए ट्रायंगल के हिसाब से वो ड्रॉ करता गया। तो ऐसे आप इसको ड्रॉ के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यह देखिए ये बेसिकली जब ऑटोमेशन में हम लोग पेन लेके काम करेंगे उस टाइम ये अच्छा फ़ायदा देता है, अच्छा लाभ देता है ये। और ऑटोमेशन की तरफ जैसे वॉल्यूम लेके अगर ऑटोमेशन करेंगे तो उस टाइम फ्री हैंड ब्लेंडर ही अच्छा रहेगा। तो सेम टू सेम ट्रायंगल में भी वैसा होगा, रैंडम में भी वैसा होगा, पैराबोलिक में तो आपका सेम चीज़ आपको चाहिए चाहिए, पैराबोलिक में आप ट्राई कर सकते हैं, इसका भी सेम काम है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो पेंसिल टूल इस पेंसिल के जरिए हम इसको कंप्लीट किया है। इसके बाद हम आएंगे ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें कौन सा बटन का काम क्या है और क्या करता है ये, चलिए इसको भी हम देखते हैं सीखते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे को लगता है कि ये जो रिकॉर्डिंग मोड्स और उसके बाद जो जूमिंग टूल एंड यहाँ पे जो मैजिक टूल्स है या कर्सर टूल्स जो है जो आपको अब तक पेंसिल टूल तक हमने मैंने दिखाया ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम ये नीचे वाला बटन्स को देखेंगे इसका काम क्या है। तो फ्रेंड्स अभी आते हैं हम लोग जो एडिट विंडो है इसे कहते हैं एडिट विंडो। पिछले एपिसोड में आपने देखा है ये जो रिकॉर्डिंग मोड्स और ऊपर का जितने सारे बटन्स है इसका काम, अभी हम देखेंगे ये जो बटन्स है इसका काम। तो चलिए दोस्तों ये सब बटन्स है इसको हम देखते हैं इसको क्या कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बटन्स है सब काम क्या है। पहले देखिए इसको, इसका नाम क्या है, टैप टू ट्रांजिएंट। आप ऑब्वियसली इसको नोट करके रखिएगा क्योंकि ऐसे तो आराम से इसको आप याद नहीं कर रख सकते। तो टैप टू ट्रांजिएंट जो है इसका काम अलग है। उसके बाद देखिए लिंक टाइमलाइन एंड एडिट सिलेक्शन, उसके बाद लिंक ट्रैक एंड एडिट सिलेक्शन, इंसर्शन फॉलोस प्लेबैक और ऑटोमेशन फॉलोस एडिट, इसके बाद मिरर मीडिया एडिटिंग एंड लेयर एडिटिंग। ये जो आपने यहाँ पे 4, 8, 3, 7 बटन्स देख रहे हैं, 7 बटन्स का काम अलग अलग है। मैं आपको सब कुछ दिखाते हुए आ रहा हूँ, पहले यहाँ से आ रहा हूँ। ये जो है टैप टू ट्रांजिएंट इसको कहते हैं टैप टू ट्रांजिएंट, इसका काम क्या है। उसके पहले मैं एक ऑडियो फाइल को यहाँ पर लाता हूँ। जैसे मैं पिछले एपिसोड में दिखाया था आपको कि ये कोई भी एक ट्रैक को मैं हाइड कर सकता हूँ, जैसे कि ये 5 नंबर जो ऑडियो ट्रैक है ये हाइड है, अभी मैं इसको अनहाइड कर रहा हूँ और इसको म्यूट करके रखा था, अभी इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और अभी सुन के देखिए क्या होता है। ये यहाँ पे देखिए एक ऑडियो है, तुम हुए क्यों पता मुझसे यूं जुदा, तेरे बिन सोना है ये जहां, तुम हुए क्यों पता मुझसे यूं जुदा, तेरे बिन सोना है ये जहां। तो इसमें मान लीजिए कि ऑडियो में जो एक्शन पॉइंट होता है ना, मतलब जहाँ जहाँ पे ऑडियो ट्रांजिएंट मतलब ऑडियो का जो एक्शन पॉइंट होता है जहाँ पे ऑडियो हिट खाता है, मतलब इसको अगर जूम करेंगे आप तो आपको नज़र आएगा कि देखिए यहाँ पे एक ऑडियो जा रहा है जिसका बायस लाइन से सिग्नल ऊपर नीचे कर रहा है। मैं इसको अगर जूम करके इस जगह पे लेके आऊँगा तो आपको देखने में सुविधा मिलेगी। देखिए यहाँ पे ऑडियो मैक्सिमम ज़्यादा मतलब हिट कर रहा है, देखिए एक मिनट मैं वहाँ पे इसमें नहीं था बोल के वो हुआ नहीं एक्चुअली, मैं इसको देता हूँ। हाँ देखिए पास तू, ये जो पास तू यहाँ पे देखिए इसका जो ऑडियो जो एक्शन पॉइंट है इसको अगर जूम करेंगे मैं आपको जूम कर रहा हूँ, देखिए इसका एक्शन पॉइंट है यहाँ पे इतना, लेकिन इसके बाद का जो हिस्सा है यहाँ पे देखिए इसका एक्शन पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई तक गया है। तो ऐसे ही हर एक ऑडियो का एक्शन पॉइंट जो है उसको चेक करने के लिए आपको ये वाला जो है
ट्रांजिएंट पॉइंट को ऑन करके रखना पड़ेगा। जैसे टैप टू ट्रांजिएंट करेंगे तो इसको अगर ऑन करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे एक हीट पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, कर्सर आपको शो कर रहा है यहाँ पे, ये आपका हीट पॉइंट है। उसके बाद आपका कीबोर्ड में जो टैब बटन है, टैब, उसको आप एक बार हिट कीजिएगा तो देखिए ये जो ट्रांजिएंट पॉइंट दूसरी जगह में गया है। तीसरी बार हिट कीजिए, देखिए यहाँ पे गया है, मतलब यहाँ से शुरू होता है वो ऑडियो। उसके बाद जूम आउट कीजिए, उसके बाद फिर से टैप कीजिए, देखिए यहाँ पे जाता है। जैसे कि दूर से अगर हम देख रहे हैं तो लग रहा है कि नहीं पहले से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका ट्रांजिएंट पॉइंट जो कह रहा है, यहाँ से आपका ऑडियो का हीटिंग पॉइंट शुरू होता है। जब भी हम लोग किसी को मतलब कोई ऑडियो चंक को कट करते हैं, मतलब लूप बनने के लिए जब हम लोग कटिंग करते हैं, मतलब उसका जो ट्रांजिएंट पॉइंट है उसी ट्रांजिएंट पॉइंट को हम लोग एक्चुअली फोकस करते हैं, कहाँ से एक्चुअली ऑडियो का ट्रांजिएंट शुरू हुआ है। तो इस मामले में प्रो टूल्स हमको जो फैसिलिटी देता है उससे देता है टैप टू ट्रांजिएंट बटन अगर ऑन रहेगा तब भी। तो जैसे यहाँ पे हुआ, उसके बाद टैप बटन हम दबाते हैं, देखिए यहाँ पे गया है। उसके बाद टैप बटन दबाएंगे, आप देख पा रहे हैं कहाँ पे गया है ये, और उसके बाद अगर टैप बटन दबाएंगे तो यहाँ से शुरू होता है वो वाला हिस्सा, जो हम प्ले करेंगे तो वहीं से शुरू होगा, देख रहे। तो ऐसे हर एक ऑडियो का जो मेन ट्रांजिएंट पॉइंट, मतलब एक्शन पॉइंट जो है, जहाँ से ऑडियो एक्चुअली शुरू हुआ है, वो पॉइंट को निकालने के लिए ये टैप टू ट्रांजिएंट हमको चाहिए। हम लोग जब लूप लेके क्लास करेंगे, देखेंगे यहाँ पे, तब हम लोगों को पता लगेगा कि ये टैप टू ट्रांजिएंट बटन किस काम के लिए एक्चुअली क्या काम करता है और कितना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे चलते हैं, देखिए उसके बाद हम आते हैं ये जो बटन है, ये बटन का नाम मैंने क्या बोला था, लिंक टाइमलाइन एंड एडिट सिलेक्शन। ये जो सेक्शन है यहाँ पे, ये टाइमलाइन है, हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमारा कर्सर है, ये वाला लेन को बोलते हैं टाइमलाइन, ठीक है, ये टाइमलाइन लेन है। जैसे हम टाइमलाइन को सिलेक्ट करते हुए उसको ड्रैग करेंगे तो वो उसका नीचे वाला सिलेक्ट करते हुए जाएगा। आप देख पा रहे हो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो नीचे वाला जितने सारे ट्रैक्स है सबको सिलेक्ट करता है। तो लिंक टू टाइमलाइन, जैसे कि मैं यहाँ से इसको यहाँ तक सिलेक्ट किया हूँ, लेकिन मैं जब कर्सर दबाऊँगा तो क्या होगा, कर्सर यहीं से प्लेबैक होगा, देखिए कर्सर यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है, सिर्फ टाइमलाइन को लिंक कर रहा है, उसके साथ साथ ट्रैक को लिंक कर रहा है, इसलिए ये आपका लिंक टाइमलाइन एंड एडिट सिलेक्शन ऐसा लिखा हुआ है। अभी अगर इसको मैं क्लिक करूँगा तो लिंक टाइमलाइन एंड एडिट सिलेक्शन, मतलब जैसे हम इसको मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से यहाँ तक, तो ऊपर का जो हिस्सा जो है एडिट सिलेक्शन का, टाइमलाइन जो है 22 नंबर बार से लेके 23 नंबर बार तक जो हिस्सा है उसको ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेगा, क्योंकि जब तक इस ये सिलेक्ट नहीं होगा तब तक हम इसको प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस नहीं होगा, हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहेंगे बाहर तो बाहर एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो इसीलिए टाइमलाइन लेकिन सिलेक्ट होना ज़रूरी होता है। तो अभी मैं टाइमलाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ टाइमलाइन सिलेक्ट हो रहा है लेकिन कोई ट्रैक सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये लिंक टाइमलाइन एंड एडिट सिलेक्शन था, लिंक टाइमलाइन एंड एडिट सिलेक्शन, देख रहे हैं आप। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ ट्रैक को मैं लिंक करूँगा, टाइमलाइन को लिंक करूँगा, और उसके साथ साथ रिलेटेड जो ऑडियो ट्रैक्स है उसको भी मैं सिलेक्ट करूँगा, तब हमको दबाना पड़ेगा ये वाला बटन। इसका मतलब क्या है, इसका नाम देखिए क्या है, यह लिंक ट्रैक एंड एडिट सिलेक्शन, मतलब जैसे मैं एक ट्रैक को सिलेक्ट करूँगा, जैसे वो मैं खींच रहा हूँ, देखिए कोई ट्रैक अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं इस ट्रैक को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट नहीं हो रहा है, देख रहे हैं, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, टाइमलाइन सिलेक्ट हो रहा है, ट्रैक सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन उसका जो ट्रैक है ट्रैक सफ़ेद नहीं हो रहा, इसका मतलब ट्रैक सिलेक्ट नहीं हुआ, तो इसको भी हमको चाहिए। तो इसके लिए हमको लिंक ट्रैक एंड एडिट सिलेक्शन, देखिए इसमें है लिंक ट्रैक एडिट सिलेक्शन, इसको मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो अभी मैं कोई भी एक टाइमलाइन में ऊपर जाके मैं इसको क्लिक करता हूँ और खींचता हूँ, तो उसके नीचे जितने सारे ऑडियो ट्रैक्स है सब के सब सिलेक्ट हो गया है, और उसके साथ साथ ये वाला जो टाइमलाइन है
स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट तक ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है। जब भी हम कोई भी गाने को मिक्स करने के बाद एक्सपोर्ट करना चाहूँगा तो हमको ये चीज़ चाहिए कि हमको स्टार्ट पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा और एंड पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद ही प्रो टूल्स को पता लगेगा कि हम कहाँ से कहाँ तक एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बाउंस करना चाहते हैं। तो जब तक ये आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो कोई ट्रैक सिलेक्ट नहीं होगा, तो आपका टाइमलाइन के हिसाब से वो बराबर बाउंस भी नहीं होगा। और आप चाहते हो कि उसको अगर कुछ प्रोसेस करने के लिए, जैसे क्वांटाइज करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो वो सिर्फ टाइमलाइन में ऊपर ही रहेगा, कोई ऑडियो ट्रैक क्वांटाइज नहीं होगा, कोई मिडी ट्रैक क्वांटाइज नहीं होगा। इसीलिए जब भी हम काम करेंगे ये तीन ट्रैक को हम हमेशा ऑन रखेंगे, क्योंकि ये हमारा एडिट में हमेशा लगता है। इसके साथ देखिए, यह है इंसर्शन फॉलोस प्लेबैक। इसको हम अगर क्लिक करेंगे तो हम जहाँ से, जैसे मान लीजिए कि मैं कर्सर इधर रखा हूँ, जैसे मैं कर्सर इधर रखा हूँ तो प्लेबैक यहाँ से हो रहा है। देख रहे हैं, यहाँ से प्लेबैक हो रहा है। तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया, फिर कर्सर उसी जगह पे आ गया जहाँ से मैंने स्टार्ट हुआ था। देखिए, देख रहे हैं। लेकिन इंसर्शन फॉलोस प्लेबैक स्विच अगर हम ऑन करके रखेंगे तो मैं जहाँ पे जाके रुकूंगा, नेक्स्ट टाइम जब मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो जहाँ पे मैंने रुका था वहीं से चालू हो जाएगा ना। जैसे देखिए, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ क्लिक करके, अभी मैं यहाँ से जाके यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, मेरा कर्सर वहाँ जाके खड़ा हो गया है। फिर से जब मैं प्लेबैक करूँगा तो वहीं से शुरू होगा। देख रहे, पास तू वहाँ तक गया है। इसके बाद प्लेबैक करूँगा तो वही शुरू होगा। ऐसे देख पा रहे हैं आप, तो ये है इंसर्शन फॉलोस प्लेबैक का फंडा। इसको आप तभी यूज़ करेंगे जब आपको ऐसा कुछ लाइन बाय लाइन आपको एडिटिंग चाहिए या आपको सुनना चाहते हैं, तो उस टाइम आप उसी हिसाब से इसको ऑन रखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑन नहीं रखते। और इसको ऑन करने के लिए आप वहाँ से क्लिक करके भी ऑन कर सकते हैं, नहीं तो आपका कीबोर्ड में जो एन स्विच है, एन फॉर नागपुर, एन वाला स्विच दबाएंगे तो ऑन होगा, एन वाला स्विच दबाएंगे तो ऑफ होगा। जैसे मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ, एन दबाने से ऑन हो गया, एन दबाने से ऑफ हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग उसको ऑफ ही रखेंगे। अभी उस टाइम जो मैंने आपको बोला था कि ये जो ट्रैक, जो हमारा ये ऑडियो ट्रैक है, इसको हम सुनना चाहते हैं, इसमें है क्या, तो जिस हिस्से को हम लोग सुनना चाहते हैं उसको हम सुन पाएंगे। कैसे पाएंगे, इसके लिए आपका मॉनिटर स्विच ऑन करना पड़ेगा। और देखिए, आपका कर्सर अब स्पीकर में बदल गया है। आप इसको जहाँ से आप घिसट के लेके आएंगे सामने, तो उतना ही हिस्सा आपको सुनाएगा। देखिए, मैं रुक गया, पीछे आइए, देख रहे हैं, आगे जाएंगे आगे का साउंड देगा, पीछे आएंगे पीछे आएंगे। मतलब आपको अगर किसी जगह में शक हो कि जगह में क्या है, कुछ सुनना है, तो आप उस वहां से सुन सकते हैं। देख पा रहे, जैसे जैसे आप माउस को हिलाएंगे वैसे वैसे वो आपको प्लेबैक करते हुए जाएगा। ये था उस स्पीकर के बटन का फंडा। अभी देखिए, इसके बाद इसको हम फिर से मैजिक टूल में आ जाते हैं। आपको पता ही है मैजिक टूल क्या है। अभी हम आएंगे जैसा ये, इसके बाद है ये वाला टूल, ये है एक्चुअली ऑटोमेशन फॉलोज एडिट। जब हम लोग इसमें ऑटोमेशन करेंगे तो ये ऑटोमेशन क्या करेगा, जो हम लोग एडिट किया, जैसे कि मैंने उस टाइम आपको दिखाया था कि वेब फॉर्म या वॉल्यूम में यहाँ पे ऑटोमेशन कुछ किए थे हम, पेंसिल टूल में जाके फ्री हैंड लेके इसको हम अगर थोड़ा सा कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे तो क्या होगा, उसी हिसाब से ये ऑटोमेशन तो फाइव मतलब राइट हो गया है। अभी इस ऑटोमेशन को फॉलो करेगा ये, मतलब ये अगर हम दबा के रखेंगे, मतलब ये ऑन रखेंगे तो ये ऑटोमेशन को फॉलो करते हुए जाएगा। तो जैसे मैंने कर्सर को इधर रखा हूँ, इधर कर्सर में रखा हूँ और मैं प्लेबैक करता हूँ, तो ये जो मैंने इसको कमांड दिया है कि तुम थोड़ा सा आगे वॉल्यूम को बढ़ाओ, थोड़ा सा कम करो इस जगह पे, तो उसी हिसाब से प्रो टूल्स मेरा कमांड को सुनते हुए उसका वॉल्यूम को कभी बढ़ाएगा कभी घटाएगा। देखिए, तो ये था ऑटोमेशन फॉलोस एडिट। तो इसके बाद देखिए, ये जो है ये है मिडी, मिरर मिडी एडिटिंग। मिरर मिडी एडिटिंग क्या है मैं आपको अभी थोड़ा बहुत बता के रखता हूँ, लेकिन जब हम लोग मिडी लेके काम करेंगे
तब आपको और भी अच्छी तरह से हम समझ मतलब हम दिखा सकते हैं, हम समझा सकते हैं आपको कि एक्चुअली चीज़ क्या है वो। आप मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मीडी फाइल है, इसको अगर मीडी फाइल मान लेते हैं, जैसे कि ये वाला मीडी फाइल अगर मान लेते इसको, तो ये मीडी फाइल में अगर इसको मैं मीडी फाइल मान लेता हूँ फिलहाल, तो ऐसा होता है ना कभी एक मीडी फाइल आप यहाँ पे यूज़ किया है, दूसरा मीडी फाइल सेम मीडी फाइल आपने यहाँ पे यूज़ किया है, सेम मीडी फाइल आपने यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन काम ख़त्म करते वक्त आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे एक मीडी फाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, एक नोट गलत बजा हुआ, आपने तो इसी चंक को इसी मीडी चंक को अपने कॉपी करके तीन जगह बाकी दो जगह में बिठाया है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसको अगर इसको ठीक करें फिर जाके इसको ठीक करें फिर जाके इसको ठीक करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये इतना एक गाने में मान लीजिए आप 20-25 जगह में आपने इसको यूज़ किया है, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मिडी मिरर एडिटिंग टूल जब ऑन रहेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा क्या, आप एक मिडी में थोड़ा सा एडिटिंग करके उसको ठीक किया, जैसे इसको ठीक किया बाकी जितने सारे मिडी क्लिप्स है वही वाला क्लिप जिसको आपने कॉपी करके बिठाए थे सब क्लिप्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। मतलब आप एक को ठीक करेंगे बाकी सब के सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, इसे कहते हैं मिडी मिरर एडिटिंग। मतलब एक को आपने ठीक किया बाकी जितने सारे मिरर फाइल था सब के सब फाइल ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो मिडी मिरर फाइल एडिटिंग जो है वो हम ऑन रखेंगे हमेशा। उसके बाद देखिए ये मिडी फाइल के लिए खासतौर पर मिडी फाइल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो बटन है वो है लेयर एडिटिंग। लेयर एडिटिंग मतलब आपने मान लीजिए ये जो मैंने अभी अभी इसको अगर अभी ऑडियो के तौर पे मानते हैं, इसको आपने ऑडियो यहाँ पे रखा है, मान लीजिए यहाँ पे आपका ऑडियो है, दूसरा एक ऑडियो आपने रिकॉर्ड किया या कुछ एडिटिंग किए, एडिटिंग करते वक्त आपको लगा कि इसका ऑडियो यहाँ तक जाएगा, तो आप देख पा रहे जैसे मैं ये वाला ऑडियो को इसका पीछे वाला जो ऑडियो के ऊपर चढ़ा रहा हूँ तो पीछे वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा था। देखिए दिखाई दे रहा है पीछे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, मतलब मैं इस ऑडियो का इतना हिस्सा तक घुस गया हूँ, इसीलिए वो लेयर एडिटिंग में आपको दिखाता है। आप चाहे इसको बाहर भी लेके आए आपका पीछे वाला हिस्सा ऑटोमेटिक मिल जाएगा, लेकिन ये लेयर एडिटिंग अगर ऑफ रहेंगे तो जैसे आप इसको थोड़ा सा उसके ऊपर चल जाएंगे, जैसे आप इसके ऊपर चढ़ जाएंगे ना तो वो वापस में आपको नहीं मिलेगा। देखिए खाली हो गया है, उसके ऊपर फिर से चढ़ जाइए वो खाली हो गया, मतलब वो खा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी नहीं मिल सकता, ये आपको मिल सकता है। इसको अगर ट्रिमर टूल से अगर खींचेंगे आप तो ऑब्वियसली उसका पीछे वाला जो हिस्सा जितना था वो आपको मिल जाएगा, लेकिन हम लोग जब एडिटिंग करते हैं तो मिडी मिरर एडिटिंग टूल को हम ऑन रखते हैं ताकि हमको जब भी चाहिए तुरंत हमको मिल सके। तो जब भी हम एडिटिंग करते हैं तो लेयर एडिटिंग को हम ऑन रखते हैं ताकि जब भी हम इसके ऊपर चढ़ जाएँ या किसी एक को इसके ऊपर चढ़ा दें तो वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा गायब ना हो जाए। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमको सुविधा मिलता है, बहुत सारे प्लगइन्स हमको मतलब बहुत सारे ऑडियो फाइल्स हमको मिल जाते हैं जो मिसिंग हुआ अनफॉर्चुनेटली मिसिंग हो जाते हैं ना कभी कभार, इसके ऊपर चढ़ा दिया लेयर एडिटिंग ऑन नहीं था तो गायब हो जाएगा, फिर आपको उसको ढूंढ के ट्रिमर टूल से उसको खींच के लाना पड़ेगा, तो ये बहुत मतलब तामझाम वाला काम है। तो इसीलिए ताकि आप बहुत स्मार्टली काम कर सकें इसीलिए जो आपका लेयर एडिटिंग जो बटन है उसको हम ऑन रखते हैं। इसको आप भी ऑन रखिएगा तो आपका एडिटिंग में बहुत सुविधा आएगी। तो ये था बस फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ आपको, ये था टैप टू ट्रांजिएंट। आपको पता है टैप टू ट्रांजिएंट क्या काम करता है। इसके बाद है लिंक टाइमलाइन एंड एडिट सिलेक्शन, द लिंक टाइमलाइन एंड एडिट सिलेक्शन। उसके बाद है लिंक ट्रैक एंड एडिट सिलेक्शन। उसके बाद है इंसर्शन फॉलोज प्लेबैक। उसके बाद जो है ऑटोमेशन फॉलोज एडिट, ठीक है। उसके बाद है मिरर मिडी एडिटिंग। जो मिरर मिडी एडिटिंग के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया, जब हम लोग मिडी लेके काम करेंगे ऑब्वियसली डिटेल्स हम लोग यहाँ पे बता पाएंगे और आप भी देख पाएंगे। उसके बाद लेयर एडिटिंग। तो ये चार और तीन सात, टोटल सात जो यहाँ पे बटन्स है, इसका बटन का काम आपको पता लग गया होगा अभी ठीक ठाक से। और चलिए अभी देखते हैं इसके बाद वाला जो हिस्सा है ये है ये वाला हिस्सा को, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट पैनल नहीं डिस्प्ले पैनल।
फ्रेंड्स, प्रो टूल्स में एक चीज होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला चीज, ठीक है। और ये है, मैं लेके आ रहा हूँ इसको, ये है बिग काउंटर। इसे कहते हैं बिग काउंटर। बिग काउंटर क्या करते हैं, जिस मोड पे हम इसको रखेंगे वही बिग काउंटर हमको उसी हिसाब से हमको काउंट देता है। जैसे नंबर वन, बिग काउंटर में हमको बार्स एंड बीट्स के हिसाब से पूरा सेशन को देखने को मिलता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी कुछ देंगे, मिनट एंड सेकंड। अगर मिनट एंड सेकंड में हम इसको सेट करेंगे तो गाने का जो टाइमिंग है मिनट सेकंड के हिसाब से वो देते रहेंगे। मिनट सेकंड्स के हिसाब से हम लोग अगर काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे कहाँ पे, टाइम कोड। टाइम कोड में आपको ये ऐसा टाइम देगा जैसे कि 1 मिनट 35 सेकंड्स एंड 12 मिलीसेकंड्स, देख रहे हैं। ये भी टाइम के हिसाब से जाता है, मतलब मिनट बार मिनट सेकंड के हिसाब से जाता है। और इसके साथ साथ आपको देगा फीट एंड फ्रेम्स। जब फिल्म लेके काम करेंगे, हम फिल्मों में काम करेंगे, बैकग्राउंड के लिए काम करते हैं, तो उस टाइम फीट एंड फ्रेम्स के हिसाब से वो मीटरिंग देता है। और इसके बाद सबसे बात में जो होता है सैंपल्स, मतलब कितना सैंपल्स तक हम लोग आगे बढ़े हैं और सैंपल्स लेकर अगर काम करेंगे। ये सैंपल वो वाला सैंपल नहीं है जो ऑडियो सैंपल के हिसाब से आप सोच रहे हैं। एक्चुअली फ्रॉम स्टार्ट, प्रो टूल्स का जो स्टार्ट पॉइंट है वहाँ से लेके अप टू एंड तक जब जितना भी हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये सैंपल जो काउंटिंग है ये बढ़ता जाएगा। मतलब डिजिटली हम उसको सैंपल के हिसाब से उसको मतलब टाइप कर सकते हैं, मतलब उसको चेक कर सकते हैं कि कितना सैंपल्स तक हम लोग गए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, इधर बार्स एंड बीट्स में रहते हैं, नहीं तो मिनट्स एंड सेकंड्स में रहते हैं। जब हम लोग क्लिक लेके बात करते हैं भैया, क्लिक लेके हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, उस टाइम हम रहते हैं बार्स एंड बीट्स में। लेकिन जब रियल टाइम में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, तबला ढोलक हारमोनियम तबला गिटार वगैरह सब कुछ लेके जब हम लोग काम करते हैं, जहाँ पे क्लिक टोन नहीं रहता है, आर्टिस्ट अपना मन के हिसाब से रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, वो टाइम कोड में नहीं आता है, आइदर टाइम कोड में आते हैं नहीं तो मिनट एंड सेकंड के हिसाब से आते हैं। तो उसी हिसाब से हमको जैसे जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर मिनट एंड सेकंड के हिसाब से सिलेक्ट कर लिया, तो ये वाला टाइम कोड भी आपको उसी हिसाब से देते रहेंगे वो। अगर इसमें बार बीट्स में अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला बार बीट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा बार एंड बीट्स में। तो आपको पहले तय करना पड़ेगा कौन सा सेक्शन में, मतलब कौन सा टाइम डिस्प्ले लेके या कौन सा डिस्प्ले मोड लेके आप रिकॉर्डिंग शुरू करना चाहते हैं। तो ये आप यहाँ से सेट करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पे जो आपको मिल रहा है, यहाँ आपको जो टाइम कोड मिल रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको बार्स एंड बीट्स मिल रहा है, इसके साथ साथ आपको ये वाला जो डिस्प्ले बोर्ड है यहाँ पे बिग काउंटर में नहीं, यहाँ पे जो डिस्प्ले बोर्ड है यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ आपको दिखाई देगा, लेकिन इसको कहते हैं ट्रांसफर पैनल। इसमें लेकिन आपको दो डिस्प्ले का ऑप्शन दिया है, एक अगर है आपका बार्स एंड बीट्स में, उसके बाद पीछे वाला जो नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें आप मिनट एंड सेकंड रख सकते हैं। उसमें क्या होगा, आप एक ही साथ देख सकते हैं कि मिनट कितने जा रहे हैं, गाने का लेंथ कितना हो रहा है, और कौन सा बार में अभी फिलहाल मेरा कर्सर रखा हुआ है। तो उसी हिसाब से आप मेन काउंटर को फॉलो अप कर सकते हैं। मेन काउंटर वही दिखाता है जो आपका बिग काउंटर दिखाता है, और यहाँ पे डिस्प्ले काउंटर भी दिखाता है सेम। सिर्फ आपको एडिशनली एक सैंपल वो देता है एक्स्ट्रा, क्या वो है, यहाँ पे आप सेकेंडरी एक डिस्प्ले देता है जिसमें आप मिनट सेकेंड या टाइम कोड या फीट एंड फ्रेम्स या सैंपल्स को रख सकते हैं। जो आप रखेंगे वही यहाँ पे आपको शो करेगा। तो ये था मेन डिस्प्ले का डिटेल्स। उसके बाद देखिए कर्सर में देखिए, मैं जहाँ जहाँ कर्सर घुमा रहा हूँ वो कर्सर पोजिशन दिखा रहा है उसी हिसाब से। देखिए अभी मेरा कर्सर यहाँ पे 22 में था, तो 22 में ये शो करेगा। आप यहाँ पे गौर कीजिए, मैं जैसे जैसे यहाँ पे हिला रहा हूँ वो कर्सर नंबर चेंज हो रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे टेम्पो देखिए, अभी मैं कहाँ कहाँ आ रहा हूँ, मतलब वेब फाइल दिखा रहा है यहाँ पे, कर्सर दिखा रहा है यहाँ पे, और टेम्पो यहाँ पे शो कर रहा है कौन सा टेम्पो में मेरा गाना अभी फिलहाल चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहे हैं जो ऑडियो फाइल को मैंने सिलेक्ट करूँगा। मान लीजिए कि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको क्या करेगा, जैसे मैं कोई भी एक चंक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है ऑडियो फाइल हो सकता है ऑडियो फाइल हो सकता है मीडी फाइल हो सकता है ये इंस्ट्रूमेंट ब्लॉक हो, कुछ भी हो, जैसे मैं किसी को एक सिलेक्ट करूँगा, उसका स्टार्ट पॉइंट एंड उसका एंड पॉइंट, जैसे कि इसका स्टार्ट पॉइंट वो शो कर रहा है 26 नंबर बार से शुरू हो रहा है, 26 नंबर बार थर्ड बीट एंड
507 टिक से शुरू ये वाला शुरू हुआ है और ख़त्म हुआ है, एंड है 30 नंबर बार से, 30 नंबर बार तक जाके ख़त्म हुआ है। 30 नंबर बार चौथा टिक्स एंड चौथा बीट, सॉरी 30 नंबर बार चौथा बीट्स एंड 243 टिक्स, टिक्स में जाके ये ख़त्म हुआ है। और ये है प्ले मिडी नोट्स होने एडिटिंग। जब आप इसको प्ले कर रहे हो कोई मिडी नोट को, जब आप हिट कर रहे हो प्ले कर रहे हो, आप जब कोई मिडी नोट को एडिट कर रहे हो तो उसका नोट का जो साउंड, वो साउंड आपको सुनाएगा, ठीक है। इसीलिए ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। और बाकी का नीचे जो हिस्सा है, ये जो देखिए 1 2 3 बटन्स जो है, 1 2 3, इस मतलब इसमें आपको शो करेगा कि आप वेब फाइल या काम कर रहे हो। जैसे कि ये वेब फाइल है तो वेब फाइल दिखा रहा है, मिडी फाइल होगा तो मिडी का सिग्नल दिखाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा जब कोई फाइल मिसिंग है, टोटल्स में जब कोई फाइल मिसिंग होता है, ढूंढता है वो अंदर सिस्टम के अंदर ढूंढता है। मान लीजिए कभी गलती से मैंने इसको अगर उड़ा भी दिया, तो जब भी मैं नेक्स्ट टाइम इसको ओपन करूँगा तो वो ये फाइल को ढूंढेगा वो। तो उस टाइम आप अगर उसको कमांड देते हैं कि तुम ऑटोमेटिकली उसको ढूंढ के लाओ कहाँ पे थे वो वाला फाइल, अगर आपने उसको फाइनली डिलीट नहीं कर दिया तो ऑटोमेटिकली ढूंढ के लाएगा वो फाइल को। तो तब आपको क्या दिखाएगा यहाँ पे, यहाँ पे एक ये जो है सिस्टम, यहाँ ये गोल गोल घूमता रहे आपको नज़र आएगा। और साथ में यहाँ पे दो सिस्टम, जैसे कि आपका सिस्टम बहुत बिजी है, ये गोल गोल घूमता रहेगा। और बाजू का जो तीन सिस्टम, यहाँ पे तीन जो नॉब है, इसमें आपको लाल लाइट नज़र आएगा, इसका मतलब द हार्ड डिस्क इज वर्किंग एंड सर्चिंग फॉर द मिसिंग फाइल। तो ये लाइट देने से वो मैसेज आपके पास आता है। अच्छा, बाकी जो एडिटिंग टूल है ये है आपका नॉच वैल्यू कितना है। अभी मैं आता हूँ नॉच वैल्यू में, व्हाट इज नॉच वैल्यू। एक्चुअली इसका टिक पॉइंट एंड नॉच वैल्यू दोनों यहाँ पे शो करता है ये वाला हिस्से में। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ग्रिड मोड में हूँ, अकॉर्डिंग टू द ग्रिड ये जो ऑडियो चंक और मिडी चंक उसी हिसाब से हिलता रहेगा, ठीक है। अभी क्या है, अभी इसका जो ग्रिड वैल्यू में अगर मैं ग्रिड भर देता हूँ एक बार या हाफ नोट, जैसे बोलता है जिसको बोलते हैं मिनिम, चार बिट्स लेके अगर एक बार होता है तो दो बिट्स लेके एक मिनिम होता है, तो इसका वैल्यू मैंने रखा है 1/2, मतलब मिनिम के हिसाब से। तो आप इसको आप खिसकना चाहेंगे तो देखिए मिनिम के तौर पर वो जा रहा है, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। इसका नॉच वैल्यू आपको सेट करना पड़ेगा हाफ बीट में। आपको क्या यहाँ पे क्या शो कर रहा है, नॉच वैल्यू अगर 1 बार में रहेगा और ग्रिड वैल्यू आपका 2 में रहेगा, मतलब 1/2, तो आप इसको ऐसे ही ग्रिड के तौर पे, मतलब जो टुकड़े हमने किए हैं यहाँ पे उस टुकड़े के तौर पे आप इसको हिला सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए ये आपको 1/2 नोट दिखा रहा है, ग्रिड मोड आपको दिखा रहा है ग्रिड, मतलब ये आपको सिर्फ शो करने के लिए कितना ग्रिड आप डिस्प्ले में देखना चाहते हो, बराबर कितना ग्रिड आप डिस्प्ले में देखना चाहते हो ये आपको शो करने के लिए आपको ग्रिड मोड दिखाता है। अभी ग्रिड मोड में 1 रखता हूँ तो बीच का जो टुकड़ा था सब गायब। अभी ग्रिड मोड में नोट में रखता हूँ, जैसे क्वार्टर नोट में रखता हूँ, तो आपको यहाँ पे कितना दिखा रहा है, देखिए एक बीट में यहाँ से लेके यहाँ इस बार तक आपको कितना बार दिखा रहा है, नोट पे रख रहा हूँ तो 1 2 3 4, मतलब 1/4 प्रोचेप में आ गए हम। जिनको म्यूजिक नोटेशन पता है शायद उन लोगों ने समझ रहे होंगे एक क्रॉचेट का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि एक बार में 4 बिट्स होते हैं, क्रॉचेट मतलब 4 क्रॉचेट्स इज इक्वल टू 1 बार। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या रखा है, 4 नोट रखा है। अगर मैंने 2 नोट रखा तो मतलब मिनिम रखा तो सिर्फ 2 ही दिखाएगा, देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। जैसे कि इसको मैं हिलाना चाहता हूँ तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है। इसके आगे आप जा नहीं सकते, मतलब बीच में आप आ नहीं सकते। कब आ सकते हैं, इस ये ग्रिड मोड अगर आप 1/4 में रहेंगे तब जाके आप बीच में रह सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा ये है आपका, मतलब आपको देखने के लिए जब आप एडिटिंग करेंगे तो आपको कभी अगर क्वार्टर नोट चाहिए, कभी अगर आपको मिनिम चाहिए, कभी आपको क्वेवर चाहिए जो 1/8 होता है। जैसे देखिए इसको मैं 1/8 करता हूँ, क्वेवर करता हूँ, तो एक बार में आपको 8 हिस्सा दिखाई देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार में आपको 8 हिस्सा दिखाई दिया। लेकिन अभी इसको आप अपना पसंद के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। बाकी जो है नाज मतलब
मैं जब इसको कर्सर से इधर उधर हिलाऊंगा तो कैसे, मतलब किस हिसाब से हिलेगा। नाज वैल्यू मैंने रखा है यहाँ पे 1 बार, फिलहाल 1 बार रखा है। तो जैसे मैं जैसे मैंने अपना कीबोर्ड का लेफ्ट एरो मैंने प्रेस करूँगा तो वो 1 बार करके घिसकते हुए जाएगा। देखिए प्रेस किया, 1 बार गया, दोबारा प्रेस किया, 2 बार में चला गया। तो ऐसे आप इसको नाच कर सकते हो, इसे कहते हैं नाच। हाँ, तो नाच वैल्यू को आप सेट कर सकते हो कैसे। जैसे मान लीजिए आपको चाहिए यहाँ पे 1/4 नोट, तो अगर 1/4 नोट चाहिए तो आपको नाच वैल्यू क्या देगा, 1 बार में 1/4 मतलब क्वार्टर है ना, मतलब क्वार्टर आ गया 1/2। अब देखिए इसमें क्या था, 1/4 नोट था, तो 1/4 नोट में आपको क्या आएगा, इधर आइए, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट, बराबर। फिर आपको आगे आना है तो 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट। अभी आपको अगर इससे भी थोड़ा सा छोटा टुकड़ा चाहिए तो 1/8 मतलब क्वेवर कर लीजिए। तो देखिएगा एक बार में आपको 8 ऑप्शन देगा, 8 हिस्सा देगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। तो इस तरह से आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे, गाना प्रोग्रामिंग करेंगे, हम लोग भी यहाँ पे इन फ्यूचर में करेंगे, आपको दिखाएंगे भी, क्योंकि इस प्रो टूल्स ट्यूटोरियल्स में A to Z प्रो टूल्स लेके आप क्या क्या कर सकते हैं A to Z सिखाया जाएगा। तो आप गौर से इसको देखिए, इसीलिए मैंने इन डिटेल्स इसको मैंने आपको डिस्कस कर रहा हूँ, इसको देखते रहिए। तो नाच वैल्यू इसका काम करता है उस टाइम, लेकिन आपको ये नाच वैल्यू का जो काम है आपको अच्छी तरह से नज़र आएगा, ये आपको पता लग जाएगा। तो ये था ग्रिड वैल्यू एंड नाच वैल्यू का जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं, इसमें ऐसा काम होता है और इसका ही आपको यहाँ पे वैल्यू दिखा जाता है इस जगह पे डिस्प्ले में। लेकिन आपको यहाँ पे देखने का उतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो हमारा डिस्प्ले बोर्ड में देख ही पा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके देखने का कोई मतलब भी नहीं है। अभी आते हैं हम इधर, देखिए इधर जो है ये है बेसिकली ट्रांसफर पैनल का एक छोटा हिस्सा। ट्रांसफर पैनल बोलो तो कौन सा, ये वाला ट्रांसफर पैनल, देखिए ये जो ट्रांसफर पैनल है इसे कहते हैं ट्रांसफर पैनल। तो इसका भी स्टार्ट नोट एंड एंड नोट सेम जैसा यहाँ पे था, आप देख रहे हैं सेम चीज यहाँ पे भी है, और इसका लेंथ यहाँ पे दिखा रहा है आपको, लेंथ 4 बार का, 4 बार एंड 696 टिक्स का है, वही चीज आपको दिखा रहा है ये वाला, मतलब इसको मैंने सिलेक्ट किया ना, इसी का स्टार्ट पॉइंट दिखा रहा है 27 बार में, एंड पॉइंट दिखा रहा है 31 बार में, और इसका लेंथ है 4 बार 696 टिक्स, सेम टू सेम। अभी यहाँ पे देखिए जो बटन्स यहाँ पे हैं, सेम बटन्स यहाँ पे भी है। तो चलिए क्यों ना हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये है ऑनलाइन बटन। जब हम लोग ऑनलाइन में काम करेंगे उस टाइम आपको ये ऑनलाइन बटन दबाना पड़ेगा। जैसे ऑनलाइन बटन दबाएंगे तो वी आर रेडी टू डू वर्क ऑनलाइन। आपको पता है प्रो टूल्स में हम किसी के साथ कोलाबरेट करके काम कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप इंडिया में बैठे हो तो कोई आदमी USA में बैठे हैं, तो कोई एक म्यूजिशियन श्रीलंका में बैठे हैं, तो और कोई आदमी सिंगापुर में बैठे हैं। तो चारों आदमी मिलके कोई एक ड्रामर, कोई गिटार, कोई वोकलिस्ट और कोई आपका तबलिस्ट, ऐसा हो सकता है। तो चारों आदमी बैठ के एक प्रोजेक्ट पर जब काम करेंगे तो एक ही प्रोजेक्ट चलता रहेगा, लेकिन चारों आदमी चार जगह से अलग अलग ट्रैक में बजाएंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड आप कर सकते हो। यह ऑनलाइन रिकॉर्डिंग जो प्रो टूल्स 12 में बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्शन दिया है, बहुत बढ़िया फीचर्स दिए हैं जो आप कर सकते हो। तो ऑनलाइन मोड जब भी आप चालू करेंगे तब आपको, लेकिन ये स्विच आपको दबाना पड़ेगा। अभी ऑनलाइन मोड में काम कैसे होता है वो बात की बात है, मैं एडवांस स्टेज में जाकर आपको दिखाऊंगा। अभी आप सब इतना पता करके रखिए कि ये ऑनलाइन मोड है। इसके बाद ये जो है आपको पता है, गो टू द स्टार्ट ऑफ द सॉन्ग मतलब रिटर्न टू द जीरो, रिवाइंड इसके बाद है, फॉरवर्ड किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड बटन नहीं है, गो टू द एंड ऑफ द सेशन और गो टू द एंड ऑफ द एंटायर रिकॉर्डिंग, ठीक है, गो टू द एंड ऑफ द एंटायर रिकॉर्डिंग। उसके बाद स्टॉप बटन एंड लूप बटन, मतलब ये है प्ले बटन, लेकिन ये इसका भी 2-3 हिस्से हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। रिकॉर्ड बटन, इसके ये है रिकॉर्ड नेबल स्टेटस जो आपको दिखाता है, इन मिक्स मॉनिटरिंग अगर ऑन रहेगा, जैसे मान लीजिए इसमें अगर
ऑडियो नंबर 4 में हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो रिकॉर्डिंग स्टेटस वो दिखा रहा है कोई ना कोई एक ट्रैक रिकॉर्डिंग एनेबल है, ठीक है। और ये दिखाता है, और ये क्या दिखाता है, इनमिक्स मॉनिटरिंग। अगर इसको हम ऑल्ट के दबा के, जैसे मैं ऑल्ट के दबाऊंगा ऑटोमेटिकली ये इनमिक्स मॉनिटरिंग ऑन रहेगा, मतलब ये इनमिक्स मॉनिटरिंग लाइट जल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि वो मतलब फलाना रूम पे जो आदमी गाना प्रैक्टिस कर रहा है वो क्या गा रहा है, उसका लेवल आपको क्या 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 मिल रहा है। ये सब टेस्ट करने के लिए इनमिक्स मॉनिटरिंग स्विच ऑन करना पड़ता है। ऑल्ट के से आप इनमिक्स मॉनिटरिंग स्विच ऑन कर सकते हो, और शिफ्ट दबाने से आपको रिकॉर्डिंग जो बटन जो है वो आप बंद कर सकते हो। मैंने अभी फिलहाल क्लिक करके बंद कर दिया। इसके बाद है जेन एम पी सी। बोले तो जेनरेट मीडी टाइम कोड। जब आप किसी को, मतलब आप मान लीजिए आप एक वीडियो कैमकॉर्डर लेके काम कर रहे हैं जिसमें वीडियो है, वो वीडियो चल रहा है और आप आपका काम है बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग करना, म्यूजिशियन लोग बैठे हुए हैं, आप अपने प्रो टूल्स सेशन में बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो जो कैमरा जो है कैमरा को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करना, मतलब रिवाइंड करना, फॉरवर्ड करना, ये सब कुछ आप कर सकते हैं प्रो टूल्स के जरिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैमरा तो दूसरा कोई सिग्नल को जानता नहीं है कि क्या चल रहा है वो, है ना। तो कैमरा को सिर्फ MTC मतलब मिडी टाइम कोड पता होता है। तो मिडी टाइम कोड जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रो टूल्स को मास्टर करना पड़ेगा और जो कैमकॉर्डर है उसको स्लैब करना पड़ेगा। जैसे ही वो स्लैब हो जाएगा दैट विल वेट टू गेट द MTC मतलब मिडी टाइम कोड। जैसे जैसे आप उसको, जैसे मैं अभी यहाँ पे फिलहाल मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ का स्टेटस ऑटोमेटिकली कैमरे में चल जाएगा और कैमरा का जो रोलिंग पोजीशन है ऑटोमेटिकली रिवाइंड होकर वहाँ पे आ जाएगा। आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे नहीं, मेरे को यहाँ से रिकॉर्ड करना है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा या आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली कैमरे का रील फॉरवर्ड होकर वहाँ चला जाएगा। तो ये सब सिंक करने के लिए आपको Gen MPC चालू करना पड़ेगा। जब आप Gen MPC चालू कर देंगे, जैसे जैसे आप रिवाइंड कर रहे हो आपका डिवाइस भी पीछे आ रहा है, जैसे आप रिवाइंड कर रहे हो वो भी आगे आ रहा है, आप प्ले कर रहे हो यहाँ से ऑटोमेटिकली कैमरा भी प्ले हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा, रियल टाइम वो फिल्म का जो सीन जा रहा है उसको, सीन को देखते हुए म्यूजिशियन लोग उसको प्लेबैक करेंगे और वही ऑडियो को आप रिकॉर्ड करोगे। बाद में क्या होगा, वो जो ऑडियो जो एक्सपोर्ट आप टाइमलाइन के हिसाब से एक्सपोर्ट करोगे सेम टाइमलाइन में वो वीडियो भी बैठ जाएगा और मास्टर होकर आप सिनेमा हॉल में बोलो या वीडियो कोई लैब में आप उसको डायरेक्टली प्रोसेस कर सकते हो। इट इज़ वेरी इजी टू डू विद प्रो टूल्स। तो इसीलिए आपको Gen MPC यहाँ पे चाहिए। अच्छा, इसको आप एक बार क्लिक करने से ऑन होता है, इसको एक बार क्लिक करने से ऑन होता है, इसको फिर से क्लिक करने से ऑफ होता है। ये वाला जो हिस्सा है इसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और अभी आते हैं यहाँ पे प्री रोल पोस्ट रोल एंड फेड इन। देखिए फेड इन वैल्यू, यहाँ पे फेड इन वैल्यू दिखाया है, ऑटोमेटिक फेड इन हम देते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम क्लिक किया तो फेड इन का कमेंट जो है डी, तो फेड इन का कमेंट जैसे डी दिया ऑटोमेटिकली फेड इन यहाँ पे आ गया। देखिए तो ये फेड इन का कमेंट, इसका जो वैल्यू जो है वो है 250, ठीक है 250 वैल्यू। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, उसी हिसाब से फेड इन वैल्यू पावर कम ज़्यादा होंगे ये हमें शो करता है। इसके बाद देखिए प्री रोल एंड पोस्ट रोल। मान लीजिए कि 4 नंबर ट्रैक में या 6 नंबर ट्रैक में हम रिकॉर्ड करने जाएंगे, मैं यहाँ से प्लेबैक करता हूँ, यहाँ से मैं प्लेबैक करता हूँ और प्लेबैक करते वक्त मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा क्योंकि बहुत फास्ट जा रहा है, यहाँ से मैं प्लेबैक करता हूँ, इसको म्यूट करता हूँ। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं प्री रोल को ऑन कर रहा हूँ। अब प्री रोल पोस्ट रोल ऑन करने के लिए आपको कमांड दबाना पड़ता है Ctrl+K। एक Ctrl+K दबाने से प्री रोल एंड पोस्ट रोल ऑन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए मैं अभी प्लेबैक कर रहा हूँ, चल रहा है प्लेबैक, मैं यहाँ जाके रिकॉर्ड दबाया, अभी यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, फिर यहाँ पे आके रिकॉर्ड उठा लिया है और प्लेबैक को यहाँ जाके मैंने स्टॉप किया। तो इसमें आपको क्या होगा, आप सिर्फ देख रहे हैं कि इतना हिस्सा रिकॉर्ड हुआ है, ऐसा नहीं है। प्री रोल पोस्ट रोल ऑन था इसीलिए इसका पीछे का हिस्सा भी ऑन हुआ है जहाँ से आपने प्लेबैक चालू किया था,
और इसका आगे का हिस्सा भी मतलब रिकॉर्ड हुआ है जहाँ पे आपने जाके स्टॉप किया है। तो हमको दिखाया था सिर्फ इतना इतना जो परसेंटेज जो हमने हमको देखा है, तो इतना जो हिस्सा हमको दिखाया है ये सब रिकॉर्ड हुआ था बोल रहा है। लेकिन प्री रोल पोस्ट रोल ऑन करने से पहले ऐसा नहीं था, प्री रोल पोस्ट रोल मैंने ऑन किया इसलिए ताकि जब मैं जहाँ से प्लेबैक करूँ वो अंदर ही अंदर प्रो टूल्स अंदर ही अंदर उसको रिकॉर्ड करता रहता है। जब तक मैं प्लेबैक करता रहूँगा वो रिकॉर्ड करता रहता है, लेकिन मैं अगर बीच में अगर रिकॉर्ड बटन दबाऊँ या उठाऊँ तो उतना ही हिस्सा हमको दिखाएगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली उसका जो पीछे का हिस्सा जहाँ से मैंने प्लेबैक किया वहाँ से वो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है, और जहाँ तक मैंने प्लेबैक कर रहा हूँ वहाँ तक वो रिकॉर्डिंग करता है। हमको अगर चाहिए तो वो हिस्सा हम ले सकते हैं, नहीं तो हम नहीं भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे हम लोग प्री रोल का और पोस्ट रोल का फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी जो है स्टार्ट एंड ये सब तो आपने सुना होगा। अच्छा, प्री रोल पोस्ट रोल का और एक चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे, आप यहाँ से इसको मैं डिलीट करता हूँ, आप यहाँ से कितना नंबर बार, 19 नंबर बार, आप 19 नंबर बार से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं बराबर, और मैं इसको प्री रोल पोस्ट रोल ऑन करता हूँ, ऑन कर दिया, अभी मैं इसको रिकॉर्डिंग दबाऊँगा तो इसका क्या हाल होगा देखिए। तो ठीक है, यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू हो रहा है, अभी मान लीजिए अभी प्री रोल पोस्ट रोल ऑन किया और यहाँ पे काउंट ऑफ, काउंट ऑफ को मैंने ऑन कर दिया, कितना, दो बार का मेरे को काउंट ऑफ मिलेगा। कि काउंट ऑफ क्या है, जो काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 चलो स्टार्ट हो ऐसा बोलते हैं हम, तो ये भी हमको क्लिक देके वो काउंट ऑफ देगा। कैसे काउंट ऑफ देगा, देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक ट्रैक जाके एक क्लिक ट्रैक असाइन करना पड़ेगा। क्लिक ट्रैक असाइन जैसे हो जाएगा तो आपको एक क्लिक ट्रैक सुनाई देगा, देखिए दे रहा है सुनाई। तो मान लीजिए मैं यहाँ से, नहीं तो यहाँ से जैसे मान लीजिए 15 नंबर बार से मैंने रिकॉर्डिंग चालू करना चाहता हूँ, 15 नंबर बार यहाँ पे है, चालू करना चाहता हूँ 15 नंबर बार से, और मैं यहाँ पे काउंटर दो बार का दे रखा है, वहाँ पे प्री रोल पोस्ट रोल दे रखा है, चालू कर दिया, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो रिकॉर्डिंग में क्या होगा देखिए, प्री रोल पोस्ट रोल में जैसे ही वो कर्सर मेरा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है बराबर, कर्सर मेरा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, मैं अभी प्री रोल पोस्ट रोल ऑन कर दिया और मैंने रिकॉर्ड बटन दबा दिया, देखिए 1 2 3 4 2 2 3 4 यहाँ से ऑटोमेटिक चालू हो गया। आप देख पा रहे कि कर्सर ऑटोमेटिकली पीछे चला गया था दो बार का। मैं यहाँ से प्लेबैक कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू करना चाहता हूँ, तो मेरे को यहाँ से कर्सर दो बार का प्री काउंटिंग दिया है। ये दो बार का प्री काउंटिंग देने के लिए आपको काउंट ऑफ ऑन करना पड़ेगा। आप चाहे तो दो बार की जगह में तीन बार भी कर सकते हैं या वन बार भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप वैल्यू इसमें देंगे, जैसे मान लीजिए इसको आप अगर दो बार भी किया, काउंट ऑफ वैल्यू आप इसमें काउंट ऑफ देखिए, काउंट ऑफ ओनली ड्यूरिंग पीरियड 2 बार्स, ठीक है काउंट ऑफ, इसको आप चाहे तो 4 बार्स भी कर सकते हैं। तो 4 बार्स करके ऑन कर दिया तो काउंट ऑफ 4 बार्स हो गया। अभी मैं यहाँ से चालू करना चाहता हूँ, रिकॉर्डिंग मेरा चालू हो गया यहाँ से 15 बार से, तो मैं जैसे उसको रिकॉर्डिंग करके प्री रोल पोस्ट रोल ऑन कर दूंगा, काउंट ऑफ ऑन है और मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग बटन दबा रहा हूँ तो पीछे का 4 बार वो पीछे चला जाएगा कर्सर, और वहाँ से प्लेबैक करते हुए आएगा ऑटोमेटिक, वहाँ जाके वो रिकॉर्ड चालू कर देगा। गौर से सुनिए, मैं काउंट ऑफ ऑन किया 4 बार का, प्री रोल पोस्ट रोल ऑन है और मैं कर्सर यहाँ पे रखा हूँ, आप देख पा रहे हैं कर्सर यहाँ पे है, मैं जैसे रिकॉर्ड दबाऊंगा वो पीछे का 4 बार पीछे चल जाएगा, जैसे 4 बार पीछे मतलब ये 2 बार है, ये 2 बार है, यहाँ से चालू हो जाएगा वो कर्सर, देखिए 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 स्टार्ट, देखिए चालू हो गया। तो इस तरह से आप रिकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग उठा लीजिए, ठीक है, गौर रखिएगा, जब आप काउंट अप चालू करेंगे और प्री रोल पोस्ट रोल चालू करेंगे उस टाइम जहां से आपका रिकॉर्डिंग शुरू होता है मतलब प्लेबैक चालू होता है वहीं से ही, लेकिन रिकॉर्डिंग शुरू होता है, उसके बाद जहां जाके आप रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे
फिर भी अगर आप यहाँ तक प्लेबैक किए तो आपका रिकॉर्डिंग का हिस्सा आपको यहाँ तक ही मिलेगा, बराबर समझ में आया। इस हिस्से को अगर ठीक ठाक से नहीं समझेंगे तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है आपको, आपका मतलब एडिटिंग में, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। प्री रोल पोस्ट रोल सिर्फ इसी काम के लिए होता है, काउंट ऑफ आपको सिर्फ इसीलिए दिया जाता है ताकि म्यूजिशियंस लोग उसको काउंट देके प्लेबैक कर सकते हैं, क्योंकि उसको रिदम का क्लिक मिल जाता है, क्लियर। इसके बाद देखिए यहाँ पे काउंट ऑफ था, मीटर, मीटर बोले तो क्या है मीटर, इसका है मीटर, मीटर मतलब 4/4 बार, मतलब इसका जो टाइमिंग जो आपको दे रहे हैं, जूम करते हैं हम यहाँ से लेके यहाँ तक, एक बार अगर हुआ तो कितना है, 1 बार लेंथ यहाँ से यहाँ तक, यह है मीटर, बेसिकली मीटर बोलते हैं इसको, मतलब 4/4 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 2/4 हो सकता है, 5/7 हो सकता है ना, बहुत सारे तो मतलब ताल है हमारा इंडियन म्यूजिक में, तो वो वाला जो लय है जैसे कारवा या दादरा जैसे भी होता है उसको हम मीटर बोलते हैं यहाँ पे। उसी हिसाब से हम अगर कारवा होंगे तो 4/4 टाइमिंग में जाएगा, अगर 6/8 होगा मतलब 3/4 होगा तो दादरा में जाएगा, तो 3/4 जैसे कि एक बार में 3 बीट रहेंगे तो 3/4, तो ये जब 3/4 या 4/4 जो भी है इसे हम यहाँ पे मीटर के रूप से देखते हैं। तो ये गाना का मीटर कौन सा है आपको यहाँ पे पता लग जाएगा, मीटर यहाँ पे 4/4 है। आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका गाना 3/4 का है, तो उस टाइम क्या करेंगे आप, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए तो 11 नंबर बार से आपको 3/4 बीट चाहिए, 3 मीटर 3/4, ओके कर दीजिए। जैसे 11 नंबर बार आ गया, देखिए 11 नंबर बार से आपको 10 नंबर बार में आपको 4/4 मिलेगा, 1 2 3 4, लेकिन 11 नंबर बार से आपको 3/4 बीट मिलेंगे, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो अभी टाइमलाइन के हिसाब से कौन सा मीटर में, मतलब कौन सा टाइमलाइन में कौन सा मीटर जा रहा है आपको यहाँ से पता लग जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे 4/4 मीटर दिखा रहा है, जैसे 11 नंबर बार में आएगा वो 3/4 हो जाएगा, चेक कीजिए ये वाला, यहाँ पे 1 2 3 चेंज, 1 2 3 1 2 3, देख पा रहे हैं आप, ये जो आप क्लिक सुन रहे हो, टिक टक 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 टिक टक टक जो आप क्लिक सुन रहे हो, ये क्लिक बटन है, ये है मेट्रोनम बटन जिसे बोलते हैं, मेट्रोनम बटन, इसको आप नंबरपैड मतलब न्यूमेरिक पैड 7 से भी ऑन कर सकते हो और 7 से ऑफ भी कर सकते हो। जैसे इसको मैं अभी न्यूमेरिक पैड 7 दबाने से ये ऑफ हो जाएगा, मैं ऑफ करता हूँ, आपको क्लिक सुनाई नहीं देगा, देखिए चल रहा है वो, सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं अगर न्यूमेरिक पैड 7 को ऑन करता हूँ तो आपको क्लिक सुनाई देगा, देखिए 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3, आपको अगर नहीं चाहिए तो उठा दीजिए। तो ये प्लेबैक चलते वक्त, रिकॉर्डिंग चलते वक्त आप कोई कभी भी न्यूमेरिक जो कीज़ है, न्यूमेरिक कीज नंबर 7 जो है, नंबर 7 दबा के आप उसको ऑन कर सकते हो मेट्रोनोम को, आप उसको ऑफ भी कर सकते हो, बराबर क्लियर। इसके बाद हम आते हैं ये वाला सेक्शन में, ये है वेट फॉर नोट, मिडी नोट, बेसिकली वेट फॉर मिडी नोट। मान लीजिए आप जब मिडी लेके काम करोगे तो रिकॉर्डिंग आपका सेशन में रिकॉर्डिंग चालू हो गया है, यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग मान लीजिए आपका रिकॉर्डिंग ट्रैक है, मिडी रिकॉर्डिंग ट्रैक है, लेकिन आपका कीबोर्ड या आपका मिडी गिटार जहाँ पे है वहाँ से आपका इंस्ट्रूमेंट जो आपका कीबोर्ड मतलब कंप्यूटर का कीबोर्ड जो है थोड़ा दूर में है, आप उसको चालू करके फिर कूद के आपके पास मतलब इंस्ट्रूमेंट के पास जाएंगे बजाना शुरू करेंगे, हो सकता है थोड़ा सा टाइमिंग का इधर उधर हो जाए, इसीलिए ताकि आपको कूदना ना पड़े, इसीलिए आप मिडी वाइट नोट को दबा देंगे और रिकॉर्डिंग को चालू कर देंगे। जैसे रिकॉर्डिंग को चालू कर देंगे, देखिए रिकॉर्डिंग चालू हो गया है लेकिन कर्सर नहीं हिल रहा है, एक्चुअली इट इज़ वेटिंग फॉर द मिडी नोट। जैसे आप मिडी कीबोर्ड में हिट करोगे वो रिकॉर्डिंग करना चालू कर देगा। जैसे आप मिडी कीबोर्ड में जाके कोई भी एक कीबोर्ड को मतलब कोई भी की को आप टच करोगे तो वो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देगा, तो इसीलिए इसे कहते हैं मिडी वेटिंग नोट, मतलब वेट फॉर मिडी। इसके बाद मेट्रोनोम स्विच गया, आपको मैंने बताया मेट्रोनोम स्विच क्या काम करते हैं। इसके बाद ये है जब मिडी का हम काम करेंगे तब ऑब्वियसली हमको दिखाना है ये सब चीज़ कि मिडी वेट नोट एक्चुअली क्या करता है। फिलहाल जो मैंने आपको बताया वो समझ के रखिए आप। इसके बाद है मिडी मार्ज नोट,
मिनी मार्ज नोट बोलो तो, मतलब आपको तो एक पता है जब एक ऑडियो के ऊपर दूसरा ऑडियो आता है तो पीछे वाला जो ऑडियो, तो नीचे वाला जो ऑडियो है वो ऑडियो गायब हो जाता है, मतलब उसको खा जाता है नया वाला ऑडियो। वैसे ही जब मीडिया प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं तो मीडिया प्रोग्रामिंग करते वक्त जब पहला वाला एक ही ट्रैक सिंगल ट्रैक में, जो ट्रैक में हमने मीडी प्ले किया है उसी ट्रैक में अगर हम दूसरी बार मीडी को बजाएंगे, जैसे मान लीजिए आप पियानो आपको ठीक ठाक से बजाना नहीं आता, आप राइट हैंड से कोई एक पीस बजा लिया है और आप चाहते हैं राइट हैंड वाला के साथ आप लेफ्ट हैंड वाला जो पियानो होता है उसको थोड़ा सा हार्मोनाइज करेंगे एक ही ट्रैक में, तो उस टाइम आपको अगर आप उसको ऑन नहीं करेंगे, मीडी मार्च टूल को ऑन नहीं करेंगे, तो जैसे आप बजाते जाएंगे आपका जो पहले बजा हुआ जो मीडी सिग्नल था वो लेकिन साफ होते जाएंगे। लेकिन आपका तो इरादा ऐसा नहीं था, आप चाहते थे क्या जो पहले मैं बजा हूँ वो भी रहे और साथ में जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो भी रहे, वो भी रिकॉर्ड हो जाए। तो उसके लिए आपको ये मीडी मास्टर टूल ऑन करना पड़ेगा। जब ये मीडी मास्टर टूल आप ऑन करेंगे तो नीचे का हिस्सा उड़ नहीं जाएगा, गायब नहीं हो जाएगा, वो आपको सुनाई भी देगा और साथ में आपका लेफ्ट हैंड भी आप प्ले कर सकते हो या दूसरा कोई मीडी इंस्ट्रूमेंट भी आप उस पर प्ले कर सकते हो, दोनों ही एक साथ रिकॉर्ड होगा, दोनों एक भी प्ले होगा दूसरा रिकॉर्ड भी होगा एक ही ट्रैक में। तो इसका जो उपयोगिता है ये मीडी ट्रैक के लिए है और इसे कहते हैं कंडक्टर टूल। कंडक्टर टूल बेसिकली क्या करता है, मान लीजिए आपका मीडी सेशन, एक मीडी सेशन आपने तैयार किया है तो वहाँ पे कुछ जगह में आपको जाना पड़ेगा 120 टेम्पो में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा 100 टेम्पो में यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आपको वापस आना है 120 में, ये तीन टेम्पो आपको ऐसा कुछ करना है उस टाइम। लेकिन एक कंडक्टर टूल आपको साथ देगा, कैसे, मतलब आप जहाँ पे मान लीजिए कि इस नंबर बार पे, 12 नंबर बार पे आपने, एक मिनट मैं इसको बार में लेता हूँ, 12 नंबर बार पे आपने कनेक्टर टूल को कमांड दिया है, मतलब यहाँ पे आपने टेम्पो सेट किया है। क्या टेम्पो सेट किया है, देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, 12 नंबर बार पे आपका टेम्पो था 120 बराबर, ठीक है। अभी 13 नंबर जो बार है यहाँ पे आपका टेम्पो जाएगा 100, एंट्री कर दीजिए 100 यहाँ पे देखिए आ गया। 14 नंबर जो बार है यहाँ पर जाके फिर आपको टेम्पो ट्रैक में आपको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ फिर से आपको 120 करना पड़ेगा। तो देखिए 120 फिर 100 फिर 120, ये टेम्पो आपको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेगा वो। तो कैसे करेगा वो, जब कंडक्टर टूल ऑन रहेगा तभी ये काम करेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो मेट्रोनोम है उसको ऑन करना पड़ेगा। मैंने मेट्रोनोम ट्रैक को ऑन किया, मेट्रोनोम जो है अब नंबर 7 से ऑन किया उसको, अभी आप सुनिए तो 12 नंबर बार सुनिए, उसके बाद 13 नंबर बार सुनिए, उसके बाद 14 नंबर बार सुनिए, देखिए टेम्पो चेंज होते जाएंगे, सुनिए। देखा, मतलब एक बार के लिए वो 100 में आ गया था, फिर दूसरा बार में जाके वो 120 में आ गया। तो ऐसे आप कोई भी बार में, कोई भी बार नंबर पे आप टेम्पो को कंट्रोल कर सकते हैं, आप मीटर को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब गाने को धीरे धीरे स्लो करना अगर आपको चाहिए, आपको अगर लगता है कि मेरा गाना जो है थोड़ा थोड़ा करके टाइम के साथ साथ वो आहिस्ता स्लो हो जाएगा, वो भी आप कर सकते हो। तो उसको करने के लिए आपको जो करना है वो है आपको कंडक्टर टूल ऑन रखना पड़ेगा और क्लिक ट्रैक तो ऑब्वियसली ऑन रहेगा, नहीं तो आपको सुनाई कैसे देगा कि टेम्पो कैसे जा रहा है। तो ये था फ्रेंड्स ट्रांसफर पैनल, इसको आप अच्छी तरह से समझिए क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। तो इस वैल्यूएबल चीज़ को आप याद रखिएगा। हम लोग आज क्या क्या सीखे, हम लोग इसमें जितने सारे बटन्स का काम है सब देख लिया, ये जो रिकॉर्डिंग मोड है इसको भी हमने देख लिया, ये जो मतलब डिस्प्ले पैनल है इसका काम क्या है ये भी देख लिया, ग्रिड मोड, ग्रिड वैल्यू एंड नॉच वैल्यू इसका काम क्या है वो भी हमने देख लिया, बाकी जो ट्रांसफर पैनल जो है सेम पैनल तो यहाँ पे भी है उसको हम देख लिए हैं। उसके साथ साथ ये दो जो इंडिकेटर है रिकॉर्डनेबल है इसलिए वो इंडिकेटर लाल है, अभी इसको मैं डिज़र्म कर रहा हूँ, डिज़र्म बोले तो रिकॉर्ड ऑफ कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया है। इसके साथ साथ प्री रोल पोस्ट रोल का जो काम होता है ये भी हमको पता लग गया है, और स्टार्ट एंड
टाइम, मतलब एक ऑडियो चांक बोलिए या मिडी चांक बोलिए, कोई भी एक रीजन फाइल को हम अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसका जो टाइम लेंथ हमको मिलता है, स्टार्ट पॉइंट मिलता है एंड एंड पॉइंट मिलता है, वो भी हमको यहीं से मिलता होगा और लेंथ भी हमको यहाँ से मिलता है। उसके साथ साथ डिस्प्ले पैनल जो फ्रंट डिस्प्ले देते हैं, उसके साथ साथ पैरा डिस्प्ले बोलते हैं जिसको हम कोई भी पैरामीटर में सेव कर सकते हैं, मतलब हमारा काम की सुविधा के लिए। उसके बाद काउंट अप, मीटर एंड टेम्पो। ये जो टेम्पो हमने यहाँ पे सेट किया था, वहाँ पे जो टेम्पो सेट किया था सेम टेम्पो हमको यहाँ पे शो कर रहा है। तो और इसके नीचे वेट फॉर मिडी नोट एंड मेट्रोनोम, मिडी मर्ज एंड कंडक्टर टूल, ये सब कुछ को लेके हम लोग प्रोड्यूस पे काम करते हैं। उसके साथ साथ और दो भी दो चीज़ रहते हैं, वो बाद में हम दिखाएंगे, क्योंकि इसमें जब हम लोग ऑडियो ट्रैक को लेके काम करेंगे तभी हमको और भी बहुत कुछ मतलब पता करना होगा। अभी कहाँ पे क्या क्या चीज़ रहता है वो भी हम देखेंगे इसका बाद वाला वीडियो में। चलिए देखते हैं वो बाद वाला वीडियो क्या है। तो अभी जिस टॉपिक को लेकर बात करेंगे हम, दैट इज सिग्नल फ्लो इन प्रो टूल्स। प्रो टूल्स में जब भी आप कोई भी इनपुट रिकॉर्डिंग करना चाहेंगे या आउटपुट जो आपका जो ट्रैक्स है, जो ऑडियो स्टेम आपने लेके रिकॉर्डिंग किया, इसको जब भी आप प्रो टूल्स में लेके आएंगे तो हर एक स्टेप में आपको लेकिन एक चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका सिग्नल कैसे आ रहा है प्रो टूल्स के अंदर और वो सिग्नल कैसे आउटपुट हो रहा है। तो मैं आपको कहूँगा कि प्रो टूल्स को हैंडल करने से पहले पहले ये हिस्सा आप देख लीजिए। जैसे इसको आप ज़रा ठीक ठाक से ध्यान में रखिएगा। आपको मैंने पहले ओरिएंटेशन में बताया था कि यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, ट्रैक, क्लिप, इवेंट, ऑडियो सेट ऑप्शन, सेटअप, विंडो, एविड लिंक एंड हेल्प, ये सब जो लिंक वहाँ पे आपको दी गई है उसमें सेटअप को आप हमेशा नज़र में रखिएगा, क्योंकि अभी अभी जो टॉपिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं ये सेटअप में लेके, इसमें सेटअप लेकिन आता है, बहुत ही अच्छा काम है इसका। और जिस टॉपिक को लेकर आज हम बात कर रहे हैं दैट इज़ सिग्नल फ्लो, तो सिग्नल फ्लो के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रो टूल्स, इसको समझाना पड़ेगा। मतलब आपके पास जो ऑडियो हार्डवेयर है, कौन सा ऑडियो हार्डवेयर है, इसको समझाना पड़ेगा। सेटअप में क्लिक कीजिए, उसके बाद हार्डवेयर में क्लिक कीजिए। हार्डवेयर में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ जो हार्डवेयर मतलब ऑडियो इंटरफेस जो है वो यहाँ पे शो करना चाहिए। अगर वो हार्डवेयर आपके इधर शो नहीं हो रहा है, ये हार्डवेयर में शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका ऑडियो इंटरफेस का जो ड्राइवर ये कंप्यूटर में, एक तो हो सकता है कि ठीक ठाक से वो इंस्टॉल नहीं हुआ, नहीं तो नंबर टू जो ऑप्शन है कि वो साउंड कार्ड या वो ऑडियो इंटरफेस को प्रो टूल्स सपोर्ट नहीं कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि प्रो टूल्स एक हैवी सॉफ्टवेयर है, उसको सपोर्ट करने वाला जो हार्डवेयर होगा वो भी उतना ही तगड़ा होता है। वैसा खिलौना साउंड कार्ड लेके आप प्रो टूल्स को चला नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, आपका पास जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर यहाँ पे शो करना चाहिए। तो देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे स्टूडियो लाइव सीरीज 3 SEO हार्डवेयर है, तो उसको यहाँ पे शो मतलब शो हो रहा है। आपका भी आपके पास जो हार्डवेयर होगा, मान लीजिए कि मोटू है, मैडी है या आरएमई है या बैरिंगर है और ऑडियो टेक्निका, ऐसा कुछ भी है, मतलब कोई भी साउंड कार्ड जो है वो साउंड कार्ड लेकिन यहाँ पे शो होना चाहिए। इसको आप देख लीजिएगा एक बार ठीक ठाक से, उसके बाद उसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद फिर से सेटअप में जाइए, जाके देखिए यहाँ पे प्लेबैक इंजन जो आपका हार्डवेयर है उसका प्लेबैक इंजन में यहाँ पे भी दिखाना चाहिए। और जैसे ये यहाँ पे दिखता है, उसके बाद इसका जो सेटिंग्स है वो सेट कर लीजिएगा। हार्डवेयर वाफर साइज 128 सैम्पल्स, ये सैम्पल्स लेकिन सैम्पल डेट का बराबर नहीं है। तो हार्डवेयर वेफर साइज आपका ऑडियो इंटरफेस जितना तगड़ा होगा
तो उतने अच्छा होगा इसका जो हार्डवेयर इंटरफेस। इसको आप यहाँ पे देखिए, हमारा जो यहाँ पे जो ये है, ये 32 सैंपल्स से सपोर्ट करता है और अप टू 1024 सैंपल्स। तो नॉर्मली कोई भी साउंड कार्ड आप जो इसमें लागू करेंगे, मतलब इसमें जो आप व्यवहार करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, उसमें यूजुअली 256 सैंपल्स यूजुअली ले लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जितना ज़्यादा सैंपल आप यहाँ पे रखेंगे, उसका वैल्यू जितना ज़्यादा रखेंगे, आपका सिस्टम में लेटेंसी लेकिन उतना ही आएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कम से कम 128 या 64, मैं कहूँगा आपको 128 सैंपल रखने से आपका काम बहुत आराम से चल जाएगा। और यहाँ पे देखिए होस्ट इंजन क्या कह रहा है, इग्नोर एरर्स ड्यूरिंग प्लेबैक एंड रिकॉर्ड, ये मे कॉज क्लिक्स एंड पॉप्स। तो इग्नोर करने से, मतलब ये जो इंजन बोल रहा है, होस्ट इंजन बोल रहा है, कोई भी प्लेबैक रिकॉर्ड करते वक्त कोई भी एरर को इग्नोर कर जाओ, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्लिक साउंड आ सकता है, पॉप साउंड आ सकता है, जो आपको बाद में बहुत भुगताएगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको आप अनचेक ही रखें, चेक मत कीजिएगा। उसके बाद डायनेमिक प्लगइन प्रोसेसिंग, इसको चेक कीजिएगा, जो डायनेमिक प्लगइन है उसको ये प्रो टूल्स डायनेमिकली प्रोसेस कर सकता है। और उसके साथ साथ वीडियो भी इंजन जो है उसको इनेबल रखिए। इसके नीचे देखिए डिस्क प्लेबैक। तो डिस्क प्लेबैक बोले तो जिस डिस्क को लेके आप काम कर रहे हो उसी डिस्क में उसका कैश साइज कितना हो सकता है, जिस डिस्क को लेकर काम कर रहे हैं ये प्रो टूल्स, उसी डिस्क का कैश साइज कितना रहेगा, क्योंकि ये एक वर्चुअल मेमोरी बना लेता है उसमें। तो उसको आप 5GB रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर हार्ड ड्राइव, जो हार्ड ड्राइव का कैपेसिटी जो है उसके हिसाब से आप उसको कैपेसिटी दे रखिए, जो कैश साइज का जो कैपेसिटी दे रखिए। हमारे इधर में बहुत सारे कुछ है, यहाँ पे आप 28GB तक दे सकते हैं, आप मिनिमम 2GB दे के रखिएगा, मिनिमम 2GB आपको कैश साइज होना चाहिए। इसमें क्या होता है, सिस्टम बहुत आराम से काम कर सकता है उसमें। अभी प्लेबैक इंजन का हिस्सा जो है वो हो गया। इसके बाद हम लोग आएंगे सेटअप, फिर से सेटअप में जाइएगा और IO सेटअप। दिस इज़ द मेन थिंग, यू नो दैट दिस इज़ द मेन थिंग, बिकॉज इसमें इनपुट सेक्शन होता है, जो साउंड कार्ड आप यूज़ कर रहे हो उसका इनपुट सेक्शन के हिसाब से यहाँ पे आपको इनपुट चैनल दिखाएगा। अगर आप 6 इनपुट या 8 इनपुट चैनल, 8 इनपुट वाला साउंड कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको वो 8 इनपुट ही दिखाएगा यहाँ पे, और उसी हिसाब से उसका आउटपुट, जैसे कि आपका साउंड कार्ड का आउटपुट अगर 10 आउटपुट है, मतलब 18 या 16 आउट अभी हो सकता है, 2 in 6 आउट, ऐसा बहुत सारे ऑडियो इंटरफेस मार्केट में अभी अवेलेबल है, जो आपकी मतलब जो डिमांड है आपके काम के मुताबिक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे आपका साउंड कार्ड का इनपुट लेवल, मतलब इनपुट काउंट जितना होगा उसी काउंट के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये कितना चैनल्स इनपुट में है, उसके इनपुट में आप चेक कर लीजिएगा, और आउटपुट भी उसी हिसाब से आपको दिखाएगा, आप सबको चेक कर लीजिएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट चेक ही रहता है। लेकिन याद रखिएगा उसका जो डिफ़ॉल्ट चैनल 1-2, जो मैंने ओरिएंटेशन में कहा था आपको, डिफ़ॉल्ट चैनल 1-2 इसको डिफ़ॉल्ट रखिएगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट होता है, आपका मॉनिटर पाथ भी डिफ़ॉल्ट होता है 1-2, और ऑडिशन पाथ भी 1-2 होता है। ऑडिशन बोले तो जैसे मैंने आपको दिखा था, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं एक स्पीकर का एक मतलब पिक्चर आता था पहले, तो उसके ऊपर से स्पीकर जब कोई भी एक ऑडियो के ऊपर से आप खिसकते थे तो आपको साउंड उस ट्रैक में क्या साउंड है ये आपको सुना रहा था। वो ये एक्चुअली मॉनिटरिंग होता है, तो मॉनिटरिंग के लिए वो बात भी सेम रहेगा 1 and 2। और जब कोई प्रो टूल्स का कोई प्लगइन्स लेके, ये मतलब मान लीजिए कोई VST साउंड लेके आप काम करेंगे, तो उसका भी मॉनिटरिंग साउंड आपको मॉनिटर पाथ से मिलेगा, मतलब ऑडिशन पाथ से मिलेगा। सो मॉनिटर पाथ एंड ऑडिशन पाथ, AFL PFL पाथ, मतलब आफ्टर फेडरल लेवल एंड पोस्ट फेडरल लेवल पाथ, सबको आप चैनल 1-2 डिफ़ॉल्ट जो होता है चैनल आउटपुट 1-2 जो है उसको करके रखिए। उसमें आपको क्या होगा, उसमें आपको कोई स्पीकर लेके समस्या नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होगा स्टीरियो, और पाथ ऑर्डर जिसका है लेफ्ट एंड राइट। आप यहाँ इसको यहाँ पे देखिए क्लिक कीजिएगा तो लेफ्ट LCL आपको मिल जाएगा, 5.1 मिल जाएगा, 7.1 मिल जाएगा। लेकिन गलती से भी कभी 5.1 7.1 मत कीजिए, अगर आपके पास 5.1 कोडेक नहीं है तो। आपके पास एक मतलब वन पेयर
नियर फील्ड मॉनिटर है तो नियर फील्ड मॉनिटर के हिसाब से आपको 5.1 नहीं चाहिए, आपको सिर्फ स्टीरियो चाहिए लेफ्ट एंड राइट। सो आपको यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट जो है वो आपको स्टीरियो में रखना होगा स्टीरियो में, और पाथ ऑर्डर जो है लेफ्ट एंड राइट रखिएगा तो बेहतर है। जब आप 5.1 अराउंडिंग कुछ आप एडिटिंग करेंगे या मिक्सिंग करेंगे उस टाइम आपको ये पाथ ऑर्डर आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वो एडवांस स्टेज की बात बोल रहा हूँ मैं। फिलहाल जो प्राइमरी स्टेज बोलिए या जब नॉर्मल मॉडरेट स्टेज में जब आप काम करते हो तो उस टाइम आपको ये स्टीरियो फाइल लेफ्ट एंड राइट रखना चाहिए। तो इसको इसी सेटिंग में रखिए, इनपुट जो आपको मिल रहा है उसको वैसे ही रखिए। अगर इनपुट में कैसे भी करके गलती से अगर इधर उधर हो गया तो उसका आप डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा, ऐसा डिफ़ॉल्ट दबाएंगे तो आपका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ जाएंगे। आउटपुट पर भी अगर गलती से इधर उधर हो गया तो उसको डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में प्रो टूल्स ऑटोमेटिक उसको सेट कर लेगा। अभी आते हैं बास। आपको पता है बास सेक्शन प्रो टूल्स में ऑक्सिलरी बास, जैसे कि हम लोग प्रो टूल्स में यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी बास, तो बास का जो चैनल है बहुत सारे चैनल आपको यहाँ पे मिलेगा। हमारे इधर जो यहाँ पे जो बास है 128 बास हम लोग काम कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जो बास को यूज़ कर रहे हैं वो है 64 बास तक। तो आपका ऑडियो इंटरफेस जितना बास, मतलब आपका जो ऑडियो इंटरफेस जो सपोर्ट करता है उसी हिसाब से यहाँ पे बास आपको शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे 64 बास है। आपका ऑडियो इंटरफेस में अगर 8 बास है तो 8 बास का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर 20 बास है तो 20 बास का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी है आप आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बास आपको पता नहीं चल रहा है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दबा दीजिए, हो जाएगा ठीक ठाक से, ऑटोमेटिकली लोग ठीक कर लेगा। और ये जो डिफ़ॉल्ट बास आउटपुट बासेस क्या है, आउटपुट बस इंटरनल बस एंड ऑल बस। आप अगर इंटरनल बस को देखना चाहते हैं तो ये आपको इंटरनल बस भी दिखाएगा। मान लीजिए कि कुछ डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं तो इसको डिफ़ॉल्ट दबा दीजिए, तो देखिए यहाँ पे इंटरनल बस। तो ये सब आपको अभी छेड़ने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, आप डायरेक्ट उसको आपका ऑडियो इंटरफेस का जो इंटरफेस है आपका जो ऑडियो इंटरफेस है उसका जो बस फैसिलिटीज़ है अगर है तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर शो करेगा, नहीं तो इसको डिफ़ॉल्ट तौर पर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं ऑल बास करके इसको डिफ़ॉल्ट करके छोड़ रहा हूँ। इसके बाद इंसर्ट सेक्शन आता है। इंसर्ट सेक्शन भी सेम जैसा जितना चैनल आपके पास है उतने चैनल पे शो करेगा इंसर्ट सेक्शन। जैसे कि इनपुट आउटपुट हो रहा है उसका इनपुट भी होता है ना, तो इंसर्ट सेक्शन भी ऐसा होता है कि आप इसको ऑप्शनली यूज़ कर सकते हो इन फ्यूचर में कोई एक्सटर्नल डिवाइस देके, वो हम लोग एडवांस मोड में जाके देखेंगे। इसके बाद माइक प्रीएम, अगर आपका ऑडियो इंटरफेस माइक प्रीएम सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर के जरिए माइक पीएम सपोर्ट करता है तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। और इसके बाद हार्डवेयर इंसर्ट डिले, हार्डवेयर इंसर्ट डिले बोले तो मतलब अगर हो सकता है कुछ कुछ ऑडियो इंटरफेस में जो हार्डवेयर है वो इंटरफेस का कुछ इनबिल्ट डिले सिस्टम वहाँ पर काम करता है तो उसी हिसाब से इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अगर ट्रैक नंबर 1 पे अगर आपको 2 सेकेंड डिले आपको अगर लगता है 2 सेकेंड डिले है तो यहाँ पे आप +2 करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिले कॉम्पेंसेट हो जाएगा। ऐसा करते हुए हम यहाँ से अगर देखिए बिल्कुल 64 ट्रैक तक हम जा सकते हैं क्योंकि हमारा ऑडियो जो इंटरफेस है वो 64 ट्रैक का है। लेकिन आपके पास अगर 8 चैनल का रहेगा तो आपको 8 तक दिखा देगा, 8 तक आपको दिखा देगा, उससे आगे दिखाई नहीं देगा, तो घबराइए मत, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हार्डवेयर इंसर्ट डिले मैंने जब कंप्लीट कर दिया, इसको आप एक काम कर सकते हैं, जैसे इनपुट में आपका इतना सारे चैनल्स दिखा रहे हैं सबका सेटिंग ठीक ठाक हो जाने के बाद आप इसको एक्सपोर्ट करके अपना एक मतलब सिक्योर जगह में आप सेव करके रख सकते हैं सिक्योर, मतलब वो जो आपका सेटिंग्स को, क्योंकि इत्तेफाक से कभी अगर ये सेटिंग चेंज हो जाएगा तो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको एक्सपोर्ट सेटिंग कर रहा हूँ, जो हमारा यहाँ पर सेटिंग किया हुआ है ये अगर सेटिंग आपका पास भी अगर आपने ठीक ठाक आपका ऑडियो इंटरफेस के हिसाब से किए हैं तो उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर यूज़ के लिए। जैसे मान लीजिए इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो वैसे ही एक एक्सपोर्ट सेव आईओ सेटिंग्स एज ऐसा एक्सपोर्ट नाम आ जाएगा यहाँ पे। आप अनटाइटल्ड यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप नाम दीजिएगा आपका, आपके पास अगर मैडी है या प्रिसोनस है, आरएमई का कोई साउंड कार्ड है, कुछ भी जो साउंड कार्ड है उसका आईओ सेटअप बोल के यहाँ पे लिख दीजिएगा तो ये सेव हो जाएंगे यहाँ पे। जब भी आपको वो चीज़ चाहिए तो आप उसको इंपोर्ट सेटिंग्स कर सकते हैं, उसी जगह से आपको इंपोर्ट सेटिंग्स आपको मिल जाएगा। जैसे हमारे पास समत ऑडियो बोल के एक सेटिंग्स यहाँ पर रखा हुआ है, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आईओ सेक्शन जो है
उसी हिसाब से आयो सेक्शन सेट हो जाएगा, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो ये था फ्रेंड्स ये आयो सेटअप रेडी करने का, क्योंकि जब भी आप इसमें कोई ऑडियो ट्रैक को रिकॉर्ड करेंगे, जैसे ऑडियो ट्रैक नंबर वन इसको हम देखते हैं, इसको देखिए आयो सेक्शन चैनल नंबर वन यहाँ पर लगा हुआ है। मैं अगर चाहता हूँ चैनल नंबर फोर जो यहाँ पर है, मैं अगर चाहता हूँ इस ट्रैक में रिकॉर्ड करेंगे तो चैनल नंबर फोर से भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, नहीं तो अगर मेरा इंटरफेस लगता है कि 20-30 नंबर चैनल में इंटरफेस काम कर रहा है, मतलब 30 नंबर चैनल से हम लोग ऑडियो को इनपुट कर रहे हैं मिक्सर के ज़रिए, तो ये 30 नंबर चैनल में देखिए ये हम जो बात कर रहे हैं इसका सिग्नल आपको दे रहा है यहाँ पर, तो इसको आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। और इसका जो आउटपुट है इसका जो आउटपुट दे रहा है ये क्या शो कर रहा है, जो ये जो साउंड आउटपुट यहाँ पे हो रहा है ये आउटपुट डायरेक्ट आपका मास्टर पे मतलब मास्टर स्पीकर्स पे जा रहा है एनालॉग आउटपुट 1-2 के ज़रिए। इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे हम दिखाएंगे बाद में, वो एडवांस स्टेज के लिए होगा जब हम लोग सिग्नल राउटिंग करेंगे। अभी हम लोग सिग्नल फ्लो में हैं, क्योंकि कैसे सिग्नल इसके अंदर आता है, कोई भी एक चैनल के ज़रिए ये सिग्नल इसके अंदर आता है और एनालॉग 1-2 या आउट 1-2 के ज़रिए वो सिग्नल आपका प्रोड्यूस से प्रोसेस होके फिर स्पीकर में सुना देता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कैसे आयो सेटअप को सेटअप करते हैं। तो ये था सिग्नल फ्लो का पहला और अल्टीमेट डिस्क्रिप्शन, इसको आप याद से समझिएगा। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है ये है एडिटिंग एंड ऑडियो ट्रैक। आपने लास्ट दिन तक लास्ट एपिसोड में आपने क्या क्या सीखा, एक तो सीखा है ओरिएंटेशन, नंबर टू सिग्नल फ्लो, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑन ए ट्रैक, तीन चीज़ें आप सीख लिए। तो रिकॉर्डिंग ऑन ए ट्रैक ये आप जब सीख लिया उसके बाद उसको कैसे हम एडिट करेंगे, इसके लिए आज का ये टॉपिक है। तो चलिए उससे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं हमारा जो सेशन है ब्लैंक सेशन, इसमें मान लेते हैं कि चार नंबर ट्रैक में हम कुछ रिकॉर्ड करेंगे, अपना ही वॉइस रिकॉर्ड करेंगे। आपके पास जो ऑडियो इंटरफेस है उसके साथ एक माइक्रोफोन कनेक्ट कीजिए, और माइक्रोफोन का जो इनपुट आप दे रहे हैं उस इनपुट को आप ध्यान में रखिए, वही इनपुट आपका ये जो ट्रैक आपने सिलेक्ट कर रखा है या जो भी ट्रैक को आप सिलेक्ट करना चाहेंगे जिस पे रिकॉर्डिंग होगा। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चार नंबर ट्रैक में रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन चार नंबर ट्रैक में जब रिकॉर्डिंग करेंगे उससे पहले हमको देखना है मैंने साउंड कार्ड में जो इनपुट दिया था वो कितना नंबर इनपुट था। ये जो माइक हमारे पास है ये माइक तीन नंबर पे असाइन है, मतलब हम तीन नंबर चैनल पे इसको लगाया है, तो इसके लिए इसीलिए इसका जो इनपुट है इसको करते हैं इंटरफेस नंबर 3। तो अब देखिए इसमें सिग्नल आएगा, जैसे मैं इसका प्रीएम्प गेन बढ़ाता रहूँगा उसका गेन आएगा, और गेन को हमको रिकॉर्ड करना है तो कैसे करेंगे चेक कीजिए एक बार। हेलो 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 हेलो, आप देख रहे हैं बहुत ही लो सिग्नल है इसमें, बहुत ही लो सिग्नल। तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा गेन बढ़ाता हूँ जब तक वो -10 तक ना आ जाए, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये जो मेरा कर्सर जहाँ पे है यहाँ तक तो आना ही चाहिए सिग्नल को, जो सिग्नल का जो पीक पॉइंट है कम से कम यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। इसलिए मैं मेरा जो प्रीएम्प का जो गेन स्विच है उसको मैं बढ़ा रहा हूँ। हेलो 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 टेस्टिंग, हेलो 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 टेस्टिंग, हेलो 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 टेस्टिंग, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी -10 तक मेरा लेवल आ चुका है, और मैं इसीलिए इसको अभी रिकॉर्ड करना शुरू करूँगा। तो पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, चलिए देखते हैं रिकॉर्ड में जाके हम लोग रिकॉर्ड का दबाएंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ से हम रिकॉर्ड शुरू करेंगे, तो क्लिक पहले क्लिक करेंगे, यहाँ पे करने के बाद हम रिकॉर्डिंग जो कमांड है न्यूमेरिक पैड 3 नहीं तो F12 नहीं तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा दीजिए। हेलो टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, हेलो हेलो टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। बस यहाँ तक ही हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद आप इसको प्लेबैक कीजिए, सुनिए। हेलो टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Hello, hello, testing. Hello, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. तो देखिए इसमें हेलो हेलो बोलने के बाद वन है क्या? हेलो टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. जैसे देखिए हेलो वन, ये अगर हेलो वन में हम करना चाहेंगे तो हो सकता है, लेकिन मेरा कर्सर शुरू हो रहा है यहाँ से 2 3 4 5. मैं यहाँ पे कर्सर को प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन कर्सर जाके इधर इधर पे आ रहा है, नहीं तो इधर पे आ रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा जो रिकॉर्डिंग मोड जो है ये ग्रिड मोड में है, इसको हम मतलब स्लिप मोड में लाते हैं। इसको स्लिप मोड में करने से क्या फ़ायदा है? मैं इस हमारा जो कर्सर है इसको मैं कहीं भी बिठा सकता हूँ। ठीक, हेलो वन टू, हेलो वन टू, तो हेलो वन यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। और इसका जो बाया हिस्सा जो है इसको हम लोग ट्रिम करते हैं, तो ये भी एक एडिटिंग का हिस्सा है। तो आपको जूम इन करके जहाँ पे आपका साउंड बिल्कुल नहीं है वहीं पे रखिए, और इस मतलब यहाँ से लेके अप टू लेफ्ट साइड में जितने सारे अनवांटेड साउंड है उसको आप ट्रिम कर डालिए। तो ट्रिम करने के लिए आपको कमांड दबाना पड़ेगा ए, ए दबाने से ऑटोमेटिक ट्रिम हो जाएगा। तो अभी आपका आवाज़ शुरू होता है यहाँ से, और इसके बाद देखिए 9 10 9 0 0 बोलने के बाद हेलो टेस्टिंग, हेलो, ये जो दोबारा हमने बोला है इसको हम नहीं रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक रखना है, बाकी जो दाया हिस्सा है इसको हम लोग खा जाएंगे, मतलब ट्रिम फ्रॉम राइट साइड, मतलब ट्रिम फ्रॉम राइट साइड। तो ट्रिम फ्रॉम राइट साइड किया, ये जो ऑडियो आपके पास आ गया है इसको आप कहीं भी बिठा सकते हैं ड्रैग करके, है ना, क्योंकि हम स्लिप मोड में हैं। अभी स्लिप मोड में जब हम लोग है तो इसको हम प्लेबैक करेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेबैक होगा। और हमारा जो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल है इसमें देखिए प्लेबैक जो स्विच है ये है लूप प्लेबैक के लिए, मतलब यहाँ पे देखिए आप लूप प्लेबैक है, डायनेमिक ट्रांसपोर्ट है, तो लूप में ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो इसीलिए लूप प्लेबैक चलता रहेगा। मैं जब तक इसको मतलब प्लेबैक करता रहूँगा लूप प्लेबैक चलता रहेगा। लेकिन याद रखिएगा जब रिकॉर्डिंग बटन इनेबल है उस टाइम लेकिन ये लूप प्लेबैक नहीं होगा। जैसे देखिए हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, आपने देखा होगा कि यहाँ तक जाने के बाद ये रुक गया है। लेकिन अगर इसको मैं ऑफ करता हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग जो बटन है उसको मैं ऑफ करता हूँ, तब जाके लेकिन ये प्लेबैक लूप प्लेबैक होगा। देखिए हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारा जो प्ले बटन है, प्ले बटन लूप में है। देखिए आप एक बार राइट क्लिक करता हूँ, लूप में है और डायनामिक ट्रांसपोर्ट में है, तो लूप में होने के नाते ये कंटिन्यूस लूप की हिसाब से बजता रहेगा। अगर रिकॉर्डिंग कोई भी ट्रैक का रिकॉर्डिंग बटन इनेबल नहीं है, तो मान लीजिए इसका अगर रिकॉर्डिंग बटन इनेबल कर देंगे या कोई भी एक बटन का इनेबल कर देंगे तो क्या होगा, ये भी मतलब सिंगल प्लेबैक ही होगा, लूप प्लेबैक नहीं होगा। चेक कर लीजिए एक बार, हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, देखा यहाँ पे रुक गया। लेकिन क्योंकि ये कोई भी ट्रैक में अगर रिकॉर्ड इनेबल बटन है तो वो आपको लूप प्लेबैक का ऑप्शन नहीं देगा। तो अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग जो करेंगे, यहाँ से लेके अप टू जीरो तक हमने गया है, अभी इसका जैसे कि मान लीजिए ये जीरो है, जीरो, ये है 9 9, इसके बाद 8 8, इसके बाद देखिए 7 7, इसके बाद देखिए 6 6। तो ऐसा करते 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 हम लोग 1 तक आएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा मोटो, मतलब हमारा मिशन जो है, ये मिशन अभी जीरो से लेके मतलब जैसा जैसा जीरो है ना, जीरो, इसके बाद हम लेके आएंगे 9 को, इसके बाद लेके आएंगे 8 को, इसके बाद लेके आएंगे 7 को। तो कैसे कैसे हम लेके आते हैं, इसका तरीका एक है, क्योंकि जब हम लोग गाने को एडिट करेंगे ऐसे ही हमको हर एक हिस्सा हो सकता है किसी जगह में से काटना पड़े और दूसरी जगह में जोड़ना पड़े, तो इसीलिए हम लोगों ने पहले ये कटिंग का मतलब जो कटिंग करके उसको डुप्लीकेट करके किसी जगह पे लेके जाना ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसका पहला लेसन यही है कि हम पहले क्या करेंगे, जितने सारे क्लिप्स है उसको अलग अलग करेंगे, लेकिन आपको कर्सर वहीं पे रखना पड़ेगा जहाँ पे बिल्कुल साउंड नज़र नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे कोई साउंड नहीं है,
यहाँ पे आप रखिएगा क्लिक और बी दबाइए तो ब्लेड हो जाएगा। यहाँ पे भी आप कर्सर रखिए, बी दबाइए ब्लेड हो जाएगा। उसके बाद आपको आना है इस वर्ड पे, यहाँ पे रखिए बी दबाइए ब्लेड हो जाएगा। थोड़ा सा कर्सर इधर लग के आइए, यहाँ पे आप बी दबाइए कट, यहाँ पे भी बी दबाइए कट। कितना हो गया अभी? हाँ अभी देखिए यहाँ पे बीच में एक साउंड सुना दे रहा है, 6 7। हाँ ये 6 का एस है ये, तो यहाँ पे हम रखेंगे तो ठीक रहेगा, 7 ठीक है 7। उसके बाद 8 बी दबाइए, 8 भी हमने स्प्लिट कर लिया है। इसके बाद ये है 9, इसको भी बी दबाइए 9 9। और इसके बाद 10 जो है दबाइए। तो देखिए तो अभी जहाँ जहाँ से हमने इसको कट किया, टुकड़ा टुकड़ा जो किया है, इसका सुनने का अभी ऐसा कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अभी 0 के बाद फिर 9 आएगा, 9 के बाद 8 आएगा। तो कैसे हम लाएंगे इसको यहाँ पे रखते हुए, ऐसा नहीं इसको यहाँ से यहाँ तक खिला दिया तो नहीं होगा क्योंकि ये जगह खाली हो जाता है। तो हमारा जो मिशन है वो है जो पहला वाला जो ऑडियो है सिर्फ यहीं पे ही रहेगा, लेकिन इसको कुछ बिना करते हुए हम इसको लेके जाएंगे इस 0 के बगल में। तो ये मतलब कौन सा लेटर था? 9। ये 9 था, तो 9 आएगा 0 के बाद फिर से। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसको क्लिक करेंगे। जैसे हम ऑल्ट को प्रेस करेंगे उसको क्लिक करेंगे और खींच के लेके आएंगे 9 के बाद, मतलब 0 के बाद, तो क्या होगा, ये 9 इधर रह गया, उसका एक डुप्लीकेट कॉपी हम यहाँ पे तैयार किए हैं, हो गया। इसके बाद 8 ए आ गया 9, तो मैंने यहाँ से लिया था याद रखिए। उसके बाद इसको भी ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे, ये था यहाँ पे, इसको लेके आएंगे यहाँ पे बराबर। इसके बाद इसको भी सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके लेके आएंगे यहाँ पे। इसके बाद इसको भी ड्रैग करके लेके आएंगे यहाँ पे। हम जो भी करें लेकिन ऑल्ट दबा के कर रहे हैं, ऑल्ट इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट दबा के ड्रैग करके लेके आया, उसमें क्या होगा वो सेक्शन कॉपी हो जाता है 100%। इसको सिलेक्ट किया, ड्रैग करके लेके आइए, इसको भी सिलेक्ट कीजिए लेके आइए। सिलेक्ट करते वक्त आप ऑल्ट छोड़ दीजिएगा, तो ये कौन सा आया, ये वाला। इसके बाद इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे लेके आया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं आपका माउस ज़्यादा हिल ना जाए, तो क्या होगा ये यहाँ से इधर उधर खिसक जा सकता है, तो बहुत माइनरली करना है, ये बैलेंस का मतलब मामला है कम्प्लीटली। तो देखिए इसके बाद क्या रह गया, इसके बाद अंदर 1 है, हेलो 1, इसको हम सिलेक्ट करके इधर लेके आए। तो इसमें अभी क्या हुआ है देखिए, एक्चुअल क्या बज रहा है अभी। हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 8 7 6 5 4 3 2। हेलो 1 3 2, उसके बाद हेलो 1। तो देखिए यहाँ पे 1 कहाँ से शुरू होता है, इसको जूम कीजिए, 1 कहाँ से शुरू हो रहा है, 1। आप देख रहे हैं, इस मामले में आपको क्या मतलब कौन सा टूल चाहिए, आपको चाहिए ये स्पीकर टूल। इसको आप इसके ऊपर से थोड़ा सा घिसटिए, नाउ वाला। तो 1 का वो यहाँ शुरू होता है, देखिए 1 1 1, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैजिक टूल के जरिए इसको ट्रिम फॉर्म लेफ्ट साइड कर देंगे, हो गया। अभी मैजिक टूल हमारा चालू है, इसको थोड़ा सा हम फेड इन करेंगे, तो उसमें क्या होगा धक्का नहीं लगेगा इसको, 1 तो बिल्कुल 1 हो गया। अभी इसको हम इधर लेके आएंगे बराबर, अभी जूम आउट कीजिए, देखिए सुन के देखिए, हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ऐसे आप एक फाइल को आप मतलब रिकॉर्ड किया, उसके बाद उसको चॉप किया, चॉप करने के बाद उल्टा सजा दिया आपने, मतलब एक बार सीधा बजेगा एक बार उल्टा बजेगा, उल्टा काउंट करते हुए आएगा, मतलब आप एडिट किए उसमें। तो देखिए ये इतना सारे टुकड़ा है, एक टुकड़ा को आप चाहते हैं कि एक ऑडियो फाइल में बदल डालें, ये कोई ऑडियो फाइल में बदलेगा नहीं अभी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये सब को सिलेक्ट करके आपको एक ट्रैक
कंसोलिडेट बोलते हैं उसको, ट्रैक को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो ट्रैक कंसोलिडेशन करने के लिए आपके पास जो टूल्स है, जो सॉफ्टवेयर है, वो है प्रो टूल्स। और प्रो टूल्स में ट्रैक को कंसोलिडेट करने के लिए जो मतलब कमांड दबाना पड़ता है वो है शिफ्ट ऑल्ट नंपैड 3। इन तीनों बटन को एक साथ दबाने से ये सब के सब कंसोलिडेट होके एक फाइल में बन जाएगा। देखिए अभी ऊपर हर एक फाइल के ऊपर एक टुकड़ा का नाम है, ऑडियो 4.03/02, ऑडियो 4.03/04, ऑडियो 4.03/06। ऐसा करते 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 इसका नंबर मतलब आगे बढ़ गया है, तो मतलब अलग अलग हर एक क्लिप अलग अलग बन गया है। सबको मिला के एक सिंगल क्लिप बनाएंगे जिसका नंबर सिर्फ एक ही होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप ये जो हैंड टूल है मतलब जो ग्रैबर टूल है, ग्रैबर टूल को राइट क्लिक कीजिए और ऑब्जेक्ट में आइए। आपको उस बार दिखाया था ऑब्जेक्ट टूल को हम किस काम पे लिया यूज़ करते हैं, आपको बाद में दिखाएंगे। देखिए अभी सबको सिलेक्ट करना है, क्योंकि नॉर्मल टूल में अगर एक को सिलेक्ट करेंगे फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, और ऐसे भी आप एक एक को सिलेक्ट करेंगे तो दूसरे को छोड़ देगा वो। इसके लिए एक चाहता है, जैसे कि आप एक को सिलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट दबा के दूसरे को सिलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट दबा के तीसरे को सिलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट दबा के आप चौथा को सिलेक्ट किया, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग मैटर है। उससे अच्छा है आप ये ग्रैबर टूल में जाके जब ऑब्जेक्ट टूल सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो टूल है ये ऐसा एक दिखने को आएगा, और ऐसा एक प्लस साइन यहाँ पे आएगा जिसको आप कोई भी ऑडियो फाइल का कोई बाहर के हिसाब से, अंदर से नहीं, बाहर से ड्रैग करके सिलेक्ट कीजिए। तो सबके सब सिलेक्ट हो जाएगा, ऊपर देखिए टाइमलाइन में सिलेक्ट हो गया है। अभी जो कमांड आपको प्रेस करना था वो कमांड आप प्रेस कर दीजिए, शिफ्ट ऑल्ट नंपैड 3। देखिए एक फाइल में बन गया जिसका नाम है ऑडियो 4.04। तो इसको आप जब प्लेबैक करोगे, हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1, हेलो 1 2, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जाने के बाद हम अगर चाहते हैं कि ये 1 बोलने के बाद, 1 बोलने के बाद थोड़ा सा झटका खाता होगा, ऑडियो ख़त्म हो रहा है, तो इससे अच्छा है यहाँ पे जो मैजिक टूल हमने ऑन करके रखा है थोड़ा सा फेड आउट दे देते हैं, और बिल्कुल सामने में जो है इसको थोड़ा सा फेड इन कर देते हैं, तो उसमें असर थोड़ा अच्छा आएगा। देखिए हेलो 1 2, अभी देखिए हेलो में थोड़ा सा तो प्रेशर बहुत ही कम आ रहा है, तो इसको हम ऐसे काप कर देंगे, और वो भी हम कर पा रहे हैं मैजिक टूल के ज़रिए। देखिए हेलो 1, अभी हेलो का बराबर सुनने को आ रहा है आपको हेलो का साउंड, हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो फ्रेंड्स ये ऐसा एक स्टाइल है जिसके ज़रिए आप एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ये कोई गाना है तो इसको आप कैसे कॉपी करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 7 8 9 0 7 8 9 0 ये जो हिस्सा है इसको आपको बाद में किसी जगह पे बिठाना है। कैसे बिठाएंगे, इसके बाद में बिठाना है, तो 7 8 9 0 आप पूरा 7 8 9 0 आप सिलेक्ट कर लीजिए, एक बार सुन लीजिए 7 8 9 0। तो 7 8 9 0 जब है तो इसको आप बी दबाइए, तो ये ब्लेड हो गया है। अभी फिर ऑल्ट दबा के इसको कॉपी करके लेके आइए यहाँ पे, ठीक है, लेके आइए यहाँ पे, ऐसे तो ड्रैग करके लेके आ सकते हैं। तो अगर आपको ड्रैग करके कॉपी नहीं करना है तो आप दूसरी तरह से भी कॉपी कर सकते हैं, वो क्या मैं दिखाता हूँ। ये जो आपने कॉपी किया इसको आपने सी दबा के कॉपी करके रखिए, ठीक है, आपके पास जो क्लिपबोर्ड है क्लिपबोर्ड में कॉपी रह गए हैं, लेकिन आप कहाँ पे बिठाना चाहते हैं इसको वो एक बार देख लीजिए, कहाँ पे मतलब आप यहाँ पे बिठाना चाहते हैं, बिल्कुल इसका बगल में है ना, जूम एक्सट्रीम जूम कीजिए और इसका बगल में आप बिठाना चाहते हैं, इस जगह में आप बिठाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट है, ये है आपका बार बीट्स, और नीचे देखिए ये नीचे टाइम सेकंड है, तो ये सेकंड्स और उसका टिक्स है, ये तो 13 सेकंड 5 4 6 में इतना टिक्स में आप इसको बिठाना चाहते हैं। क्या देखिएगा आपका स्पॉट पॉइंट है 13.5 4 6, इसको आप याद रखिए, जूम आउट करके ये जो हिस्सा है, ये जो आपको हिस्सा है इसको बिठाना है यहाँ पे, लेकिन ड्रैग करके नहीं। कैसे बिठाएंगे, हम इसके लिए यूज़ करेंगे स्पॉट मोड। तो जैसे हम स्पॉट मोड यूज़ करेंगे हमारा जो ग्रैबर टूल में जो
ऑब्जेक्ट टूल था, ये फंक्शन ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, हम इसको कहाँ बिठाएंगे, 13.546 में बिठाएंगे, जहाँ पे मेरा कर्सर है 13.546। तो जैसे मैं इसको हिट करूँगा 13.546 मेरे को मांगेगा, ये 13.546 ऐसा कुछ था, 546 ऐसा कुछ था। तो वहाँ पे जैसे ही आप इसको ओके कर देंगे तो वो वहाँ से उठ के यहाँ चला आएगा। हमारा जो कमेंट, जो हमारा जो इच्छा था, ये था कि ये चीज़ यहीं पे ही रहेगा, लेकिन 100% इसका सेम कॉपी यहाँ आके बैठेगा। वो कैसे बैठेंगे देखिए, उसके लिए आपको स्पॉट मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके लिए आपको स्लीप मोड में ठीक ठाक है। इसको ड्रैग कीजिए, सिंपल सा ड्रैग करके बिल्कुल यहाँ बिठा दीजिए आप। तो स्पॉट मोड में आप करेंगे तो क्या होगा, जिस फलाना ऑडियो फाइल को आप क्लिक कर रहे हो, वो ऑडियो फाइल 100% वहाँ से उठ के चले जाएगी इधर, उसका कोई कॉपी उधर रहेगा नहीं। सो जब भी आपको कॉपी करना है आप उसे कर सकते हो। और इस तरह से मान लीजिए ये जो वर्ड है 7890 इसको आप दो बार करना चाहते हो या तीन बार करना चाहते हो, तो उस टाइम आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो, कंट्रोल डी दबाने से डुप्लीकेट होता है, और नहीं तो ऑल्ट आर दबाइए रिप्लीकेट होता है। आपको तीन बार चाहिए टोटल, ऑलरेडी एक बार है तो उसमें और दो बार दे दीजिए, तो नंबर ऑफ रिपीट्स 2 दीजिए और एंटर दबाइए। देखिए ऑलरेडी 7890 तीन बार हो चुका है, 7890 7890 7890। तो इस तरह से आप कोई भी ऑडियो डिजाइन को कॉपी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, आगे का हिस्सा पीछे लेके जा सकते हैं, पीछे का हिस्सा आगे लेके आ सकते हैं, ऐसे आप एक ऑडियो फाइल को आप एडिट कर सकते हैं। और ये भी आप कर सकते हैं सिर्फ मैजिक टूल के ज़रिए। तो मैजिक टूल का जो इस्तेमाल है वो अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, प्रो टूल्स का जो ओरिएंटेशन है इसके बारे में हम लोग सीखे हैं, उसके बाद जो आपका सिग्नल फ्लो, उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, सिग्नल फ्लो प्रो टूल्स में सिग्नल फ्लो कैसे होते हैं और कैसे हम उसको इन और आउटपुट देते हैं, इनपुट और आउटपुट देते हैं। अभी हम सीखेंगे एक ट्रैक में, जैसे कि प्रो टूल्स में जैसे आप कुछ ट्रैक ले लिया ना, यहाँ पे देख रहे हैं आप कुछ ट्रैक्स है, तो एक ट्रैक में हम लोग कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे। मान लीजिए आपका जो ऑडियो इंटरफेस है उसके साथ आपका माइक्रोफोन कनेक्टेड है और आप चाहते हो कि माइक्रोफोन से आपका आवाज़ रिकॉर्डिंग हो जाए प्रो टूल्स में, आपका जो डॉ है, तो उसके लिए आपको जो करना होगा, पहले आप कोई भी माइक्रोफोन एक्सएलआर केबल के ज़रिए चैनल 3, 4, 1, 2 आप लगा सकते हो। जैसे कि हम अभी अभी लगाया चैनल 3 में लगा दिया उसको, तो आप देख रहे हैं चैनल 3 को मैं आर्म किया है, इससे कहते हैं आर्म करना, मतलब रिकॉर्डिंग इनेबल करना। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो शिफ्ट आर दबा के, जैसे मैंने पहले बताया था शिफ्ट आर दबा के आप उसको इनेबल कर सकते हैं रिकॉर्ड इनेबल, और शिफ्ट आर दबा के आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल रिकॉर्डिंग करने के लिए हमको उसको इनेबल करना है, इसलिए शिफ्ट आर दबा के हम इसको इनेबल किया। माउस से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जो ट्रैक ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जैसे ये सफ़ेद जो ट्रैक है, सिर्फ उस पे ही आपको शिफ्ट आर कमांड काम करेगा रिकॉर्डिंग इनेबल करने के लिए या डिसेबल करने के लिए। अगर ऐसा होता है कि आप ऑडियो चार्ट में आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, लेकिन आपने शिफ्ट आर दबा के रखा है, लेकिन ये ऑडियो नंबर 4 रिकॉर्डिंग इनेबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सिलेक्टेड नहीं था इसलिए वो रिकॉर्डिंग इनेबल नहीं हो रहा था। याद रखिएगा, माउस से जब हम क्लिक करेंगे कोई भी ट्रैक को हम रिकॉर्डिंग इनेबल कर सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है जैसा सफ़ेद जो है, उसी ट्रैक को अगर इनेबल करना चाहेंगे या डिसेबल करना चाहेंगे रिकॉर्डिंग, तो आप शिफ्ट आर दबा से कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं शिफ्ट आर दबा के इसको मैं इनेबल कर सकता हूँ और डिसेबल भी कर सकता हूँ, लेकिन चैनल नंबर 4 में हम
ऐसे नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए ये कोई भी चैनल स्लिप नहीं है, मैंने शिफ्टर दबा दिया तो उसमें कोई भी चैनल रिकॉर्डेबल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप ऑडियो को सिलेक्ट कीजिए, फिर शिफ्ट आर दबाइए तो हो सकता है, और नहीं तो सिंपली आप कोई भी ऑडियो ट्रैक का रिकॉर्डिंग बटन दबा दीजिए तो उसमें रिकॉर्डिंग अनेबल हो जाएगा। चेक करेंगे इसमें सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, चैनल नंबर 3। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा इनपुट जो है, देखिए इसका चैनल इनपुट आईओ, मतलब इनपुट में हम लोगों ने दे रखा है चैनल नंबर 3, चैनल नंबर 3 हम लोगों ने दे रखा है चैनल नंबर 3। और ये जो माइक देख रहे हैं, इस माइक में मैं सिग्नल को इनपुट दे रहा हूँ, तो चेक कीजिए, हेलो 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 हेलो। तो ये आपका जो चैनल इनपुट है सिलेक्ट करना पड़ेगा, देखिए अभी हेलो 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 माइक के ज़रिए मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें सिग्नल आ रहा है तीन नंबर से, हेलो 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 हेलो। अभी ये जो सिग्नल इसमें आ रहा है ये तीन नंबर चैनल के ज़रिए आ रहा है, मैं इसका गेन थोड़ा सा बढ़ाता हूँ यहाँ से, एक मिनट, हेलो 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 हेलो। आपको देखिए कहाँ तक लेवल चेक करना है, मैं इस यहाँ पे गेन उसको बूस्ट कर रहा हूँ, हेलो 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 हेलो। अब देख रहे हैं -10 dB तक, मतलब यहाँ पे -10 dB तक मैंने इसका रिकॉर्डिंग लेवल रखा है, हेलो 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 हेलो। कभी कभार ऊपर चले जाए या नीचे आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिकली उसका जो लेवल है वो लेवल -10 तक होना चाहिए, हेलो 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 हेलो। इसे कहते हैं हेल्दी रिकॉर्डिंग लेवल। आपका जो ऑडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसका रिकॉर्डिंग करते वक्त उसका लेवल, अगर इनपुट लेवल अगर हेल्दी नहीं होंगे तो मिक्सिंग करते वक्त या जब आप उसको बैलेंस करेंगे, वो बैलेंस करते वक्त आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकते हैं। 100% आपको श्योर करना होगा कि -10 dB टेम्परेचर में आपको आपका जो ऑडियो सिग्नल है उसको पीक लेवल रखना चाहिए। अभी ही हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, हेलो टेस्टिंग, हेलो 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 हेलो। अभी मिक्स विंडो में तो हम लोग है, अभी हम लोग कहाँ जाते हैं, एडिट विंडो में। देखिए एडिट विंडो में सेम सिग्नल दे रहे हैं आपको, हेलो 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 हेलो। अभी मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ, तो रिकॉर्ड करने का कमांड था नंपैड 3 या F12 नहीं तो Ctrl+Space bar। तो Ctrl+Space bar ये दोनों को एक साथ दबाने से रिकॉर्डिंग चालू हो जाता है, देखिए चालू हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, हेलो टेस्टिंग, हेलो हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, हेलो टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। जैसे रिकॉर्डिंग हो जाएगा आप स्पेस बार दबा के उसको बंद कर दीजिए। अभी देखिए इसमें जो हमने रिकॉर्ड किया बजता रहेगा, तो मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ। अब देखिए रिकॉर्ड को रिजम करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, अभी आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, लेकिन जब ये प्लेबैक करेगा जो यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है वही आपको सुनाएगा, चेक कीजिए, हेलो टेस्टिंग, हेलो हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, हेलो टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अभी देखिए दाया बाया में बहुत सारे जगह में मैं जो उस टाइम टेस्टिंग कर रहा था या बात कर रहा था उसका कुछ लेवल घुस गया है, तो उसको हम पहले ट्रिम कर लेंगे। तो ट्रिम फ्रॉम लेफ्ट साइड जो होता है कमांड है ये, और ट्रिम फ्रॉम राइट साइड, हम लोग अभी ग्रीड मोड में हैं, स्लिप मोड में आते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो कर्सर यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ग्रीड, आपको तो पता ही है ग्रीड मोड में क्या होता है, इसीलिए मैं स्लिप मोड में आया हूँ और इसको हम जहाँ तक हमको चाहिए वो हमने ट्रिम करूँगा, ट्रिम फ्रॉम राइट साइड। तो ट्रिम फ्रॉम राइट साइड मतलब एस दबाने से ट्रिम फ्रॉम राइट साइड हो जाएगा। तो ये जो चंक अभी आपको मिल रहा है इसको आप हेल्दी साउंड कह सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से प्लेबैक कर रहा हूँ, हेलो टेस्टिंग, हेलो हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, हेलो टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। जैसे आपका माइक्रोफोन अभी तीन नंबर चैनल पे लगा हुआ है, आप तीन नंबर चैनल पे मतलब ऑडियो नंबर 3 पे इसको रिकॉर्ड किया, लेकिन आप अगर चाहते हो तो तीन नंबर जो ऑडियो ट्रैक है इसकी जगह आप 4 नंबर ऑडियो ट्रैक में भी रिकॉर्ड कर सकते हो बिना कुछ चेंज करके। मतलब इसका ऐसा नहीं है कि 3 नंबर ऑडियो ट्रैक में से 3 नंबर चैनल से आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आप कर सकते हो क्या,
चार नंबर चैनल में भी आप, जैसे चार नंबर ट्रैक है, इसमें भी आप कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैसे, मान लीजिए इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं और इसको डिजम कर देते हैं, डिजम हो गया, अभी रिकॉर्डेबल नहीं है। अभी चार नंबर ट्रैक को हम रिकॉर्डेबल करेंगे। अब देखिए, मैं अभी यहाँ पे जो इसका जो इनपुट लेवल है उसको मैं चेंज करता हूँ। इनपुट सेक्शन में इसका इनपुट है चार नंबर का, मैं वही तीन नंबर दे रहा हूँ। देखिए, चेक कीजिए, चार नंबर ट्रैक है लेकिन मैं चैनल दिया है तीन नंबर, मतलब चार नंबर ट्रैक में भी हम तीन नंबर जो चैनल है उसके इनपुट से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो एक नंबर चैनल में भी मैं तीन नंबर इनपुट देके मैं इस ट्रैक में रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो आपका लेवल सेम रहेगा, चेक कीजिए, पहले वहाँ पे -10 था, यहाँ पे भी सेम लेवल है। हेलो टेस्टिंग, हेलो 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 टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो, देख रहे। चलते हैं हम कहाँ, मतलब एडिट विंडो में। जैसे हम लोग एडिट विंडो में जाएंगे तो आपको एडिट विंडो दिखाई देगा, आप वहाँ से रिकॉर्ड कीजिए। हेलो टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, हेलो टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, हो गया हमारा रिकॉर्डिंग, आप सुन के देखिए। हेलो टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, हेलो टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से कोई भी ट्रैक में कोई भी चैनल का इनपुट देकर रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा उसका जो मेन आउटपुट रहेगा, मेन आउटपुट लेकिन एनालॉग 1 2 ही आपको होना चाहिए, नहीं तो आपको साउंड सुने नहीं देगा। मान लीजिए आपको एनालॉग 1 2 की जगह, इस जगह में मैंने एनालॉग 3 4 कर दिया या 5 6 कर दिया, तो जो साउंड यहाँ पे प्लेबैक होगा अभी वो आपको सुनाई नहीं देगा, देख रहे। एक्चुअली वो बज रहा है, एक्चुअली बज रहा है, लेकिन जिस ट्रैक का साउंड वो प्लेबैक कर रहा है उस ट्रैक का जो आउटपुट है, ये आउटपुट जा रहा है चैनल नंबर 5 6 से, लेकिन चैनल नंबर 5 6 तो हमारा मेन आउटपुट नहीं है, कोई गलत जगह से वो निकल रहा है। तो हमारा मेन आउटपुट क्या था, चैनल नंबर 1 2, इसलिए आपको आउटपुट मास्टर आउटपुट जो है 1 2 करना पड़ेगा, तब भी जाके आपको वो चीज़ सुनाई देगा। देखिए, हेलो टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, हेलो टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कोई भी ट्रैक में जितना चाहें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और मेन जो बात है, आप जब भी कोई भी ट्रैक में रिकॉर्ड करेंगे तो उसका इनपुट आप चेक कर लीजिएगा, कौन सा इनपुट से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आपका जो ऑडियो इंटरफेस है कौन सा आउटपुट, मतलब कौन सा इनपुट ले रहा है, आउटपुट नहीं, आपका जो ऑडियो इंटरफेस है उसका कौन सा इनपुट में आपने अपना माइक्रोफोन को कनेक्ट किया है, जो इनपुट को वहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे उसी इनपुट को आपको यहाँ पर देना पड़ेगा जो चैनल इनपुट है, क्योंकि उसी इनपुट से सिग्नल इनपुट हो रहा है और आपका एडिट विंडो है, आपका जो एडिट विंडो है वहीं पे वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम लोग जब प्रोड्यूस को काम पे लगवाते हैं, मतलब प्रोड्यूस को लेके जब काम करते हैं, तो प्रोड्यूस कुछ फोल्डर्स बनाते हैं, उस फोल्डर का क्या क्या नाम है वो हम आज देख लेंगे, उसका काम भी क्या है हम देख लेंगे, ताकि इन फ्यूचर में जब हमको ज़रूरत पड़े तो हम उस फोल्डर से, हमारा मतलब का जो चीज़ है उस फोल्डर से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। प्रो टूल्स का सेशन अभी खोल रहे हैं हम, तो थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, खोलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, और उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे प्लगइन्स भी है, तो प्लगइन्स भी लोड होना चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए। तो आप ऐसा मत सोचिए कि वो हैंग कर गया है, आपका सिस्टम अगर ठीक ठाक रहेगा तो थोड़ा बहुत, मतलब मान लीजिए कि 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर रनिंग हो जाएगा, मतलब लोड हो जाएगा। तो जब प्रो टूल्स स्टैंड बाई में आ जाता है, उसके बाद आपको एक क्रिएट करना पड़ता है प्रोटूल्स को, प्रोटूल्स खोलने के बाद आपको एक सेशन बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है वो, और वो क्रिएट करने के लिए आपका जो कमांड चाहिए, आपको कमांड देना पड़ेगा कंट्रोल एन, इसमें क्या होगा एक नया सेशन क्रिएट कर सकते हैं आप। उसमें देखिए नेम आपको डालना पड़ेगा, जैसे कि आज का प्रोजेक्ट का जो नेम है, नाम देके फाइल्स फोल्डर ऐसा कुछ नाम देके इसको हमने सेव कर रहे हैं, कहाँ पर सेव कर रहे हैं, यहाँ पे आपका प्रॉम्प्ट लोकेशन देना पड़ेगा, यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट फॉर लोकेशन ये है, लोकेशन नंबर दे रहे हैं। और उससे पहले आपको फाइल टाइप, तो जैसा वेब फाइल आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, एक्सटेंशन जो है वेब फाइल देना पड़ेगा, सैम्पल रेट 40 किलोहर्ट्ज़ ऐसा ही रहेगा, और
बीट डेप्थ जो रहेगा 24 बीट, आईओ सेटअप लास्ट यूज ऐसे ही रहेगा जो लास्ट यूज किए थे आपने, इनपुट इनपुट एंड आउटपुट सेटिंग्स। तब लोकेशन आपको कहाँ देना है, जैसे मान लीजिए कि जी में अगर लोकेशन देना है, जी बोले तो मतलब हमारे यहाँ पे ड्राइव कुछ है जैसे कि लोकल ड्राइव, वीडियो वर्क्स, डी, एफ एंड जी, तो जी में हम चले जाएंगे। यूज़ करंट फोल्डर में क्लिक कीजिएगा, जैसा जी में यूज़ करंट फोल्डर क्लिक कीजिए तो जी में आ जाता है, और आपका फाइल का नाम है फाइल्स फोल्डर, फाइल्स फोल्डर क्रिएट कीजिए। जैसे आप क्रिएट करेंगे तो एक विंडो पसंद आ जाएगा, ये है मिक्स विंडो और एडिट विंडो। फिलहाल अभी जहाँ पे हम लोग है ये है मिक्स विंडो, और इसके साथ साथ पीछे भी और एक रहता है वो है एडिट विंडो। तो यहाँ पे आपको ट्रैक लेना है, तो कैसे हम लोग ट्रैक को ले सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल एल दबाने से, मान लीजिए ये जो न्यू ट्रैक्स का पॉपअप विंडो आता है, शिफ्ट कंट्रोल एल दबाने से ये आपको सामने आएगा। और आप क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए कि चार या पाँच टूर ऑडियो ट्रैक ले लीजिए, और उसके साथ साथ एक स्टूडियो ट्रैक ले लीजिए, क्योंकि मास्टर स्टूडियो ऑडियो मास्टर फेडर रहेगा। क्रिएट किया आपने, तो देखिए ऑडियो 1 2 3 4 5 पाँच ऑडियो ट्रैक आपके सामने हाजिर है, और एक है मास्टर फेडर। तो मास्टर फेडर को क्लिक करते हुए सबको मैं ऑल दबा के क्लिक किया तो सब डिसलेक्ट हो गया। अभी जो हाल है, यहाँ पे अगर कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे आप, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे, नहीं तो 3-4 नंबर पर रिकॉर्डिंग करेंगे, 5 नंबर ट्रैक में रिकॉर्डिंग करेंगे, आप जहाँ पर भी रिकॉर्ड करें वो रिकॉर्ड वाला साइन, जैसे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये रिकॉर्डिंग जो फाइल यहाँ पे आप देख रहे हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन मैंने अभी तक लाइन में कुछ लगाया नहीं, ऐसे ही ब्लैंक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जैसा आपको समझाने के लिए। तो रिकॉर्डिंग करने के बाद जब इसको स्टॉप कर देंगे तो ये एक फाइल रिकॉर्ड होकर बन जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा। ये सब करने के बाद मान लीजिए पूरा गाना आपका रिकॉर्डिंग हो गया, तो इसके साथ साथ क्या होता है, ये जो फाइल आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया और सारे बहुत सारे ट्रैक्स जो है उसमें आप रिकॉर्ड करने वाले हैं, मान लीजिए कि रिकॉर्ड आप कर भी लिया है, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट है, तो उसको आप सेव कर रहे हो, तो कंट्रोल एस दबा के आप सेव कर सकते हो उसको, और उसके बाद आप उसको क्विट करोगे, मतलब क्लोज कर दोगे। तो क्विट करने के लिए कंट्रोल क्यू दबाने से वो पोर्टल क्विट हो जाता है। अब देखिए हमारा जो फोल्डर जो था, जी ड्राइव में जाते हैं, जी ड्राइव यहाँ पे जाके देखिए हमने कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, फाइल्स फोल्डर, मतलब ये देखिए फाइल्स फोल्डर बोल के एक बन गया यहाँ पे। ये जो फाइल्स फोल्डर है इसके अंदर आपको ऐसा एक फोल्डर आएगा और ऐसा एक फोल्डर आएगा, इसका काम क्या है, जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं प्रोटूल्स में, चाहे वो रखे या डिलीट करें, सब के सब फाइल ये ऑडियो फाइल्स में सेव होता है, एक के बाद एक सेव होता है, और सिर्फ इसमें आपको ऑडियो फाइल ही सेव होगा। तो इस ऑडियो फोल्डर से कोई भी फाइल अगर डिलीट हो जाएंगे, मतलब मान लीजिए कि इसमें बहुत सारे फाइल्स हैं, एक को डिलीट कर दिया, तो डिलीट करने से क्या होगा, आपका प्रोटूल्स जो ट्रैक को लोड करेगा जब वो उसी फाइल को ढूंढते रहेंगे कि ये फाइल मिसिंग है, तो आपको मिसिंग फाइल बोल के एक पॉपअप विंडो आएगा कि ये फाइल को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप तो गलती से हो या जान के हो या अनजाने में कोई भी एक फाइल को डिलीट कर देंगे, तो वैसा पॉपअप विंडो आपके सामने आ जाएगा। तो ये ऑडियो फाइल्स फोल्डर जो है इसके अंदर जितने सारे ऑडियो को हम रिकॉर्ड करते हैं सबके सब ऑडियो इसके अंदर रहता है। दूसरा फोल्डर देखिए सेशन फाइल बैकअप्स, इसमें एक्चुअली क्या होता है, अभी फिलहाल कुछ है ही नहीं, प्रोटूल्स का एक फीचर है, आप जब काम कर रहे हो हर 5 मिनट्स में प्रोटूल्स आपका सेशन को ऑटोमेटिकली सेव करके रखता है एक फाइल बैकअप बोल के, वो PTX फाइल आपको यहाँ पे नज़र आएगा। मान लीजिए आप 10 मिनट काम किए तो उसमें 5 मिनट वाला एक सेशन फाइल बना के रखेगा, उसके 5 मिनट में उसके बाद 5 मिनट जो होगा वो 5 मिनट में और एक फाइल बना के रखेगा यहाँ पे, लेकिन ये है PTX का बैकअप फाइल। ये फाइल आपको फ़िलहाल तब तक नहीं चाहिए जब तक आपका ओरिजिनल फाइल क्रैश ना हो जाए। फाइल फोल्डर्स ये है एक्चुअली PTX फोल्डर, मतलब यही है आपका वही फाइल जिसको आप क्लिक करने से वो वाला सेशन ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा, जो जो आपने सेटअप रखा था, मतलब फेडर लेवल क्या रखे थे और उसका प्लगइन क्या क्या लगाए थे, हाँ लेवल क्या क्या था, कौन सा ऑडियो था, सब कुछ जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, आप इसको उसी वक्त यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका वाला सेशन खुल जाएगा। और
ये है वेब कैश, मतलब आपका सेशन में, जैसे मान लीजिए कि मैं ये वेब फाइल्स अभी तक प्रोटल्स को भी खुला नहीं है, प्रोटल्स को मैंने क्लोज कर दिया, लेकिन सिंपली आप अगर इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो प्रोटल्स खुलेगा। देखिए प्रोटल्स खुल रहा है, तो ये एक्चुअली क्या है, कौन सा प्रोग्राम को खोलना है और उसमें क्या क्या ट्रैक्स है, क्या क्या सेटिंग था, इसको दिखाने के लिए, इसको मतलब लोड करने के लिए वो टोटल डेटा उसके अंदर सेव हो जाता है। उसके अंदर सेव हो जाने के बाद आप जब उसको क्लिक करते हो डबल क्लिक, तो पूरा सेशन का जो आपने सेटिंग करके रखा था सेम सेटिंग्स में आपके सामने हाजिर करवा देते हैं ये PDX फाइल। देखिए ये जो मैंने वहाँ पे जो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया था उस टाइम, आपको कुछ देर पहले दिखाया, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग के इस हालत में मैंने रखा था और सिर्फ इस हालत में ही वो है। यहाँ पे जो जो सेटिंग्स मैंने रखा था सेम सेटिंग्स यहाँ पे हैं, लेकिन ये जो आपको यहाँ पे जो ऑडियो फाइल्स का जो पिक्चर आप देख रहे हो, एक्चुअली ये तो पिक्चर है, दूसरा कोई कुछ है ही नहीं, इसी पिक्चर को एक्चुअली इमेज में पकड़ के रखता है ये वेब कैश फाइल जो आप देख रहे हो, ये वेब कैश फाइल। तो वेब कैश फाइल अगर गलती से डिलीट भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो रिजनरेट कर लेता है। लेकिन जब आपका प्रोटल्स खुला रहेगा, ऐसा एक वीडियो फाइल्स फोल्डर बनता है, ऐसा एक क्लिप ग्रुप बनता है, ऐसा एक बाउंस्ड फाइल फोल्डर बनता है। तो बाउंस्ड फाइल फोल्डर मतलब क्या है, बाउंस्ड फाइल्स जो है, जब आप इस सेशन को बाउंस करके आप सेव करना चाहेंगे तो उसी फोल्डर में जाके वो सेव होगा, ताकि जो गाना आप सेव कर रहे हो या बाउंस कर रहे हो, आपका पर्टिकुलर गाने का जो फोल्डर है उसी फोल्डर के अंदर जाके वो सेव होता है, इसलिए इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है। लेकिन आप अगर चाहते हो तो दूसरा किसी जगह में भी आप उसको सेव कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एक फोल्डर वहाँ पे बनता है, आप चाहते हो तो वहाँ पे सेव कर सकते हो, अगर नहीं चाह भी चाहते हो तो दूसरा किसी जगह में सेव कर सकते हो। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक वीडियो फोल्डर्स है, जिससे कि ऑडियो फाइल्स लेके मैंने बात किया, बाउंस फाइल्स लेके मैंने अभी भी बात किया, क्लिप ग्रुप्स लेके अभी तक बात नहीं किया। ये जो क्लिप ग्रुप है ये एक्चुअली यहाँ पे एम्प्टी है अभी, ये कब आपको काम आएगा, कब आपको मतलब आप देख पाएंगे, क्योंकि ये सब आपका काम के लिए है, ये प्रोड्यूसर जब काम करता है उसके खुद का काम के लिए है। ये जो क्लिप ग्रुप्स है एक्चुअली ये क्या काम करता है, ये आपके लिए नहीं है, ये प्रोड्यूस के लिए है। जब आप प्रोड्यूस में कोई भी ऑडियो रीजन में यहाँ से थोड़ा सा फेड आउट दिया, मान लीजिए यहाँ पे अपने ब्लेड किया, तो ये सब जो आप कर रहे हैं सब का सब जो फाइल, ये अलग फाइल होता है, ये अलग फाइल बन जाता है, तो सब के सब फाइल आपका वहाँ पे जो क्लिप ग्रुप है वहाँ पे जाके सेव होगा। मैं अभी भी कोई फाइल को सेव नहीं किया, इसलिए यहाँ पे सेव नहीं हो रहा है। जब भी मैं इसको सेव करूँगा, प्रोजेक्ट को सेव करूँगा, तो ऑटोमेटिकली ये क्लिप ग्रुप फाइल्स वहाँ जाके सेव हो जाएगा। ये लेकिन आपका कोई आपका खास का काम नहीं है। और सेशन फाइल बैकअप्स के बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया। और वीडियो फाइल्स बन के एक फोल्डर बनता है, जब भी आप कोई वीडियो लेके काम करोगे, मतलब वीडियो के साथ ऑडियो पांच कर रहे हो या वीडियो के साथ ऑडियो को सिंक कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो ऑडियो को, तो दैट टाइम ये वीडियो फाइल्स में आपका वो फोल्डर, जो फोल्डर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट किया आपने फोल्डर प्रोजेक्ट पे, उसी वीडियो फाइल इसके अंदर आ जाता है, ताकि वीडियो फाइल को ढूंढने में प्रोटल्स को टाइम ना लगे। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग फोल्डर बनता है, तो इसमें क्या होता है, आपका जो फाइल जो आपने एक साथ बहुत सारे फाइल को लेकर काम करते हैं, तो आप एक जगह में उसको सभी फाइल्स को आप एक जगह में देख पाते हैं। एक्चुअली ये है आपका मेन प्रोजेक्ट फाइल, इसके अंदर इतने कुछ बनाया है, ऑडियो फाइल्स बनाया, बाउंस्ड फाइल बनाया, क्लिप ग्रुप्स बनाया, सेशन फाइल बैकअप्स बनाया, वीडियो फाइल्स बनाया, एक PDX सेशन बनाया है, सेशन फाइल जिसको बोलते हैं, और वेब कैश। और ये जो ऑडियो फाइल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़िए मत। और ये फाइल्स फोल्डर्स बोल के जो PTX फाइल है, देखिए इसका एक्सटेंशन आप सर्च कीजिएगा तो PTX फाइल आपको एक्सटेंशन देगा, प्रो टूल्स एप्लीकेशन, देखिए PTX। तो ये जो PTX एक्सटेंशन आप देख पा रहे हैं .PTX, इसको आप छेड़िए मत, क्योंकि इसको आप छेड़ेंगे तो आपका सेशन बिल्कुल नहीं खुलेगा। उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ जाके सेशन बैकअप में जाके, ये देखिए बैकअप फाइल बन गया है, एक 5 मिनट का जो बैकअप उनको मिला है, उसी 5 मिनट का टाइम स्नैपशॉट लेके इसने फाइल फोल्डर्स .back, ये जो बैक जो बोल रहा है ये बैक बनाया उसने, मतलब बैकअप फाइल बनाया। तो ऐसे आपको बहुत सारे चीज़ मिलते रहेंगे यहाँ पे, तो बैकअप फाइल को भी मत छेड़िए,
PTX फाइल जो मेन है उसके मत छीनिए और ऑडियो फाइल के मत छीनिए। अगर आप सिंपल ऑडियो लेकर काम कर रहे हैं तो बाकी वेब कैश फाइल को आप चाहे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करना ज़रूरी नहीं है। अगर डिलीट करेंगे तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा आपका जो सेशन है उसको फिर से लोड करने के लिए। तो ये था प्रो टूल्स का फाइल ऑर्गेनाइजेशन।